हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, आज हमारा चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्लास टेंथ का चैप्टर मेटलर्जी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटलर्जी के बारे में। सबसे पहले इसका आज हमारा क्या है, पार्ट वन है। यहाँ मेटलर्जी का आज पार्ट वन है, यानी कि चैप्टर ये स्टार्ट हो रहा है, मेटल्स एंड मेटलर्जी चैप्टर है ना, मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें ही आपके टू पार्ट है, एक तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हमको पूरा स्टडी करना है, और उसी के का जो सेकेंड पार्ट है उसमें है मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी इस चैप्टर हम आज पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, मेटलर्जी सबसे पहले हम देखेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, अगर आपको मेटल चाहिए है ना। अकरेंस का मतलब आप कहाँ से लेंगे, ये कहाँ अवेलेबल होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको सब्जी चाहिए, तो भाई सब्जी लेने के लिए आप कहाँ जाएंगे, सब्जी की दुकान पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आपको सब्जी मिल जाएगा। और वैसे अगर हम ग्राउंड की बात करें, तो भाई फसल उगाते हैं ना, सब प्लांट उगाते हैं, सब्जी के पौधे उगाते हैं, वहाँ से हमको सब्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से वो चीज़ें आप ले रहे हैं, तो इसी को यानी कि अकरेंस, आप उसको पाएंगे कैसे, ठीक है, कहाँ से प्राप्त करेंगे। ओके, ये आपको कहाँ से मिलेगा, मेटल, मेटल आपको कहाँ से मिलेगा। मेटल मतलब क्या, देखिए चैप्टर में हमने पढ़ा है मेटल, नॉन मेटल में हमने अच्छी तरीके से स्टडी किया कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, बट अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको यहाँ एक बार वापस से बता रही हूँ कि मेटल क्या होता है। बहुत सारी हमारे डेली रूटीन में अगर हम देखेंगे, तो हम लोग बहुत सारे मेटल से घिरे हुए हैं, हमारे आसपास बहुत सारे मेटल हैं, और हम मेटल में जिस तरीके से आज कहते हैं कि आज नेट के बिना है ना, या टेक्नोलॉजी, इतनी सारी जो साइंस की टेक्नोलॉजी है, साइंस के इतने सारे जो साइंस को यूज करके और जो चीज़ें बनाई गई हैं, मटेरियल बनाए गए हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द है, हमको उसके साथ रहने की आदत हो गई। यदि हमको बोला जाएगा कि बिना फैन के रहो नहीं रह सकते, बिना मोबाइल के रहो नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों का अब हमको यूज करना होता है, और देखा जाए तो इन सब चीज़ों से हमारी लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल बनती है, हम बहुत सारे अपने काम मोबाइल पर करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमको इन सारी चीज़ों की आदत सी हो गई है ना, हमारे लाइफ का ये पार्ट हो गया है। उसी तरीके से अगर हम मेटल्स की बात करें, तो मेटल भी हमारे लाइफ का पार्ट है, क्योंकि मेटल की बनी हुई बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी वस्तुओं को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मेटल की बनी हुई कौन कौन सी वस्तु को आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे अलमारी, घर में आप अपने जो अलमीरा रखते हैं वो मेटल का बना हुआ है। अगर हमने टेबल लिया है, ठीक है, तो उसके जो टेबल का जो स्टैंड, जो उसका पैर होगा, वो मेटल का बना हुआ होता है। बहुत सारी चीज़ें हम छत बनाते हैं अपना, उसमें हम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। घर में बर्तन है वो मेटल का है, जो ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं वो मेटल की है। ठीक है, तो एवरीथिंग मतलब बहुत सारे, आप दिन भर में अगर देखिए अपने घर में, केवल आप ढूंढना शुरू करिए कि कितने मेटल हैं, तो आपकी कॉपी में बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे जो कि मेटल के हैं। ठीक है, ठीके? तो ये मेटल यानी कि इन मेटल से ये सामान बन रहे हैं, मतलब ये मेटल बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, इनसे, इन मेटल को लेकर के हम ऐसे ऐसे मटेरियल बना सकते हैं, और काफ़ी सुविधाजनक हमारी लाइफ जो है वो सुविधाजनक हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेटल जो होते हैं, ये मेटल कौन कौन से मेटल होते हैं, कुछ मेटल के मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे यहाँ पर दिखा गया है Ag, Ag का मतलब क्या होता है, Ag यानी कि सिल्वर, Au यानी कि गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, आयरन यानी कि लोहा, आपने देखा होगा लोहा के, तो लोहे के तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे आसपास। ठीक है, तो Fe यानी कि लोहा और निकिल, इस तरीके के बहुत सारे मेटल आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखिए, तो बहुत सारे मेटल मिलेंगे। ठीक है, अब इन सब मेटल का हमारे डेली के लाइफ में काफ़ी इस्तेमाल है, हम इनको यूज़ करते हैं। बर्तन जो किचन में इतना सारा हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप खाना खाते हैं, वो भी मेटल का ही बना हुआ है। ठीक है, यानी कि मेटल हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये मेटल आपको कहाँ से मिलेगा, यानी कि अकरेंस ऑफ मेटल, तो इस मेटल को पाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी अपनी धरती माता की। ठीक है, अर्थ पर जाइए, अर्थ को अगर हम देखते हैं है ना, पूरे अर्थ को हम देख नहीं सकते, लेकिन हमने अर्थ का डायग्राम पढ़ रखा है, तो अगर हम अपने अर्थ को देखते हैं, तो हमारे अर्थ पर हमको क्या दिखाई देता है कि ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट है ना। तो अर्थ के लेयरिंग को अगर हमने डिवाइड किया, तो उसको हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया। सबसे ऊपर हमारा ये हो गया अर्थ क्रस्ट, दूसरा होता है अर्थ मेंटल, और तीसरा लास्ट होता है अर्थ कोर। अगर आप अपने अर्थ को एक एग से अगर कंपेयर करवाएं, ठीक है ना, अंडे से, यदि आप एक एग से अगर कंपेयर करवाते हैं, तो जो एग का जो छिलका होता है, ठीक है, बिल्कुल आप समझ लीजिए रेशियो में कि वही क्या है, वो अर्थ क्रस्ट है।
ठीक है, अर्थ क्रस्ट जिस पर हम रह रहे हैं, धरती को जो आप देख सकते हैं, धरती को जिस भाग को, जिस पार्ट को आप देख रहे हैं, जिसको आप छू रहे हैं, जिसको आप डिग कर सकते हैं, यानी जिसको खोदा जा सकता है, ठीक है ना, जिसके अंदर से कोई चीज निकाली जा सकती है, ठीक है, वो क्या है, ये वाला जो पोर्सन अर्थ का है, इसी को हम बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। तो एग का जो व्हाइट वाला है ना, बिल्कुल समझ लो उतने रेशियो में होता है हमारा अर्थ क्रस्ट। उसके नीचे छिलके के नीचे जो उसका व्हाइट वाला पोर्सन आता है, छिलका हो गया अर्थ क्रस्ट, जो व्हाइट वाला है वो क्या है, मेंटल, और जो नीचे अंदर येलो वाला है एग का, वो समझ लो कि है कोर। तो हमने एक एग से कंपेयर किया कि हमारे अर्थ में कितने लेयरिंग होते हैं, ठीक है, ठीके? बिल्कुल उसी को माइंड में रखते हुए आप देखिए कि अर्थ में हमारे 3 लेयर होते हैं। पहला हो गया अर्थ क्रस्ट, दूसरा हो गया मेंटल, और तीसरा हो गया कोर। अब यहाँ पर बात आती है, अभी हमको अर्थ के बारे में पढ़ना नहीं है, अभी बात क्या आती है कि ये जो मेटल हैं, जिनके बारे में आपने बताया कि बहुत सारा मेटल का यूज़ है ना, हम बहुत सारा मेटल का इस्तेमाल करते हैं, और ये सारी चीज़ें काफ़ी यूजेबल है, मेटल को इस्तेमाल करके बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें बन रही हैं, वो सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलेंगी, अकरेंस कहाँ है, तो इसका अकरेंस होता है बच्चों अर्थ क्रस्ट। मेटल हमको कहाँ से मिलेगा, अर्थ क्रस्ट से मिलेगा, ठीक है, धरती के अर्थ क्रस्ट को तक ही हम पहुँच सकते हैं, है ना, क्योंकि इसकी ही काफ़ी, मतलब इसकी आप देखेंगे गहराई, तो इसकी गहराई ही बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ क्रस्ट को हम उसको मतलब क्रॉस करके मेंटल तक तो हम पहुँच ही नहीं पाते, ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में ही हमको सारे मिलेंगे मेटल। अर्थ क्रस्ट में मेटल जो हमको मिलेंगे, वो मेटल दो तरीके के मेटल मिल सकते हैं। कुछ मेटल हमको फ्री स्टेट में मिलेंगे, या उसको हम कहते हैं नेटिव स्टेट, ठीक है, या तो वो मेटल फ्री है या नेटिव कंडीशन में है, और दूसरा कैसे मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। मेटल यदि फ्री है, अब फ्री और कंबाइंड का मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो मेटल होते हैं, ठीक है, जो मेटल ये हैं, ये मेटल दो तरीके के होते हैं, जैसे आप आम अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि दो तरीके के लोग पाए जाते हैं, एक तो वो पर्सन होते हैं जो अकेले रिजर्व रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ज़्यादा दूसरों से बोलना, ज़्यादा दूसरों के साथ फ्रेंडशिप करना, इस तरीके का बिहेवियर उनका नहीं होता है, ठीक है। तो मान लो कि मेटल भी एक ऐसा मेटल है जो कि दूसरों के साथ ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहता है, रिजर्व रहना चाहता है, अकेले रहना चाहता है, ठीक है, तो अकेले रहने में ही उसको खुशी मिलती है ना, वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता। तो ये एक तो मेटल इस तरीके के पाए जाएंगे, जो इस तरीके के मेटल होते हैं जो कि अकेले रहना पसंद करेंगे, तो अकेले हैं वो, यानी वो उनका किसी के साथ जुड़ाव नहीं है, उनके कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, तो वो उनके साथ कंबाइंड नहीं हुए हैं, है ना, वो अकेले रह रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, फ्री स्टेट में है और या नेटिव स्टेट में है। अब कौन से मेटल ऐसे होंगे जो कि फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में रहेंगे, मतलब अकेले रहना जिनको पसंद है, वो मेटल होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी ना के बराबर होती है, यानी कि वो मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर हम साइंस की लैंग्वेज में देखें तो जो मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब किसी के साथ, ऐसा नहीं कि ये सामने वाला मिल गया तो चलो इसके साथ रिएक्शन कर लें, वो सामने वाला मिला उसके साथ रिएक्शन कर लें, है ना, जो रिएक्शन नहीं करते हैं ना, कहते हैं कि ठीक है अकेले ही ठीक हूँ, वहाँ अकेला आया हूँ अकेला ही जाऊँगा, है ना, जो एकदम बिल्कुल मतलब सुस्त लेजी से पड़े हुए हैं और उनको वो बिना कुछ किए ही काफ़ी सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो वो उनके आसपास क्या मौजूद है वो उसको लेना नहीं चाहते हैं, उसको गेन नहीं करना चाहते, बल्कि वो खुश हैं, ठीक है, जो उनके पास है उसी में वो खुश हैं, ठीक है, अकेले फ्री रह रहे हैं, ठीक है तुम लोग कर लो, अरे अरे वहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है, ओके तुम ले लो, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे जो आराम से रहते हैं, यानी कि वो क्या है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, मतलब लगभग ना के बराबर रिएक्शन करते हैं उन, वो मेटल जो होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर, जैसे ए जी हो गया, ए यू, पी टी और सी यू, ठीक है, ये जो मेटल हैं ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, यानी कि बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं ये, इस वजह से कम रिएक्शन करेंगे, मतलब लोगों से ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहेंगे, तो ये कैसे रहेंगे, फ्री स्टेट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये मेटल हमको फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। एग्जाम्पल इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको देता है, पूछता है कि कोई एग्जाम्पल बताओ कि फ्री स्टेट में कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं, तो आपको मैंने कुछ यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए हैं जिसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। ए जी ने कहा, मतलब कोई एक लेडीज़ हैं वो बोल रही हैं कि ए जी, ठीक है, अपने हस्बैंड से कैसे बात करेंगे, है ना, तो कह रही है ए जी सुनो ना, ये एयू है ना, ए जी एयू को, मान लो एयू क्या है, उनका बच्चा है, ठीक है, बेटा है, हस्बैंड वाइफ है और बेटा है, ठीक है, तो वाइफ ने अपने हस्बैंड से बोला कि ए जी सुनो ना, एयू को पीटिए ना, ठीक है, ए जी एयू को पीटिए, मतलब बच्चा जो है कुछ गलती कर रहा है, एयू को पीटिए ना, देखिए कॉपर खा रहा है, बच्चा जैसे मिट्टी खाता है ना, तो बच्चा कॉपर खा रहा है, तो ए जी एयू को पीटिए ना, देखिए क्या खा रहा है, कॉपर खा रहा है, तो ए जी एयू, ठीक है, ए जी एयू, ओके, पीटिए ना, तो क्या आ जाएगा, पीटी,
और कॉपर खा रहा है तो क्या हो गया यहाँ पर कॉपर है ना। तो ए जी ए यू और यहाँ पर पी टी और कॉपर ये क्या हो गए हमारे, ये चार जो हैं ये किस कंडीशन में पाए जाएंगे, ये फ्री या नेटिव कंडीशन में पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ये दूसरों के साथ कंबाइंड नहीं होते हैं। अब कंबाइंड स्टेट में कुछ हमको जो मेटल मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। तो वो कंबाइंड स्टेट में जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है या जिनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है, कुछ लोग होते हैं ना जो कि फ्रेंड बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं ना, फ्रेंड बना रहे हैं, ठीक है, उस उनसे भी कहीं भी अगर ट्रेन में बैठे हैं तो आसपास अगर लोग हैं उनसे भी दोस्ती हो गई, उनसे भी दोस्ती हो गई, उनसे भी दोस्ती हो गई, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जिनकी फ्रेंड सर्किल जो है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं ना उनके साथ फटाफट दोस्ती हो जाती है। तो इस तरीके के जो होंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे, ठीक है। तो जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो तो उनके आसपास ऑक्सीजन मिला उसके साथ रिएक्शन कर लिया, वाटर मिला उसके साथ रिएक्शन कर लिया, एसिड मिला उसके साथ रिएक्शन कर लिया, तो रिएक्शन करके वो हमेशा किस में पाए जाएंगे, कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, कभी भी वो फ्री स्टेट में नहीं रहेंगे, है ना, उनको अकेले रहना पसंद नहीं है, तो उसके साथ भी जुड़ गए, उसके साथ भी जुड़ गए, उसके साथ भी जुड़ गए, तो कैसे पाए जाएंगे ये, कंबाइंड स्टेट में, ठीक है। और कुछ मेटल ऐसे होंगे जिनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होगी, मॉडरेट का मतलब बीच बीच की रिएक्टिविटी होगी, ठीक है। तो जो जिनकी बीच बीच की होगी वो भी रिएक्शन करेंगे, उनकी इतना फास्ट नहीं करेंगे बट ठीक है ना। जैसे इन्होंने अभी मतलब 5 मिनट के अंदर इन्होंने अगर 10 से रिएक्शन कर लिया, 10 के साथ कंबाइंड होकर के बना लिया, ठीक है, कंबाइंड हो गए, तो जो मॉडरेट वाले होंगे वो मान लो कि 6 के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो 4 कम है ना। तो जो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है जिन मेटल की वो तेजी से कंबाइंड होते हैं, ठीक है, जिनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है कंबाइंड तो वो भी होते हैं, उनका कंबाइंड होने का रेट रिएक्शन रिएक्टिव रेट है ना, रिएक्शन कैसे करेंगे उसके साथ उनकी रेट जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है। तो कंबाइंड स्टेट में दोनों ही पाए जाएंगे, जिनकी रिएक्टिविटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है, या जिनकी रिएक्टिविटी रेट मॉडरेट होती है, वो दोनों ही मेटल, दोनों ही तरीके के मेटल कैसे पाए जाएंगे, कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। एक एग्जांपल मैंने ऐसे दिया है यहां पर, अदरवाइज आपने मेटल्स नॉन मेटल्स में देखा है कि कितने कौन कौन से, हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी उसमें कौन से हमारे मॉडरेट और कौन से हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट हैं। तो बच्चों यहां पर ये जो है हमारा ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाने वाला है, ठीक है। इसको भी एक एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो कि कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, कोई दो चार की एग्जांपल बताइए, तो इसका भी एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर एक लिख रखा है जो कि आप याद कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है ना, एमजी को बोलो सीए के पास जाकर एफई मतलब लोहे के पेन से निग्नेचर कराए, ठीक है। मान लो कोई है कह रहा हाँ ये नहीं चलेगा, ये सिग्नेचर तो नहीं चलेगा, ठीक है ना, पहले उसने क्या बोला ना ये सिग्नेचर नहीं चलेगा, एमजी को बोलो मतलब उसको बोलो वापस से जो सिग्नेचर करवा करके लेके आया है, सीए के पास गया था सिग्नेचर करवा करके लेके आया है, तो ये बोले कि ना 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 ये सिग्नेचर नहीं चलेगा ना, एमजी को बोलो सीए के पास जाए, वापस से सीए के पास जाए और जाकर एफई पेन से यानी कि लोहे के पेन से आयरन के पेन से और सिग्नेचर बोलने नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे, निग्नेचर करवाए, ठीक है, निग्नेचर करवाए। अब यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, ना ना का मतलब एन ए यानी कि सोडियम, एम जी तो एम जी ही है ना, सी ए के पास जाकर सी ए, सी ए के पास जाकर सॉरी एफई के पेन से, ठीक है, एफई यानी कि आयरन लोहे के पेन से निग्नेचर करवाए, निग नी नी से क्या हो जाएगा एन आई, ठीक है, तो निग्नेचर कराए। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कुछ एग्जांपल जो कि कंबाइंड स्टेट में ये मेटल पाए जाते हैं और ये मेटल जो है ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं कंबाइंड और क्यों पाए जाते हैं फ्री स्टेट वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट पर सबसे अधिक पाए जाने वाला मेटल कौन सा है, तो सबसे अधिक पाए जाने वाला मेटल क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है वो बहुत अधिक पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, हम आराम से मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है और उसके बाद आयरन और कैल्शियम का नंबर आता है, ठीक है, आयरन और कैल्शियम भी पाए जाते हैं सेकंड नंबर पर, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे ये तो मेटल हो गए हमारे, है ना, तो एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि सबसे अधिक तो हमारा एल्युमिनियम है नंबर वन पे, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये, और एफई और सीए जो है वो भी सेकेंड नंबर पर पाया जाता है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और सिलिकन पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या है, एल्युमिनियम मेटल में है, और नंबर सेकंड पे एफई और सीए, और नॉन मेटल क्या हो जाएगा एस और ओ और एसआई, ओके। अब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक पढ़ ली। अब बच्चों अब हम आते हैं मिनरल्स, देखिए मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स को हिंदी में बोला जाता है खनिज, ठीक है। मिनरल्स क्या होता है,
मिनरल्स जो होते हैं ये, अब देखिए यहाँ पर समझाने के बजाय मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, मैं आपको डायग्राम से बता रही हूँ मिनरल्स क्या होता है। अब आपको ये मेटल चाहिए, ठीक है, तो मेटल ऐसा तो है नहीं कि आप गए आपने देखा धरती पर है ना, अर्थ पर आप चल रहे हैं या वहाँ पर कुछ मिट्टी, मान लो कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, मिट्टी की खुदाई हुई, ठीक है, ज़मीन को थोड़ा खोदा गया, निकाला गया, तो उसमें से आपको दिख गया कि अरे ये मिनरल्स पड़ा हुआ है, ठीक है, आयरन पड़ा हुआ है यहाँ पर, या यहाँ पर जो है गोल्ड पड़ा हुआ है, ऐसे तो पड़ा हुआ तो रहता नहीं है, है ना। तो ये मेटल जो है ये आपको धरती से किस रूप में मिलते हैं, देखिए यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, अर्थ है, सपोज करिए कि धरती को ये जो है यहाँ पर डिक किया गया, उसकी खुदाई हुई है, तो मिट्टी की जब खुदाई हुई तो सडनली अर्थ क्रस्ट पर जहाँ तहाँ मेटल कहीं भी मिल सकता है आपको। आपने यहाँ पर देखा ना कि अर्थ क्रस्ट पर मेटल तो है, लेकिन मेटल को है वहाँ पर, लेकिन ऊपर ऐसे पड़ा हुआ नहीं है, जब खुदाई होती है तो वो खुदाई में मिल जाता है। तो अगर खुदाई हो रही है किसी और काम के लिए खुदाई हो रही है, ऐसा नहीं कि मेटल के लिए को पाने के लिए ही हमने पूरी धरती को ऊपर से खोद दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम वहां पे कुछ भी काम हो रहा था उसके लिए वहां पर चल रही थी खुदाई, और उसमें हमको मिला कि कुछ हमको यहां पे ऐसे पत्थर दिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमको मेटल दिखाई दिया, तो उन पत्थर के अंदर मेटल दिखाई दिया, पत्थर के अंदर चिपका हुआ मेटल दिखाई दिया कि अच्छा ये चमक रहा है कुछ, है ना, इतना बड़ा मालो पत्थर है, उस पत्थर में जगह जगह पे कुछ चमक रहा है, तो हमने समझ लिया कि अरे ये कोई ऐसा पत्थर नहीं है कि जो सिर्फ पत्थर ही है ना, सिर्फ पत्थर नहीं है बल्कि इसी पत्थर में हमको कुछ दिखाई दे रहा है, वो जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, मेटल। तो हमने जब खुदाई किया तो जो मेटल जो पत्थर के अंदर चिपका हुआ हमको जो मिला खुदाई के दौरान, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं मिनरल, यानी कि खनिज, ठीक है। खुदाई होती है, माइनिंग हो रहा है, खुदाई हो रही है, और उसमें हमको डायरेक्टली जो मिल रहा है पत्थर में पूरा मतलब गंदगी के साथ हमको जो वहाँ से मिल रहा है वो मेटल जो मिल रहा है, उन पत्थरों के साथ चिपका हुआ ऐसे पड़ा हुआ जो मिल रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मिनरल, ठीक है। तो हमको जो मिनरल मिला उस मिनरल से अब हमने देखिए ये हमको मिनरल मिल गया, ठीक है ना, ये खुदाई हुई और हम देख रहे हैं कि ये सब मिनरल है, लेकिन मिनरल में भी आप देख रहे हैं दो कलर, एक तो ब्लू कलर है, दूसरा क्या है, रेड कलर का है। तो ब्लू कलर वाले को मैं बोल रही हूँ कि ये मिनरल है, मिनरल तो सारे ही हैं, सारे मिनरल है, लेकिन रेड कलर वाले को मैं बोल रही हूँ कि ये क्या है, ओर है। ओर का मतलब होता है अयस्क, और मतलब अयस्क। अब उन सारे मिनरल्स को आपने देखा है ना, आपके पास मिनरल्स तो है, एक ही चीज मान लो कि आपको कॉपर निकालने के लिए तरह तरह के मिनरल्स हैं, लेकिन जहां से जिस पत्थर के टुकड़े से आप देखो ये पत्थर का टुकड़ा है, मान लो कि इसके अंदर आपको ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ये कॉपर है, ओके। अब आपको इसमें से कॉपर निकालना तो है, कॉपर निकालना है इसमें से, बट जो कॉपर है उसको निकालने के लिए आपको किस मिनरल से आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। और का मतलब होता है कि बहुत ही आसानी से, सुविधाजनक तरीके से और कम लागत में, मतलब कम पैसे खर्च करके जिस मिनरल से आपने निकाल लिया और, है ना, जिस मिनरल से आप मेटल को निकाल लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके सामने मिनरल पड़े हुए हैं, लेकिन जिस मिनरल से आप आसानी से, सुविधाजनक तरीके से और कम खर्च में आप मेटल को निकाल लेते हैं उसको बोला जाता है और, ठीक है। सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, जो भी हमने खुदाई के दौरान मिला हमको, मान लो कि खुदाई के दौरान हमको 50 पत्थर मिल रहे हैं, ठीक है, सब में ही कॉपर है, लेकिन उसमें से कुछ कॉपर ऐसे हैं जिनको उस पत्थर से उस कॉपर को निकालने में ही हमको इतना ज़्यादा खर्चा आ जाएगा ना, खर्च ज़्यादा आ जाएगा, इतनी परेशानी आ जाएगी कि जितने का वो कॉपर नहीं था जो निकला उससे ज़्यादा तो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, है ना। तो हम उन पत्थरों में से भी उसको सेलेक्ट करेंगे जिस पत्थर से हम आसानी से कॉपर को निकालने, कम खर्च में और आसानी से कॉपर को निकालें, ठीक है। तो वो जो पत्थर होगा जिसमें से कि हम निकालेंगे कॉपर को, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ओर, ठीक है। और उसके साथ जो गंदगी होगी, है ना, जो हम निकाल रहे हैं, अब ओर से हमको मेटल निकालना है, हमने ओर पहले सेलेक्ट किया, पहले पूरे मिनरल से हमने ओर सेलेक्ट किया, अब ओर में से हम क्या निकालेंगे, मेटल निकालेंगे। तो ओर से मेटल जब निकालेंगे तो पीछे क्या छूट जाएगा, बहुत सारी गंदगी छूट जाएगी, वो पत्थर छूट जाएंगे, बहुत सारी गंदगी छूट जाएगी। तो जो गंदगी रहती है उसको हम बोलते हैं गैंग और मैट्रिक्स, गैंग बोला जाता है उसको या फिर उसको मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हमने देख लिया, तो देखिए मिनरल्स और ओर के बारे में आपने सीख लिया, ठीक है, कि खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं जिसमें कि आपको मेटल मिल रहा है वो सारे के सारे ही मिनरल्स कहलाते हैं, लेकिन जिस मिनरल से, उन्हीं मिनरल्स के बीच में एक मिनरल ऐसा है जो कि सुविधाजनक तरीके से जिससे हम
जिससे सुविधाजनक तरीके से और कम पैसे में उसमें से हम मेटल निकाल सकते हैं, उस मिनरल को ही हम क्या बोलेंगे, ओर बोलेंगे। ठीक है, उसका नाम हमने चेंज कर दिया कि ये तो हमारा वाला ओर है, वो वाला नहीं चाहिए हमको, हमको ये वाला चाहिए। ठीक है ना, ये हमारे लिए सही है। तो ये क्या हो गया, ये मिनरल है, वो भी मिनरल था, ये भी मिनरल है, लेकिन इस मिनरल से हमको आसानी से मेटल मिल जाएगा, इसलिए ये मिनरल हमारा क्या कहलाएगा, हमारे लिए ओर है। ठीक है, ये ओर, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट किया है और हम मेटल इसमें से ही निकालेंगे, कॉपर हम इसी में से निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा ओर। ठीक है, अब देखिए उसमें से कॉपर को निकालना है, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो हम ओर से मेटल का क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, उसको निकालेंगे। अब देखिए एक लाइन यहां पर जो लिखी हुई है, लिखा है ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारे ओर जितने भी होते हैं सब मिनरल हैं, सारे ओर मिनरल हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो कुछ भी है, जितने भी तुमने उसमें से सेलेक्ट किया, तुमने ओर उसमें से निकाल लिया, लेकिन वो भी क्या है तो वो मिनरल ही, जमीन के अंदर से ही निकला है ना, ये सारे के सारे तो मिनरल ही हैं, सारे मिनरल हैं। ये तुमने ओर निकाल लिया तो ये ओर भी तो मिनरल ही था। ठीक है, तुमने नाम दिया है, तुम्हारे सुविधा अनुसार हमने नाम दे दिया कि चलो ठीक है ये हमारे लिए क्या होगा, ओर होगा, बट ये है क्या, ये है तो मिनरल ही। तो सभी ओर जो होते हैं वो मिनरल होते हैं, लेकिन सारे मिनरल ओर नहीं होते। ठीक है, सारे मिनरल यदि ओर होंगे फिर तो हमको ओर अलग से नाम देने की जरूरत ही क्यों पड़ता, फिर हम उसको मिनरल ही नहीं बोल देते। ठीक है, सारे तो मिनरल थे, उसमें से हमने सेलेक्ट किया एक को, जिसको हमने सेलेक्ट किया वो हमारे लिए ओर है। ठीक है, वो हमारे लिए ओर है। तो ये ओर कहाँ से आया, उनमें से ही आया। तो ओर जो है वो तो मिनरल है। ठीक है, ओर जो है वो तो मिनरल है, लेकिन सारे मिनरल ओर नहीं है, क्योंकि एक को हमने सेलेक्ट किया जो वो ओर है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, ऑल ओर्स आर मिनरल, सभी ओर तो मिनरल्स ही होते हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ठीक है, सब के सब तो स्टूडेंट ही होते हैं, क्लास में सारे के सारे साइंस स्टूडेंट हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही है जो कि आगे जो है टॉप करता है। ठीक है, फाइट करता है, मतलब कंपटीशन फाइट करता है, नीट में सिलेक्शन होता है तो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो सारे तो स्टूडेंट ही थे ना, लेकिन उसमें से एक जो है वो सेलेक्ट हुआ। बात समझ में आई, तो सारे तो मिनरल्स ही हैं, यानी कि ये भी पहले तो स्टूडेंट ही था, स्टूडेंट ही निकला है जिसका सिलेक्शन हुआ है। ओके, तो इसको पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने इसको जाना। ठीक है, तो ये भी क्या था, पहले स्टूडेंट था। आई होप कि आप बात समझ गया है ना। तो ये भी सारे के सारे तो मिनरल ही खड़े हैं, लेकिन उसमें से एक निकला जो वो क्या है, ओर है। अब इम्प्योरिटीज और गैंग और मैट्रिक्स, ठीक है, मैंने वहाँ पे आपको बता दिया कि जब भी हमारा मिनरल जो जिसको हम निकालना चाह रहे हैं, जब धरती से ये निकलेगा तो ऐसा नहीं कि आपने मिनरल्स को बहुत ही ऐसे बस निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया और इसको इस्तेमाल में ले लिया, मेटल को सॉरी, है ना, मेटल को आपने लिया, निकाला यहां से और इस्तेमाल में लिया, ऐसा नहीं होगा। हमने सबसे पहले ओर लिया मिनरल, मिनरल से हमने ओर को सेलेक्ट किया, और ओर से जब हम मेटल निकालेंगे तो बहुत सारे गंदगी को स्टेप बाय स्टेप हटाते चलेंगे। ठीक है, यानी कि ओर का हमने पहले कुछ किया, ठीक है, तो थोड़ी गंदगी हटी, फिर ओर से हमने और कुछ किया प्रोसेस तो थोड़ी और गंदगी हटी, फिर कुछ प्रोसेस करेंगे तो थोड़ी और गंदगी हटी, तब जाकर के ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमको फाइनली प्योर मेटल मिलता है। ठीक है, तो जो भी गंदगी हटेगी, इंप्योरिटीज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बच्चों आज हमने यहां ये इंट्रोडक्शन देखा है केवल, बहुत ज्यादा नहीं। अब इसके आगे अब हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा ओर है, ओर तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि अब इस ओर से कैसे हम स्टार्ट करें, जो हमारा चैप्टर का नाम है मेटलर्जी, यानी कि इस ओर से मेटल लाने तक का सफर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास टेंथ का, चैप्टर मेटलर्जी, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड में बच्चों स्टार्ट करेंगे, पिछली कहानी हमारी जहाँ पर ख़त्म हुई थी उसके आगे ही ये स्टोरी स्टार्ट होगी। तो अभी हम स्टडी करने वाले हैं, हमने देख लिया था कि मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर मेथड क्या है, हमारा यहाँ पर मेथड है क्रशिंग। ठीक है, क्रशिंग, देखिए अब हमको ओर मिल गया था। ठीक है, हमको निकालना क्या है ओर से, पिछले वीडियो में आपने अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले वहाँ पिछले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि स्टोरी उसके ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने ओर ले लिया, ठीक है, ओर हमको मिल गया, उस ओर से हमको क्या निकालना है, मेटल निकालना है। ठीक है, तो ओर से मेटल निकालने की स्टोरी अभी स्टार्ट हो रही है, और ओर से मेटल निकालना ये प्रोसेस जो होता है एक लंबा प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, और काफ़ी स्टेप होने के बाद वो जो ओर है, ये ओर है, इस ओर से आप देखेंगे कि वन बाय वन स्टेप करते करते हम इसमें से सारी इंप्योरिटीज को निकाल देंगे।
ठीक है, सारी इंप्योरिटीज को निकाल देंगे और हमारा बचेगा क्या, केवल हमारा बचेगा प्योर मेटल जो कि हमको चाहिए। ठीक है, ओर से हमको क्या करना है, इंप्योरिटीज निकालना है। अब उस ओर में जो कि मिट्टी के नीचे जो कि हमको अर्थक्रस्ट पर ओर मिला था, उसके साथ बहुत सारी मतलब जो मेटल है ओर के अंदर, जो मेटल है उस मेटल के साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज है। ठीक है, अब हमको इंप्योरिटीज नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, उसमें से अशुद्धियां थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए, उसमें से प्योर मेटल चाहिए। लेकिन मेटल को हम उसमें से निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो उनके साथ जो भी इंप्योरिटीज लगी हुई हैं, जो भी उसके साथ बुराइयां लगी हुई हैं, वन बाय वन एक 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 करके हम सारी इंप्योरिटीज को, सारी बुराइयों को निकालते 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 हमको क्या मिलेगा, फाइनली मिलेगा हमको मेटल जो कि क्या होगा, बिल्कुल प्योर। ठीक है, तो हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। तो सफर हमारा कहां से स्टार्ट होगा, ओर से मेटल निकालने तक का पूरा सफर। यानी कि हमने यहां से ट्रेन पकड़ी और ट्रेन जाकर के रुकेगी कहां, मेटल पर। तो ओर से चलेंगे और जाकर के रुकेंगे कहां, प्योर मेटल पर। लेकिन इसके बीच का जो ये पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मेटलर्जी, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। तो मेटलर्जी का मतलब होता है मेटल को पाना, किससे, ओर से, और बहुत सारे स्टेप्स से होते हुए। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेप्स से होते हुए ओर से मेटल को निकालना, यही पूरा जो लंबा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं मेटलर्जी, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब हम देखेंगे उसमें हम आज पहला कदम रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने मिनरल निकाल लिया, मिनरल से हमने क्या ले लिया, ओर ले लिया। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया ओर कि यही है, हमको मिनरल में तो बहुत सारे मिले थे लेकिन हमने सेलेक्ट कर लिया कि यही वो है जिससे हमको, इससे ही मेटल निकालना है। क्योंकि इससे, इस पत्थर, पत्थर के बहुत सारे टुकड़े हैं, इस पत्थर के टुकड़े से हमको मेटल निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है, ईजी है, और इसमें हमारा खर्च भी ज़्यादा नहीं लगता है। मतलब कम लागत में हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि हमको मेटल मिल जाएगा। तो हमने बहुत सारे पत्थरों में से उस एक पत्थर को जो निकाला, ठीक है, जिसमें से हमारे लिए काम करना आसान है, मेटल को निकालना आसान है, उस एक पत्थर को क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे ओर। यानी कि एक पत्थर का मतलब कि उनमें से, मतलब वैसा ही पत्थर, एक पत्थर नहीं, मतलब उस टाइप के पत्थर से हम निकालेंगे क्या, मेटल। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओर बोलेंगे। अब निकालना है, हमको ओर तो मिल चुका है, ओर से अब हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अब हमको चलते जाना है और हमको फाइनली मिलेगा मेटल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यानी कि मेटलर्जी का प्रोसेस हमको स्टार्ट करना है। तो इसमें पहला, फर्स्ट काम जो हम करेंगे वो हमारा क्या है, उसको हम बोलेंगे बच्चों क्रशिंग। ठीक है, ये अब हमको करना है, फर्स्ट प्रोसेस हम करेंगे क्रशिंग। अब जो पत्थर मिला है, काफी बड़े बड़े पत्थर मिले हैं जमीन की खुदाई से, ठीक है, जो कि ओर है ना, उस ओर के अंदर मेटल है, वो मेटल हमको चाहिए। तो हमने उस बड़े पत्थर को क्या किया, हथौड़े से उसको पहले छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा, फिर हमने उसको मिल में डाल करके उसको पीस दिया, तो बारीक पाउडर के रूप में वो चेंज हो गया। ठीक है, जैसा कि यहां आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो हमको ओर मिला था, इस ओर को हमने क्या किया कि हमने उसका पाउडर बना दिया, पहले बड़े पीसेस को तोड़े छोटे में, फिर उसको और छोटे में तोड़े हथौड़े से, उसके बाद हमने क्या किया, उसका पाउडर बना लिया। तो ये हमारे पास पाउडर आ गया जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रस्ड ओर। क्रस्ड ओर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हमने तोड़ा, जो हथौड़े से तोड़ा, जो मिल में लगा करके उसको पीसा, उसका पाउडर बनाया, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है क्रशिंग। ठीक है, तो हमने क्रशिंग प्रोसेस किया और क्रशिंग प्रोसेस के दौरान, के बाद क्रशिंग प्रोसेस खत्म हुआ, तो अब जो हमको पाउडर मिला है, ओर का पाउडर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रस्ड ओर। क्या बोलेंगे, क्रस्ड ओर। अब हमारे पास क्रस्ड ओर आ चुका है। अब उस क्रस्ड ओर में जब आपने उसको पीसा था, ठीक है, जब आपने उसको पाउडर बनाया था, तो उसमें बहुत सारी जो इंप्योरिटीज थी उस मेटल के साथ साथ, वो जो इंप्योरिटीज थी वो भी उसके साथ पिस गई। ठीक है, गेहूं के साथ घून भी पिस गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मेटल के साथ उसकी इंप्योरिटीज का भी पाउडर बन चुका है। लेकिन आपको इसमें से इंप्योरिटीज नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ मेटल। ठीक है, तो इसमें से अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम क्रस्ड ओर का पहला प्रोसेस तो हमने कर लिया,
लिया क्रशिंग, अब हमको मिल गया क्रस्ड ओर। अब हम क्रस्ड ओर को नहलाएंगे, धुलाएंगे, थोड़ा उसको साफ करेंगे, है ना। तो नहलाना है उसको, साफ करना है, यानी कि हमको अब काम करना है क्लीनिंग का, ठीक है। उसको साफ करना है, नहलाना है, ठीक है, क्लीनिंग का काम करेंगे। ओके, अब इस क्रस्ड ओर की थोड़ी धुलाई होगी, सफाई होगी, ताकि इसमें से कुछ इंप्योरिटीज तो निकले। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई है, थोड़ा इंप्योरिटीज इस स्टेशन पर, थोड़ा इस स्टेशन पर, थोड़ा इस स्टेशन पर, इंप्योरिटीज हटते हटते फाइनल स्टेशन पर जब हम पहुंचेंगे तो हमारी सारी उस मेटल के साथ जितनी भी इंप्योरिटीज थी सब पीछे छूटती जाएंगी और फाइनली हमको मिल जाएगा मेटल। तो अब यही होगा, अब हमको क्या करना है, उसको क्लीन करना है, यानी क्रशिंग के बाद हमको क्लीन करना है। और क्लीन करने के प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन, या इसी को बोलते हैं ड्रेसिंग, या इसी को बोलते हैं इनरिचमेंट, ठीक है। तो अब हम अपने क्रस्ड ओर का, जो हमारे पास क्रस्ड ओर है, उसका अब हम क्या करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे। मलम पट्टी जैसे ड्रेसिंग होती है ना, साफ सफाई होती है, ठीक है, वापस मलम पट्टी होता है। तो हम अपने क्रस्ड ओर का करेंगे ड्रेसिंग, या इसी प्रोसेस को बोलेंगे इनरिचमेंट, या इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन। ये वाली लाइन बच्चों आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही है डायग्राम से कि यहाँ पर भाई ये ओर हमको मिला था और उस ओर को हमने पीस करके ये क्या कर दिया, पाउडर बना दिया, यानी कि क्रस्ड ओर बना दिया। तो वहाँ डायग्राम आपको मिला और यहाँ पर ये लिखा हुआ मिला, इसका फ्लो डायग्राम। अब आप यहाँ देखिए, जो हमारे पास क्रस्ड ओर है, उस क्रस्ड ओर का आपने ये तो समझ लिया कि हमको क्रस्ड ओर का क्या करना पड़ेगा, इसका हमको करना पड़ेगा कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग या इनरिचमेंट करना पड़ेगा। लेकिन कंसंट्रेशन करने से पहले, जब हम सफाई करने जा रहे हैं, तो उससे पहले अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये हम, हमारे पास मेथड कई हैं, ठीक है। हमारे पास मतलब जैसे साबुन है, ठीक है, ये वाला भी सोप है, इस सोप से भी नहा सकते हैं, इस सोप से भी नहा सकते हैं, इस सोप से भी नहा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन कई है, देखना ये है हमको कि जो हमारे पास क्रस्ड ओर है, उस क्रस्ड ओर में इम्प्योरिटीज किस प्रकार की है, किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, तो हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे जिससे कि हम उन इम्प्योरिटीज को हटा देंगे, ठीक है। यानी कि क्रस्ड ओर को कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए, क्रस्ड ओर का कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, पहला है फिजिकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड, ठीक है। अब फिजिकल मेथड की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया कि चलो हम जो है फिजिकल मेथड से करेंगे, और कैसे हमने सेलेक्ट किया, हमने सेलेक्ट किया उसकी इम्प्योरिटीज को देखते हुए। जो हमारे पास ओर था, जो पाउडर था, इस पाउडर को हमने जब चेक किया तो हमको पता पड़ा कि इसमें जो इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज फिजिकल मेथड से हट जाएगी, ठीक है। तो फिजिकल मेथड से सारी इम्प्योरिटीज नहीं हटेगी, कुछ इम्प्योरिटीज हटेगी। तो फिजिकल मेथड से यदि इम्प्योरिटीज हट सकती है तो हमको क्या सेलेक्ट करना है, फिजिकल मेथड। जब हम फिजिकल मेथड की तरफ आते हैं तो हमको क्या पता पड़ता है कि फिजिकल मेथड में भी कोई एक दरवाजा नहीं है, है ना, कोई एक ही वे नहीं है, एक रास्ता नहीं है, बल्कि हमारे पास तीन तीन रास्ते हैं, ठीक है। तो फिजिकल मेथड में आने के बाद हमको दिखाई दिया कि यहाँ पर अब हमारे सामने तीन दरवाजे हैं, है ना। अब हमारे सामने ये परेशानी है कि हम इस दरवाजे से एंटर करें, इस दरवाजे से एंटर करें, या इस दरवाजे से एंटर करें। तीनों ही दरवाजों पर आपको करना क्या है, तीनों ही दरवाजे आपके ओर का कंसंट्रेशन करने के लिए ही हैं। लेकिन आपको इनमें से बोला गया है कि आपको सिर्फ एक ही रास्ता सेलेक्ट करना है, या तो आप नंबर वन वाले दरवाजे से जाइए, या टू वाले से, या थ्री वाले से। अब ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। तो आपको किस दरवाजे से जाना है, इसके लिए वापस फिर आपको ये बात कौन बताएगा, आपका क्रस्ड ओर बताएगा। उस क्रस्ड ओर में इंप्योरिटीज कैसी है, ठीक है। आप देखिए, आपका जो पहला दरवाजा है, उस पहले दरवाजे में अगर आप फर्स्ट दरवाजे को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होगी, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होगी, जो गंदगी होगी, जिसको हम गैंग या मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो इस तरीके की होगी कि इम्प्योरिटीज़ काफ़ी हल्की है और मेटल जो है वो भारी है, ठीक है। यानी कि डेंसिटी हैवी और लाइट वाली यदि बात है ना, कि डेंसिटी पर यदि डिपेंड करता है कि आपका मेटल जो है वो काफ़ी भारी है, और जो इसमें इम्प्योरिटीज़ हमने चेक किया तो हमको पता पड़ा कि वो काफ़ी हल्का है। हल्का मतलब इस तरीके का है कि अगर मेटल और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन दोनों के बीच में यदि रेस होता है, या पीछे से अगर कोई इनको धक्का दे रहा है, ठीक है, मेटल को और इम्प्योरिटीज़ को, दोनों को यदि कोई धक्का दे रहा है तो ज़ोर से ऐसे धक्का देंगे तो आगे तक कौन जाएगा, मेटल क्या है हमारा, भारी है, ठीक है, तो वो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो क्या है, हल्की है, ठीक है, तो वो उस उतने ही उसको हमने प्रेस किया तो वो काफ़ी दूर तक चला जाएगा। बात समझ में आई। तो हमने क्या किया कि इसमें से हमने जब चेक किया तो हमको कंडीशन ये मिला, क्या कंडीशन मिला, कि डेंसिटी अलग अलग है,
मेटल की और इम्प्योरिटीज़ की डेंसिटी अलग अलग है। मेटल हैवी है और जो हमारे इम्प्योरिटीज़ है वो क्या है, लाइट है। या हो सकता है उल्टा भी हो जाए कि इम्प्योरिटीज़ हैवी है और मेटल जो है वो क्या है, लाइट है। कुल मिलाकर के दोनों को रेस में एक काफ़ी पीछे हो जाना चाहिए और एक आगे हो जाना चाहिए, हमको ऐसा ही लेना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि कछुए और खरगोश का हुआ था, ठीक है ना, कि खरगोश की काफ़ी स्पीड है, वो आगे बढ़ सकता है, कछुआ पीछे रह जाएगा। तो इस तरीके का ही यदि हमको यहाँ पर सिचुएशन मिलता है, ठीक है, इस क्रस्ड ओर में, तो उस कंडीशन में हम सेलेक्ट करेंगे अपना दरवाजा नंबर 1। यहां पर हमको पहला दरवाजा इस्तेमाल करना है और फर्स्ट दरवाजे का नाम क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, या इसी को हम ग्रेविटी सेपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम अब चलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग पर, ठीक है, या ग्रेविटी सेपरेशन पर, यानी कि हम फर्स्ट दरवाजे को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखिए सारी चीजें लिखी हुई है। अब जरूरी बात यह है, आपसे पूछा जाएगा कि आप हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन का इस्तेमाल कब करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपने इस रास्ते का इस्तेमाल कब किया, यानी कि इसका बेस क्या था, आपने पता कैसे लगाया कि आपको इस दरवाजे से जाना है। तो पता लगाने का मेथड हमारा यह है, हमने जब उसको चेक किया तो हमको यह चीज मिला, इस वजह से हमने पता किया, हमने सेलेक्ट किया कि नहीं, हमको इस रास्ते से ही जाना चाहिए, क्लियर। इसी चीज को यहां पर डायग्राम से दिखाया गया है। डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है कि आपको पानी से, यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल करके सवर दिया जा रहा है, नहलाया जा रहा है, ठीक है। तो पानी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि जो पीछे से धक्का देने वाला था ना, वो कौन है, वो है वाटर। तो पानी है, उसके सामने मेटल भी है, उसके सामने क्या है, इम्प्योरिटीज भी है। पानी ने जोर से धक्का दिया तो मेटल तो वहीं रुक गया, धीरे 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 रुक गया जा करके, और जो इम्प्योरिटीज थी वो पानी के साथ बह गई, ठीक है। इसी इस्तेमाल करेंगे हम इसका, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर बताया है कि ये शावर दे रहे हैं ना, यानी कि फर्स्ट जो हमारा दरवाजा है, फर्स्ट दरवाजा, वहां पर हमने इस्तेमाल किया ये मेथड, ठीक है। अब उसी चीज को यहां पर एग्जाम में जो आपको डायग्राम बनाना है और जो चीजें लिखनी है डायग्राम, वो हमारा डायग्राम यहां है, ठीक है। लिखना कैसे है इसको, ये सारी चीजें आपके बुक में दिया हुआ है, तो वहां से आप पढ़ लेना थ्योरी और डायग्राम के, और डायग्राम और एक्सप्लेनेशन, ये मैं दोनों आपको यहां पर समझा रही हूं। देखिए हमने क्रस जो ओर ले लिया, ठीक है, और क्रस जो ओर लेकर के हम प्रवेश कर गए दरवाजे से, पहले दरवाजे से, पहले फिजिकल मेथड में गए, फिर हम पहले दरवाजे से एंटर किए। यहां जब हमने एंटर किया तो हमने कुछ ऐसा सेटअप किया, ठीक है। जब हम यहां एंटर किए तो हमको इस तरीके का सेटअप मिला। कैसा सेटअप, एक ये इंक्लाइंड प्लेन मिला, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है ना, ढलान जैसा जो होता है, तो ये एक आपको स्लोपिंग टेबल मिल रहा है, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन मिल रहा है। इसमें जगह जहां पर कुछ बैरियर लगे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद इसको, ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ना, बैरियर लगा हुआ है, कि जैसे वो होता है ना रोड पे कुछ बैरियर लगे होते हैं, अगर फोर्स के साथ काफ़ी स्पीड के साथ जा रहे हैं तो बैरियर को ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, अगर धीरे धीरे जा रहे हैं तो वहाँ पे गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बैरियर लगे हुए हैं, यहाँ पर ये हमने हॉपर ले लिया है और यहाँ से क्रस्ड ओर को हम यहाँ से डाल रहे हैं और टैप से यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पानी को हमने यहाँ से पानी वाटर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से वाटर जा रहा है, पानी जा रहा है, और यहाँ से ये दोनों आए, कौन आए, मेटल है हमारा और इम्प्योरिटीज, तो मेटल और इम्प्योरिटीज यहाँ से आ रहा है, वाटर पीछे से उनको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, हमने काफ़ी फोर्सली वाटर यहाँ से फ्लो किया। अब मेटल भी जा रहा है, मेटल इम्प्योरिटीज भी जा रहे हैं, उसी रास्ते से पानी भी जा रहा है, पानी क्या कर रहा है, पीछे से उनको धक्का देते हुए जा रहा है। तो जब बैरियर आता है, बोर्ड आता है, तो चूंकि मेटल हमारा क्या है, हैवी है, ठीक है, अब हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया कि मेटल हमारा हैवी है, तो इस पानी के बहाव में हमारा मेटल दूर तक बह नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि वो हैवी है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो वो मेटल हमारा जाकर के, आप देखो यहां यहां बैरियर बैरियर पे वो रुक जाएगा, ठीक है। तो यहां 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 जाकर के मेटल हमारा रुक गया, और जो उसमें इंप्योरिटीज होगी वो क्या होगी, वो तो हल्की है, ठीक है, वो पानी के साथ बह करके निकल गई, और पानी के साथ बह करके यहां आप नीचे देखेंगे तो वो जाकर के आपको पड़ी हुई मिलेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, गैंग या मैट्रिक्स। तो इस तरीके से, है ना, ये जो हमने मेथड इस्तेमाल किया पहले दरवाजे से, इससे हमने क्रस्ड ओर से इंप्योरिटीज को हटा दिया, ठीक है, इंप्योरिटीज अलग और मेटल अलग। तो इसका मतलब कि क्या आपको यहां पर जो मेटल मिला ये प्योर मेटल है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर जो हमको मेटल मिला है, अभी तो हमने थोड़ी सी इंप्योरिटीज हटाई है, मैंने बताया था ना कि ट्रेन स्टार्ट हो रहा है तो रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आएंगे, अभी तो ये हमारा पहला स्टेशन है, ठीक है। तो पहले स्टेशन पर हमने कुछ इंप्योरिटीज को हटा दिया, ठीक है, अब यहां से आगे रास्ते की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जो यहां पर हमको मेटल मिला है ना, ये मेटल इस रास्ते को क्रॉस करके निकल चुका है, ठीक है। तो यानी इस मेटल का, अब जो ये मेटल है, इस मेटल का कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस हो चुका है,
ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो हम पढ़ रहे हैं, है ना, कि कॉन्सेंट्रेशन या ड्रेसिंग या एनरिचमेंट पढ़ रहे हैं। तो उसका उसने इसने अपना एग्जाम पास कर लिया, पहले दरवाजे से निकल गया, यानी कि इसकी धुलाई हो चुकी है इस मेथड के द्वारा, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड ओर। ठीक है, जो प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद का, मतलब ये प्रोसेस इसका हो चुका है, ठीक है, तो ईडी लगा देंगे। जैसे क्रसिंग हो चुका था तो क्रस्ड ओर, कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर। क्लियर, समझ आ गया आपको? अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि मान लो कि हमने पहला वाला दरवाजा सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो हमारे पास दूसरा वाला दरवाजा है, है ना। अब हमने जब इसको चेक किया, यहां पर अपने क्रस्ड ओर को हमने देखा, तो हमको पता पड़ा कि ओहो इसमें तो सल्फाइड ओर है, ठीक है, सल्फाइड, देखो मतलब ये सल्फाइड ओर है, यानी कि इसमें सल्फर प्रेजेंट है। जब हमने इसको चेक किया पाउडर को, है ना, तो उसमें हमको क्या मिला कि उसमें ये ओर जो है, ये जो पाउडर है, ये जो ओर का बना हुआ जो पाउडर है, ये क्या है, इसमें सल्फाइड ओर इसको कहेंगे, यानी कि इसमें सल्फर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब इनका आपसे कहेगा ना कि कौन कौन से मेटल हैं जिनका हम कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोलिक वॉशिंग के द्वारा या ग्रेविटी सेपरेशन के द्वारा करते हैं, तो एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए दो चार, ठीक है, आप बताएंगे Fe, Sn, Pb, ठीक है, तीन एग्जाम्पल याद कर लीजिए, आयरन हो गया, टीन हो गया और लेड हो गया, इसका हम इसी मेथड के द्वारा कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। अब सल्फाइड ओर, अब उसमें आपको क्या मिला है, सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर मतलब कि PbS, यहाँ आपको दिख रहा है कि इसके साथ सल्फर प्रेजेंट है, है ना। तो यदि आपको सल्फाइड ओर मिलता है, देखिए यहाँ पर ये लेड का सल्फाइड है, जिंक का सल्फाइड है, कॉपर का सल्फाइड है, ठीक है, यदि आपको सल्फाइड ओर मिलता है तो इसका मतलब आपने ये चेक किया सल्फाइड ओर प्रेजेंट, तो आपको क्या करना है, सेकंड आपको दरवाजा सेलेक्ट करना है। अब अगर सेकंड दरवाजे से आप आते हैं तो अंदर जाने के बाद जब आपने एंटर किया तो वहां पर आपको क्या क्या मिलेगा, तो वहां का नजारा कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है बच्चों। और ये जो सेकंड है, इस प्रोसेस का नाम है फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो सेकंड दरवाजे से एंटर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस। और फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस के द्वारा कॉन्सेंट्रेशन किन ओर का किया जाता है, जो सल्फाइड ओर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल PbS, ZnS और Cu2S, ओके। अब चलिए फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस करते कैसे हैं वो देखते हैं। हमने ले लिया एक कंटेनर, ठीक है, इस कंटेनर में हमने भर दिया वाटर, पानी ले लिया हमने, कंटेनर लिया, कंटेनर में पानी भरा, पानी भरने के बाद हमने उसमें ऑयल डाल दिया, ठीक है, कौन सा ऑयल डाला हमने, पाइन ऑयल डाल दिया। तो हमने वाटर तो ले लिया था, उसके बाद हमने पाइन ऑयल डाला। आप एकदम खाली कंटेनर लेकर के एक 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 चीज़ें डालते जाओ और समझते जाओ। यह हमने कंटेनर ले लिया, इसमें हमने क्या डाला, पहले H2O वाटर डाला, फिर हमने क्या डाला इसमें, इसमें हमने डाल दिया पाइन ऑयल, ओके। उसके बाद हमने क्या डाला, उसके बाद हमने जो पाउडर अपना बना रखा है ना, क्रस्ड ओर, हमने उस क्रस्ड ओर का हमने पाउडर डाल दिया, क्लियर। तो अब ये चीज़ें हमने डाला इसमें, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये हमने ब्लू से ये पूरा पहले वाटर भर दिया, वाटर भरने के बाद हमने ये ऊपर है ना पाइन ऑयल है, क्यों, क्योंकि ऑयल और वाटर ये दोनों एक दूसरे में मिक्स होकर के होमोजेनस मिक्सचर तो बनाते नहीं है, हेट्रोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, यानी कि दोनों मिक्सअप तो है, लेकिन आपको ऑयल तो ऊपर दिखाई दे रहा है और वाटर जो है वो नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑयल का ऊपर लेयर ये दिख रहा है और वाटर का पूरा वाटर जो है ये नीचे, तो वाटर नीचे है, ऑयल ऊपर है, तो इस तरीके से ये सेपरेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पाइन ऑयल हो गया, ये वाटर हो गया, उसके बाद हमने क्या डाला था, हमने डाला था क्रस्ड ओर, हमने क्रस्ड ओर इसमें डाल दिया है, मिक्सअप है। अब क्रस्ड ओर में क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैकेनिज्म मैं आपको समझा रही हूं। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक ऐसा लिया, एक इस तरीके का ऐसे होते हुए और ऐसे नीचे जाकर के, और इस तरीके का एक ट्यूब है, ठीक है, जिसमें नीचे जाकर के क्या है, छोटे छोटे उसमें से पोर है, छेद है, यहां से अगर हम तेजी से बहुत ही फोर्सली यहां से अगर हम एयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है तेजी से एयर फ्लो करते हैं, तो वो एयर जाकर के क्या होगा, इनमें सारे मिक्सअप होंगे, ठीक है। अब हम प्रोसेस अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमने ये ट्यूब भी लगा दी इसके अंदर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां से तेजी से वाटर फ्लो करेंगे, ठीक है। जब तेजी से हमने वाटर फ्लो किया तो इस पानी के अंदर क्या मिक्स था, इस वाटर के अंदर ऊपर पानी है, ऊपर ऑयल है, नीचे हमारा वाटर है, और क्या मिक्स किया हमने इसमें, अब हमने डाला क्रस्ड ओर। जो हमने क्रस्ड ओर डाला, उस क्रस्ड ओर में क्या क्या था बच्चों, उसमें मेटल था, ठीक है, और मेटल के साथ कौन है, ये हमारा पीबी मेटल है, और मेटल के साथ कौन है, सल्फाइड है, यानी उसमें मेटल सल्फाइड, जैसे अगर हम इसी को ले लेते हैं तो PbS मेटल था, मेटल के साथ सल्फाइड था, ठीक है। मेटल को मैंने यहाँ पर M से लिख दिया, सल्फाइड को मैंने यहाँ पर S से लिख दिया,
तो जो हमारा ओर रहेगा उसमें मैंने एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पर दिखाया है उस तरीके के तो बहुत सारे रहेंगे पाउडर में, है ना। तो एक के साथ जो होगा वही कार्यक्रम सबके साथ होगा। तो मेटल का यहाँ पर सल्फाइड है और साथ में जी फॉर गैंग। गैंग का मतलब क्या? गुंडा गैंग, मतलब इम्प्योरिटीज, है ना। यहाँ पर क्या है इसके साथ में? इम्प्योरिटीज है, ठीक है। अब सल्फाइड ओर और इम्प्योरिटीज है ना, सल्फाइड ओर और इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज ये तो था, इसमें भी हमने यहाँ पर इम्प्योरिटीज को इसमें से हटाया है, रिमूव किया है। यहाँ पर भी हम कुछ इम्प्योरिटीज को ही रिमूव करने के लिए हमारी ट्रेंड सेकेंड फर्स्ट वाले स्टॉपेज पर रुकी हुई है, ठीक है। अब देखिए अब होगा क्या कि जब यहाँ पर एयर का प्रेशर आएगा, ठीक है, और एयर इसमें से पहले इसका नेचर हम देख लेते हैं। नेचर ये होता है कि जो सल्फाइड है, ठीक है ना, सल्फर का नेचर ये होता है कि ये ऑयल में ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और जो इसमें इम्प्योरिटीज है उसका नेचर ये है कि वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, देखो जैसे मेटल है ना, मैं मान लो कि मेटल सल्फाइड हूँ, मतलब मेरे साथ सल्फर जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर सल्फर है, तो मेरे साथ यहाँ पर सल्फर जुड़ा हुआ है और इधर क्या जुड़ा हुआ है? इम्प्योरिटीज, है ना, हम सब साथ में हैं। अब ये यहाँ पर सल्फर है और यहाँ पर इम्प्योरिटीज है। सल्फर कहता है क्योंकि इसको क्या पसंद है? इसको पसंद है इधर जाना, है ना। इधर जाना क्यों पसंद है? क्योंकि इधर ऑयल है, तो सल्फर कह रहा है ऑयल की तरफ चलो, क्योंकि वो ऑयल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और इधर जो इम्प्योरिटीज है वो कह रहा है नहीं 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 वाटर की तरफ चलो, ठीक है, उधर नहीं जाना, उधर जाना है, ठीक है। अब इधर भी खींचातानी हो रही है, इधर भी खींचातानी हो रही है, ठीक है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, है ना। तो इसमें मेरी मदद कौन करता है? मैं सोचती हूँ कि अरे क्या करूँ, किसके साथ जाऊँ, लेकिन मुझे इम्प्योरिटीज तो चाहिए नहीं, मुझे तो इससे छुटकारा चाहिए ना। तो मैंने सोचा कि चलो सल्फर से तो बाद में निपट लेंगे, पहले इनसे हटते हैं। और लेकिन इसमें मेरी मदद किसने की? इसमें मेरी मदद की इस एयर ने। अब यहां से जो कंप्रेस्ड एयर आएगा वो कंप्रेस्ड एयर इसमें से निकलेगा, ठीक है। यहां से जब एयर तेजी से निकलता है, यहां से जो पोर है इसमें से एयर तेजी से निकलता है, तो वो एयर इधर 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 बहुत तेजी के साथ फैलेगा, ठीक है। तेजी के साथ जब एयर फैलने लगता है तो इनके और इनके बीच में यहां पर कनेक्शन को तोड़ने में काफी मदद करता है, ठीक है, कनेक्शन को तोड़ने में। यानी कि मैं मेटल और मेरे बगल में सल्फाइड और यहां पर इम्प्योरिटीज, तो इसमें उसने यहां पर बीच में इसने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। इम्प्योरिटीज तो जा, इम्प्योरिटीज आ गई वाटर की तरफ, मैं मेटल और सल्फाइड हम लोग निकल गए, कहां चले गए? ऑयल में। तो हम लोग ऑयल में, यानी कि ऊपर। इंप्योरिटीज कहां गई? वाटर में, यानी कि नीचे। अब यहां पर इंप्योरिटीज, ये देखिए इंप्योरिटीज है, यानी कि जिसको हम क्या बोलेंगे, ये इंप्योरिटीज यानी कि गैंग, ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ नीचे आ गई, ये यहाँ आकर के इकट्ठा हो गई, और जो ये हमारा क्या है, मेटल सल्फाइड, ये कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है इसमें ऑयल के अंदर, ठीक है। और इस एयर के ये जो कंप्रेस्ड एयर आ रहा है, इस एयर के फोर्स से क्या होता है कि इसके ऊपर ऑयल यहाँ से होते हुए एक झाग जैसा बनने लगता है, ठीक है। क्या बनने लगता है बच्चों? झाग जैसा बनने लगता है। इसी झाग को हम बोलते हैं फ्रॉथ, ठीक है। इसको झाग का इंग्लिश मीनिंग होता है फ्रॉथ। तो यहाँ पर ऊपर फ्रॉथ बनता जाएगा और इसी फ्रॉथ के अंदर हमको क्या मिलेगा? हमको हमारा मेटल, इसी फ्रॉथ के अंदर हमको हमारा मेटल सल्फाइड मिलेगा, क्योंकि मेटल सल्फाइड, सल्फर जो है वो ऑयल के अंदर मिक्सअप हो रहा था और धीरे धीरे वो इस एयर की वजह से इस झाग के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब मेटल तो हमारा सल्फाइड के साथ है, ठीक है, मेटल सल्फाइड से भी छुटकारा पाएगा बाद में। अब यहाँ पर तो उसने कहा कि चल चल गैंग से तो छुटकारा मिल गया, अब सल्फर से बाद में निपट लेंगे, ठीक है। और यहां से सारा जो फ्रॉथ है, इस फ्रॉथ को आप एक कंटेनर ले लीजिए, सपोज करिए आपने ये नया कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में सारे झाग को क्या करिए, फ्रॉथ को इकट्ठा करते रहिए, ठीक है। और इकट्ठा करते धीरे धीरे झाग देखते हैं कि वो नीचे बैठने लगता है, सेटल डाउन होने लगता है, तो ये धीरे धीरे सेटल होने लगेगा नीचे। और यहां पर अब जो ये सेटल होकर के, ठीक है, फ्रॉथ, ये झाग सेटल होकर के मान लो ये बन गया, तो ये जो हमको मिला ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड ओर, यानी कि इसने सेकेंड दरवाजा क्रॉस कर लिया। सेकेंड दरवाजा क्रॉस कर लिया मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाने के बाद ओर हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड ओर। यहां पर भी हमको ये क्या मिला? कॉन्सेंट्रेटेड ओर। और हमको दूसरे दरवाजे से भी क्या मिल गया? कॉन्सेंट्रेटेड ओर। ओके बच्चों, अब हमारा बचा है क्या? तीसरा दरवाजा। तो अब हम तीसरे दरवाजे को एक बार देख लेते हैं बच्चों। देखिए अब थर्ड वाला, तीसरा दरवाजा हम कब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो देखो। तीसरे दरवाजे का नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब मैग्नेट को यूज करके और चीजों को सेपरेट करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन, इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमने अपने ओर में देखा कि उसमें कुछ, ये हमारा जो ओर है वो मेटेलिक ओर है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक ओर है, सॉरी मेटेलिक नहीं, मैग्नेटिक,
ठीक है, हमारा जो ओर रहेगा वो मैग्नेटिक, ठीक है, जब हमको हमारा ओर मैग्नेटिक दिखाई देगा, यानी कि या तो इसमें जो मेटल है, मेन हमारा जो मेटल है, या तो वो जाकर के मैग्नेट से चिपक जाए, या उसके साथ जो इम्प्योरिटीज है वो जाकर के मैग्नेट से चिपक जाए। तो बात अभी भी फ्रॉथ वाले की तरह ही है ना, कि इसमें भी क्या हुआ, मेटल चला गया ऑयल की तरफ, वो चला गया पानी में, बिल्कुल वैसे ही है। इसमें क्या होगा कि मेटल जो है वो जाकर के मैग्नेट की तरफ चिपक जाए और हमारे इम्प्योरिटीज जो है वो अलग हो जाए। तो हम इसमें अलग करने के लिए, इम्प्योरिटीज को, अशुद्धियों को अलग करने के लिए, मेटल को अलग करने के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, हमने एक मैग्नेटिक रोल ले लिया, रोलर, ठीक है, ये पावरफुल मैग्नेटिक रोलर है। उसके बाद हमने इधर भी एक रोलर लगा दिया। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक बेल्ट लगा दिया, ठीक है, ये बेल्ट जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करती है। मूव करने के लिए हमने इसका सिस्टम बना रखा है कि हम इसको किस तरीके से मूव कराएंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से ये मूव करेगा, ओके। ऊपर से हमने क्या ले लिया, यहाँ पर वापस हमने हॉपर ले लिया। हॉपर का मतलब होता है एक ऐसा जो कि ऑयल डालने के लिए कीप का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरीके से बड़ा रहता है जिसमें से हम डालेंगे उसको, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, क्रस्ड ओर को इसमें से डाल रहे हैं, ये क्या है, हमारा हॉपर है। अब यहां से जो इस हॉपर से आ रहा है, इस हॉपर से जो मटेरियल आ रहा है वो क्या है, क्रस्ड ओर। इसके अंदर इंप्योरिटीज भी है और मेटल भी है, ठीक है। अब ये यहां आएगा, अब इसके ऊपर ये पड़ा, लेकिन देखते ही देखते ये सामान आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं और हमारा बैग चेक हो रहा है, तो बैग को रख देते हैं और वो रोल करता रहता है, ठीक है, वो जो प्लेटफॉर्म जिस पे हम रखते हैं वो रोल करता रहता है, तो उसके साथ साथ हमारा बैग भी आगे जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से क्रस्ड ओर यहां पर आएगा और क्रस्ड ओर इसके साथ, बेल्ट के साथ आगे बढ़ता हुआ जाएगा इधर, और जैसे ये इधर पहुंचता है तो ये जो हमारा मैग्नेटिक रोल है, चूंकि वो मैग्नेट का बना हुआ है, तो अगर इसको कुछ भी लोहे जैसा दिखाई दिया जिसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो भी चीजें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, मैग्नेट क्या करेगा, पावरफुल मैग्नेट है ये, तो घूम तो रहा है तेजी से, लेकिन तेजी से घूमते हुए ये क्या करेगा, कुछ को अपने ऊपर ही चिपका लेगा, ठीक है, कुछ को तो अट्रैक्ट कर लिया, चिपका लिया, और फोर्सली घूम रहा है तो जो चिपकाया हुआ है हो सकता है वो नीचे भी गिरे। नीचे भी गिरेगा तो क्या होगा कि इसके करीब में गिरेगा, इसके पास में, है ना, क्योंकि ये इस पर अपना अट्रैक्शन फोर्स छोड़ नहीं रहा है। और जो चीजें इसमें ऐसी होंगी जिस पर मैग्नेट का कोई मतलब नहीं है, जैसे मान लो कुछ भी है ना, ऐसी चीज जिसको कि मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है, तो वो क्या होगा, वो यहां से उड़ करके, चूंकि ये तेजी से घूम रहा है ना, तो ये फोर्सली घूम रहा है, तो उड़ करके वो क्या हो जाएगा, दूर जा करके गिरेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, इस मेथड से इम्प्योरिटीज हमारी अलग हो गई, है ना, गैंग, और ये जो है यहाँ इकट्ठा हो गया हमारा, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर, ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर अलग हो गया, ओके बच्चों। तो यहां पर हमने क्या किया, मैग्नेट का इस्तेमाल किया, इसको इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन, और मैग्नेटिक ओर का इसमें इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल क्या है, Fe2O3, Fe3O4, इसमें आप देख रहे हैं Fe क्या है, लोहा, ठीक है, तो लोहा क्या होता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो हमारा मेटल जो है वो यहां हमको मिलेगा, और कॉन्सेंट्रेटेड ओर, कॉन्सेंट्रेशन हो चुका, वो हमको यहां मिलेगा और इसमें से कुछ इंप्योरिटीज निकल जाएगी। अभी हमने ये फर्स्ट स्टेशन पर कुछ कुछ इंप्योरिटीज को निकाला है, ठीक है, इस मेथड से, इस मेथड से, इस मेथड से, तीनों मेथड हमने देख लिया कि तीनों मेथड कौन सा, तीनों मेथड में हमको इस दरवाजे से निकलते हैं तो कैसा हमको यहाँ पे नजारा मिलता है वो हमने देख लिया। लेकिन हमको तीनों इस्तेमाल एक ही पर नहीं करना है, हमको सिर्फ एक ही इस्तेमाल करना है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, ठीक है, कि हमारा क्रस्ड ओर कैसा है। यदि हमारा क्रस्ड ओर जैसा भी रहेगा, वैसे हम मतलब जो कंडीशन रहेगी उस हिसाब से हम तीन वे इसमें सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर शॉर्टकट बना रखा है कि हमने फर्स्ट वे में तो वाटर का इस्तेमाल किया, सेकेंड ओर में हमने फ्रॉथ बनाया, झाग बनाया ऑयल दे करके, और थर्ड वाले में हमने क्या किया, मैग्नेट का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो देखिए एक डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमने मिनरल, मिनरल से हमने ओर को सेलेक्ट किया, ओर का हमने क्रशिंग किया यानी कि उसको पीसा, पीसने के बाद अब क्लीन करेंगे यानी कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए एक दो तीन मेथड, ठीक है, वही सारी चीजें यहां पर आपको रिटेन में है, ठीक है। और यहां पर उसी का पूरा डिटेल हमने देखा, डायग्राम और डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा कि ये चीजें कैसे कैसे काम करती हैं, ओके बच्चों। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और काफी ईजी में बताने की मैंने कोशिश की है। अब हमारा बचा क्या है, केमिकल मेथड, ठीक है, हमने ये फिजिकल मेथड क्रॉस कर लिया, केमिकल मेथड हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आप स्टडी करते रहिए, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का मेटलर्जी, और उसका आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्ट 3। अब बच्चों हमने पार्ट 2 में हमने कॉन्सेंट्रेशन के फिजिकल मेथड देख लिए हैं, आज हम स्टडी करेंगे कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस या ड्रेसिंग या इनरिचमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसका केमिकल मेथड देखेंगे, ठीक है। तो
केमिकल मेथड, सबसे पहली बात कि हम ये केमिकल मेथड यूज़ क्यों करेंगे। मैंने आपको उसमें भी बताया था फिजिकल मेथड में कि फिजिकल मेथड के जो है वो तीन रास्ते हैं, ठीक है ना, तीन दरवाजे से हम निकले थे कि हमारे पास फिजिकल मेथड के लिए तीन दरवाजे हैं, तो हम उन दरवाजों का सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं। ज़रूरी बात यह है कि हम फर्स्ट दरवाजे से जाएंगे, सेकेंड से जाएंगे या थर्ड से जाएंगे, हमने किस दरवाजे का सिलेक्शन किया और क्यों, ठीक है, उसका आंसर हमको मिला था सेकेंड वीडियो में। आज हम देखेंगे कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल मेथड, सॉरी केमिकल मेथड में एक ही दरवाजा है, तो इस एक दरवाजे का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यह चीज जानना जरूरी है। तो देखिए, केमिकल मेथड में एक ही दरवाजा हमारे सामने है। केमिकल मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। पिछले वीडियो के जस्ट आगे ही स्टोरी जस्ट आगे बढ़ रही है, यानी पिछला वीडियो देखिए आप, तो आपको एकदम एग्जैक्टली समझ में आएगा कि वहां बात खत्म हुई थी और यहां से बात शुरू हो रही है, ठीक है, उसके आगे से बात शुरू हो रही है। तो बच्चों, जो केमिकल मेथड होता है, ठीक है, केमिकल मेथड के द्वारा कॉन्सेंट्रेशन जो हम करने जा रहे हैं, इस दरवाजे को सेलेक्ट करने जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि अब हमको जो ओर मिला है, जो पाउडर मिला है, उस पाउडर को जब हमने चेक किया, ठीक है, कि तुम्हारा किस मेथड के द्वारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, जब हमने चेक किया तो हमको क्या पता पड़ा कि उसका इनका जो है कॉन्सेंट्रेशन हमको केमिकल मेथड से करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मेटल है और जो इसमें इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है, यानी इस ओर के अंदर जो मेटल और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनमें से कोई एक जो है वो रिएजेंट या केमिकल के साथ रिएक्शन करके अलग हो सकता है, ठीक है। तो जब हमको ये पता पड़ा, देखिए अब यहाँ पर, जब केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड हमारा डन हो चुका है, केमिकल मेथड जिसको लीचिंग भी कहते हैं, इस केमिकल मेथड का यूज़ हम तब करेंगे जब हमको पता है कि जो हमारा क्रस्ड ओर है, क्रस्ड ओर का मतलब ओर का पाउडर, जो हमारा क्रस्ड ओर है उस ओर में जो मेटल है वो मेटल किसके साथ रहता है, गैंग के साथ, ठीक है, मेटल गैंग के साथ है, यानी कि मेटल के साथ क्या रहती है, इम्प्योरिटीज़ रहती है। तो जिस मेटल के साथ जो इंप्योरिटीज है, इन दोनों में से कोई एक केमिकल के साथ रिएक्शन करके आराम से वो सेपरेट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ठीक है। जब हमको ये बात पड़ी कि अच्छा ये बात है ना कि तुम्हारे दोनों में से मेटल और इंप्योरिटीज में से कोई एक केमिकल के साथ रिएक्शन करके अलग हो सकता है, तो क्यों ना आराम से इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। इसलिए हमने केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल मेथड में इस दरवाजे का सिलेक्शन किया है, ठीक है। अब देखिए, जो इसमें हम केमिकल का इस्तेमाल करेंगे इनको और इनको अलग करने के लिए, ठीक है, ये हमारा मेटल है, M फॉर मेटल और G फॉर गैंग, गैंग यानी कि इम्प्योरिटीज, तो ये मेटल है, ये गैंग है, ठीक है। इन दोनों को हमको अलग करना है, सेपरेट करना है। कॉन्सेंट्रेशन हम क्यों कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कर ही इसी ले रहे हैं ताकि हम इम्प्योरिटीज को अलग कर सके। तो मेटल को अलग करेंगे और गैंग को अलग करेंगे, ठीक है ना, दो चिपके हुए हैं, दोनों को पकड़ करके अलग करना है। और इस अलग करने के लिए हमारे पास जो हेल्पफुल है, जो केमिकल हेल्पफुल है, वो है रिएजेंट, ठीक है। इस काम में रिएजेंट हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। अब रिएजेंट जो है, या तो वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, है ना, और इसको लेके चला जाएगा, या फिर रिएजेंट इसके साथ फोर्स लगाएगा और इसको लेके चला जाएगा, और इस तरीके से दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फाइनली हमको क्या चाहिए, हमको तो मेटल ही चाहिए। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे इंप्योरिटी सारी हट जाए, सारे गैंग हट जाए और हमको क्या मिल जाए, मेटल मिल जाए, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना, रिएक्ट विद मेटल। अब जो हमारा केमिकल होगा, जो रिएजेंट होगा, जिस रिएजेंट का हम इस्तेमाल करेंगे, रिएजेंट मतलब केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा रिएजेंट होगा वो या तो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा या फिर वो गैंग के साथ रिएक्ट करेगा, ओके। अब इन बातों को समझाने के लिए बच्चों, हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल है बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट ओर का हमने एग्जाम्पल लिया है, यानी कि यहाँ पर जो क्रस्ड ओर है, जो पाउडर है, वो पाउडर किसका है, वो बॉक्साइट ओर का पाउडर है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2S2O, ओके। तो हमने ये ले लिया है। अब इन्हीं को लेकर के, इस बॉक्साइट ओर को लेकर के हम केमिकल, केमिकल मेथड वाले दरवाजे से एंटर करेंगे और देखते हैं इनके साथ क्या क्या होता है।
अब देखिए ये जो ओर है बॉक्साइड ओर, इसके साथ क्या क्या इम्प्योरिटीज है, यानी कि गैंग इनके साथ कितने गैंग हैं, गैंग वन है, गैंग टू है, गैंग थ्री है, कितने गैंग हैं जो कि इस मेटल को के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। उन एक 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 करके हम सारे गैंग को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, देखिए पता लगाया कि अच्छा ये हमारा बॉक्साइड ओर है, यानी कि ये हो गया हमारा बॉक्साइड ओर, ठीक है। तो अब उसके बाद इसमें इम्प्योरिटीज कौन सी है, तो इसमें पहली इम्प्योरिटीज जो है वो है Fe2O3, ठीक है। ये गैंग है, ध्यान रखना बच्चों ये गैंग है, अशुद्धियां है, क्यों, क्योंकि हम यहां पर एल्युमिनियम को लेना चाहते हैं, हम कहते हैं एल्युमिनियम तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम्हारे साथ जितने वाले ना सबको छोड़ के हटो, ठीक है। तो एल्युमिनियम को हमको लेना है, उसके साथ जो भी है वो सब हमारे लिए गैंग है, सबको हमको सेपरेट करना है। तो ये तो हमारा हो गया मेन ओर, ठीक है, मेटल, मेटल का ये ओर हो गया हमारा ऑक्साइड ओर, इंप्योरिटीज हो गया हमारा Fe2O3, और तीसरा इंप्योरिटीज हो गया SiO2, ठीक है, ये भी क्या है हमारा इंप्योरिटीज। अब इनका जरा हम नेचर भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जो ये हमारा बॉक्साइड ओर है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये बॉक्साइड ओर जो है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है कि ये एसिड की तरह बिहेवियर भी कर सकता है और बेस की तरह बिहेवियर भी कर सकता है। एसिड की तरह ये बिहेवियर कब करेगा, जब इसके सामने बेस होगा, अच्छा तुम बेस हो, लो मैं एसिड बन गया, ठीक है। और जैसे ही इसके सामने एसिड आ जाता है, अच्छा एसिड है, लो मैं बेस बन गया, है ना। तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह से रिएक्ट कर सकता है, डिपेंड करता है कि इसके सामने कौन है। अगर इसके सामने जो भी होगा ना उसके अपोजिट ये रिएक्ट करेगा, तो ये दोनों तरीके से रिएक्ट कर सकता है, इसलिए ये क्या है एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ओके। Fe2O3 इसका हमने नेचर देखा कि तुम्हारा नेचर कैसा है, इम्प्योरिटीज है ये, तुम्हारा नेचर कैसा है, मेरा नेचर तो प्योर बेसिक है, ठीक है, मैं बेसिक नेचर का ही हूँ, यानी कि मेरे सामने एसिड रहेगा, एसिड सामने है तो ही मैं बेस की तरह से, मतलब बेस हूँ मैं तो एसिड के साथ ही रिएक्ट करूँगा, ठीक है, यानी कि मैं दोनों नेचर शो नहीं करूँगा, केवल एसिड के सामने ही अपना नेचर शो करूँगा, बेस अगर रहता है तो उसके सामने तो मैं तो न्यूट्रल हूँ ना, मैं बैठा रहूँगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये बेसिक नेचर का, यानी कि बेस सामने आता है तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। और SiO2 कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं एक ऐसा गैंग हूं जो कि तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि मैं भी एम्फोटेरिक नेचर का हूं, तुम एम्फोटेरिक हो कोई बात नहीं, मैं भी एम्फोटेरिक नेचर का हूं, ठीक है, मैं भी एसिड अगर मेरे सामने रहता है तो मैं क्या बन जाऊंगा, बेस बन जाऊंगा, अगर मेरे सामने बेस रहता है तो क्या बन जाऊंगा, एसिड बन जाऊंगा, यानी कि दोनों नेचर मेरे पास भी है, ओके। यानी कि बात हमको ये समझ में आ रही है कि जो रिएजेंट है वो रिएजेंट, चूंकि ये दोनों एक जैसे हैं तो इसका मतलब अलग तो केवल यही हो सकता है, ठीक है, इन दोनों का ये अभी जल्दी भागने वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इनका रिएक्शन, रिएक्शन करने के लिए हमने किसको इस्तेमाल किया था बच्चों, रिएजेंट, वो केमिकल कौन है, रिएजेंट। अब रिएक्शन देखिए, Al2O3 हमारा क्या है, ये एसिडिक फॉर्म में है, इधर हमने देख लिया। अब हमने जो रिएजेंट इस्तेमाल किया है वो रिएजेंट हमारा है टेंटेडन NaOH, ठीक है, हमने जो क्या रिएजेंट इस्तेमाल किया है, NaOH रिएजेंट इस्तेमाल किया, जो कि क्या है, जो कि एक बेस होता है, ठीक है। तो हमने रिएजेंट एक बेस NaOH लिया है, ओके। अब देखिए ये क्या है हमारा, एसिड है, एसिडिक नेचर का है ना, एसिडिक नेचर का है नहीं, ये एम्फोटेरिक नेचर का है, लेकिन इसके सामने कौन खड़ा है, बेस खड़ा है, ठीक है। जब इसके सामने बेस खड़ा है तो ये किसने कौन सा नेचर शो करेगा, ये जो है एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक है। तो इसने एसिडिक नेचर शो किया और बेस के साथ रिएक्शन करके इसने बना लिया NaAlO2 और H2O, ठीक है। तो ये बेस और ये एसिड, ये दोनों रिएक्ट किए, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, दोनों ने रिएक्ट करके ये सॉल्ट बना लिया, अमोनिया, ये क्या हमारा सॉल्ट है, सोडियम, देखो सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट तैयार हुआ, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट। तो सॉल्ट और वाटर हमारा रेडी हो गया, ओके बच्चों। तो देखिए एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वैसे भी क्या बनता है हमारा, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, तो वही उसी फॉर्मूले के बेस पर इन्होंने ये बना लिया, ठीक है। अब देखिए Al2O3 ने तो रिएक्ट किया, यहाँ पर बात थी कि रिएजेंट जो होगा रिएक्ट विद मेटल, या तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा या फिर वो गैंग के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पहला कि जो हमारा मेटल है उस मेटल ने रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर लिया, ठीक है। अब दूसरा
Fe2O3, Fe2O3 जो था ये क्या है, ये बेसिक नेचर का है। और जो आपने रिएजेंट इस्तेमाल उसमें डाला है, रिएजेंट एक ही रिएजेंट आपने डाला है तीनों के लिए, ठीक है। जो आपने रिएजेंट इसमें डाला है NaOH, वो तो बेसिक नेचर का है, ठीक है ना, बेस है वो, तो बेसिक नेचर ये भी करता है, ये भी बेस है, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला है, ओके। यानी कि हमारा Fe2O3 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, SiO2, SiO2 एम्फोटेरिक नेचर का है, तो NaOH के सामने ये भी एसिडिक नेचर शो करेगा, तो एसिड और बेस दोनों मिल करके यहाँ पर भी क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर सॉल्ट और वाटर बना, उसी तरीके से यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट, ठीक है बच्चों। तो अब आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि ये और ये, इन दोनों ने तो रिएक्ट कर लिया, इसने रिएक्ट नहीं किया, तो जिन्होंने मतलब मेटल जो थे, मेटल के साथ एक इम्प्योरिटीज, ठीक है, यहाँ पे शायद मैंने बनाया, देखिए ये मेटल था और कितने गैंग थे, दो गैंग थे, दो इम्प्योरिटीज था। पहला इम्प्योरिटीज हमारा क्या था, Fe2O3, और दूसरा क्या था हमारा, SiO2, ठीक है, दो दो इसमें इम्प्योरिटीज थे। अब इसमें से मेटल और SiO2 मतलब Al2O3 मेटल हमारा और SiO2, ये इन दोनों ने चूंकि रिएक्शन कर लिया, तो ये दोनों तो हो गए साथ, क्योंकि रिएक्ट विद रिएजेंट, इन्होंने रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया, इस वाले ने रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं किया Fe2O3, तो ये क्या होगा, वहीं के वहीं रह जाएगा, उसी सोल्यूशन में वो नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो आराम से उसको आप सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों अब एक साथ हो गए और ये क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब यहां पर दिखाया जा रहा है आपको कि M और G मतलब एक मेटल और इसके साथ एक इंप्योरिटीज, आपको पता है कौन सा इंप्योरिटीज, ये दोनों जो है ये यहां पर रह जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा गैंग है वो क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, देखिए ये हमारा क्या हो गया, मेटल एंड गैंग, ठीक है, मेटल और प्लस गैंग, ठीक है, मेटल और गैंग हमारे सेपरेट हो गए। देखिए अब इसमें से इम्प्योरिटीज तो हटी है ना, पहले आप देखिए तो इसके साथ कितने लोग थे, 1, 2, 3, ठीक है। तो दो लोग जो थे वो कहे कि चलो 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 चला जाए, है ना, कहाँ चला जाए, इसने बोला और इसने बोला कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ, कहाँ जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, चलो मैं भी चलता हूँ, ये और ये तो गया, लेकिन ये बोला नहीं नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मूवी देखने में, है ना, तो ये तो इधर ही रह गया और ये दोनों चले गए। यानी कि इन तीन में से एक रह गया और दो अभी एक साथ है ना। तो जो एक साथ है ये वाला, ये भी क्या है, ये भी इम्प्योरिटीज है, ये इसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, लेकिन अभी ये इसको हटा नहीं पाया, जैसे ही मौका मिलेगा तो ये क्या करेगा, इसको भी हटा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये और ये दोनों हट जाएंगे, फिर उसके बाद इसके साथ भी, एल्युमिनियम के साथ अभी भी यहाँ पर इम्प्योरिटीज है, कौन है, ऑक्सीजन है ना, फिर ये ऑक्सीजन को भी हटाएगा मार के, और फिर एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अभी टाइम है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और धीरे 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 एक 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 चीज सारी हटते 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 फाइनली हमको मेटल मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा प्रोसेस है इसको हम लीचिंग भी कहते हैं, है ना, केमिकल मेथड के द्वारा हम सेपरेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। आपसे कोई पूछे कि आपने केमिकल मेथड के द्वारा कॉन्सेंट्रेशन क्यों किया, आपने ये रास्ता क्यों सेलेक्ट किया, तो हमने ये रास्ता इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि हमने क्रस्ड ओर में पीसे हुए उस पाउडर के अंदर चेक किया था, तो उसमें हमको पता पड़ा था कि जो मेटल या गैंग में से कोई एक जो है मेरे रिएजेंट के साथ केमिकली रिएक्शन कर सकता है और रिएक्शन करके हट जाएगा, ठीक है। तो चूंकि केमिकली रिएक्शन कर सकता है, इस वजह से हमने केमिकल मेथड का इस्तेमाल किया, ठीक है, और हमने सक्सेस भी रहे, हमने उसमें से एक इम्प्योरिटीज को हटा भी दिया, दूसरा भले ना हटा पाए कोई दिक्कत नहीं है, एक इम्प्योरिटी से तो हमको छुटकारा इस प्रोसेस के द्वारा मिल गया, ठीक है। अब जो हमारा ओर होगा वो ओर क्या होगा, चूंकि कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस हो गया तो अब जो हमारा ओर होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड ओर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर, ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड ओर जिसके अंदर ये है, जिसके अंदर हमको ये मिलेगा और ये मिलेगा, ठीक है। तो अब हमारे ओर में ये दोनों प्रेजेंट है, और क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस के बाद कॉन्सेंट्रेटेड ओर कहलाएगा, ठीक है। यहां तक का बच्चों हो गया प्रोसेस हमारा, यानी कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। अब कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस के बाद हमारा अगला स्टेप्स क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 में। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, ओके बच्चों, हैव नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम।
बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास टेंथ का मेटलर्जी, जिसमें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्ट फोर। पार्ट थ्री तक हमने स्टडी कर लिया था और पार्ट थ्री में हमको कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल चुका था, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस डन हो गया। ठीक है, एक बार वापस से जरा एक बार शॉर्ट में आप जरा देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या लिया, मिनरल। मिनरल से हमने क्या सेलेक्ट किया, ओर। ओर का हमने क्या किया, क्रशिंग किया, यानी कि ओर को हमने पाउडर के रूप में कन्वर्ट किया। ठीक है, क्रशिंग प्रोसेस के बाद हमने क्या किया, क्रशिंग प्रोसेस के बाद हमने किया कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए हमारे पास कितने मेथड थे, फोर। चार मेथड से हमने कॉन्सेंट्रेशन किया। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि इम्प्योरिटी से जो पाउडर है, जो हमको क्रस्ड ओर मिला है, उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज को अलग करना, नहलाना धुलाना, साफ करना। ठीक है, तो हमने किया कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए हमारे पास फोर दरवाजे थे। चारों दरवाजों से हम निकल कर देख लिया हमने कि चारों दरवाजों के अंदर जाने पर हमको क्या क्या मिलता है, यानी कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस डन हो गया। अब चारों दरवाजे से हम बाहर आ गए हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस डन। अब जब हम ये चार दरवाजे पार करके जब बाहर निकलते हैं और प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है, तो इसको अब जो हमारे पास ओर है जो कि साफ होकर के आ चुका है, इस ओर को अब हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड ओर। ठीक है, अब इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर का हमको क्या करना है, यानी कि पिछले स्टोरी से जस्ट आगे अब हम बढ़ रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड ओर के साथ बच्चों हमको क्या करना है, देखिए अब हमको कॉन्सेंट्रेटेड ओर के को मेटल ऑक्साइड में चेंज करना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर में क्या मिलेगा आपको, होगा क्या, कुछ इंप्योरिटीज तो निकल गई। ठीक है, हमने जब कॉन्सेंट्रेशन किया था तो कुछ इंप्योरिटीज निकल गई। अब हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसमें क्या है, उसमें है मेटल और कुछ और भी उसमें इंप्योरिटीज अवेलेबल होंगी। ठीक है ना, उन इंप्योरिटीज को हमको अलग करना है। तो हम अब ये चाह रहे हैं, हमने दिमाग लगाया कि क्यों ना अब हम कॉन्सेंट्रेशन के बाद अगर हम मेटल को ऑक्साइड के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, अगर हम मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ऑक्सीजन जाएगा, और मेटल के साथ अगर कोई और है तो उसको ऑक्सीजन हटा करके और उसकी जगह पर खुद बैठ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा मेटल का ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है, मेटल के साथ कोई और है। ठीक है, मेटल, ये मेटल है, मेटल के साथ कोई और इंप्योरिटीज है, हम चाहते हैं इस इंप्योरिटीज को भी हटाना, और भी इंप्योरिटीज है उनको भी हटाना। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास रास्ता ये है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग लगा रहे हैं कि क्यों ना हम इस मेटल के साथ इसको हटाने के लिए हम क्यों ना ऑक्सीजन का यूज़ करें। ऑक्सीजन आएगा और वो क्या करेगा, हमारा मेटल तो हमारे पास है ही, ऑक्सीजन आएगा और इसके साथ जो भी है उसको रिप्लेस करके और इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अब हमारा ये क्या बन गया, मेटल, और मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि बन गया मेटल का ऑक्साइड। एक बार ये मेटल का ऑक्साइड बन गया, अभी भी हमारा मेटल अलग नहीं है, ठीक है, बट मेटल का ऑक्साइड बन गया तो हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अब थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे और अब हम किसी और को बुलाएंगे, किसी थर्ड पर्सन को हम बुलाएंगे, जो कि आकर के क्या करेंगे, जो आकर इस ऑक्सीजन को भी ले जाएंगे। ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो हम अब हमारा अगला प्रोसेस रहेगा, पहले ये तो कर लें, पहले हमको क्या करना है, मेटल का, ये मेटल के साथ इंप्योरिटीज है, हमने मेटल का ऑक्साइड बनाना है। ठीक है, आज के वीडियो में हम मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस ऑक्सीजन को भी हम हटाएंगे और हमारा मेटल अकेले बचेगा। ठीक है, और हमको मेटल मिल जाएगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन मिनरल से ओर और ओर से मेटल बनाने का प्रोसेस हमारा दो स्टेप में आगे बढ़ेगा और डन हो जाएगा। दो स्टेप में क्या, नेक्स्ट वीडियो में ही हमारा मेटल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हमको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर से हमको बनाना है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है, देखिए अब मैंने थोड़ा यहाँ डायग्राम दिया है जो कि आपको पहले इजिली पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर हम चल देंगे यहाँ पर। कॉन्सेंट्रेटेड ओर बनाने के लिए जो हमारे पास, जो ये मेटल मिला हमको, ये मेटल, इस मेटल में कौन सी इंप्योरिटी जिसके साथ है, इस मेटल के साथ इंप्योरिटीज है, ये इंप्योरिटीज किस प्रकार की है। ठीक है, अब ये देखो मेटल, ये एक मेटल है, ये हमारा दूसरा मेटल है, ये वाला हमारा मेटल कहता है कि मैं ऐसी इंप्योरिटीज हूं, ये मेटल कह रहा है मैं ऐसी इंप्योरिटीज हूं कि मेरे पास ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, मेरे हाथ में ऑक्सीजन है, ये खुश है कि मेरे हाथ में तो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये एक ऐसा मेटल है जिसके पास ऑक्सीजन है, और दूसरा एक ऐसा मेटल है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमारे को मिला, उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड बनाने से पहले हमको कॉन्सेंट्रेटेड ओर की चेकिंग करनी पड़ेगी, है ना। चेकिंग करके हमने देखा कि उसमें अब हमारे पास दो तरीके के कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिले, एक तो ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला जिसके पास ऑक्सीजन पहले से अवेलेबल है,
ठीक है, और हमको एक दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड और ऐसा मिला जिसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये क्रॉस लगा हुआ है कि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो हमने कहा, इसकी हमने चेकिंग की कि कॉन्सेंट्रेटेड और की, तो ये कह रहा है कि हाँ हाँ मैं कबूल करता हूँ कि मेरे पास ऑक्सीजन है। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं कितनी भी चेकिंग कर लो, है ना, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। रोने लगता है कि नहीं नहीं मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। अब जिसके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, हमको तो मेटल का ऑक्साइड बनाना है, मेटल का ऑक्साइड, और इसके पास ऑक्सीजन है। अब आप इसका मेटल का ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, देखिए, अब इसको ऐसा ओर जिसमें ऑक्सीजन है, इस ऐसा ओर ये है, ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड ओर है जिसके पास पहले से ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके मेटल का ऑक्साइड बनाने के लिए हम प्रोसेस जो करेंगे उसको हम बोलेंगे कैल्सिनेशन। क्या करेंगे बच्चों, कैल्सिनेशन करेंगे। दूसरा हमारा ऐसा मेटल है, ऐसा मेटल या ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड ओर है जिस कॉन्सेंट्रेटेड ओर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मेरे ओर में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, जब इसके ओर में ऑक्सीजन नहीं है तो इसके इसके लिए इसके मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए हम प्रोसेस करेंगे रोस्टिंग। ठीक है, क्या प्रोसेस करेंगे, रोस्टिंग। यानी कि कुल मिलाकर के हमने सीखा कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमको दो प्रोसेस करना पड़ेगा, फर्स्ट इज कॉल्ड रोस्टिंग एंड सेकेंड इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। ठीक है, रोस्टिंग करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। यहां ये बता रहे हैं कि किसका रोस्टिंग होगा और किसका कैल्सिनेशन होगा। जिसके पास ऑक्सीजन पहले से अवेलेबल है उसका कैल्सिनेशन होगा, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है उसका होगा रोस्टिंग। क्लियर। अब देखिए, ऑक्सीजन है नहीं है का क्या मतलब हुआ। अब जो हमने कॉन्सेंट्रेटेड ओर देखा, उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को जब हमने देखा, ठीक है, तो हमको क्या मिला कि उसके में किसी किसी में जो इम्प्योरिटीज हैं वो CO3 के फॉर्म में है, यानी कार्बोनेट के फॉर्म में। अब आप देखें यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, कार्बोनेट के फॉर्म में है, यानी कि ऑक्सीजन है। मतलब हमारा ये वाला जो इम्प्योरिटी है, अगर ये इम्प्योरिटीज रहेगा मतलब ये है, ठीक है, ये बंदा है ना, कह रहा है कि मेरे पास तो पहले से ऑक्सीजन है। अगर इसमें सल्फेट की इम्प्योरिटीज होगी, सल्फेट की अशुद्धियाँ होंगी, इसका मतलब इसमें भी ऑक्सीजन अवेलेबल है, मतलब वो भी कौन है, ये वाला बंदा है। ठीक है, अब सल्फाइड की अगर इसमें इम्प्योरिटीज है तो इसका मतलब कि ये वाला बंदा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसी तरीके के और भी इम्प्योरिटीज हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये बात कही जा रही है कि इम्प्योरिटीज जो होंगे वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक ऐसे इम्प्योरिटीज जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और एक ऐसे इम्प्योरिटीज जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। क्लियर बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंट है उसका हम करेंगे कैल्सिनेशन, ऑक्सीजन जिस इम्प्योरिटीज में प्रेजेंट, जिस कॉन्सेंट्रेटेड ओर में ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो उसका हम करेंगे रोस्टिंग। ठीक है, यानी कि सल्फाइड जो रहेगा, अगर सल्फाइड वाली इम्प्योरिटीज है तो हमको रोस्टिंग करना है, सल्फेट वाली इम्प्योरिटीज है, कार्बोनेट वाली इम्प्योरिटीज है तो हमको क्या करना है, हमको तब करेंगे कैल्सिनेशन। अब देखिए, रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। रोस्टिंग में क्या किया जाता है बच्चों, कि देखिए रोस्टिंग प्रोसेस पहले मैं आपको बता देती हूँ। कैल्सिनेशन, देखिए कैल्सिनेशन में क्या करेंगे, कैल्सिनेशन का मतलब होगा कि जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर पड़ा हुआ है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस हमने कर लिया, जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर बचा हुआ है उसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे। कहाँ गर्म करेंगे, फॉर्नेंस में, भट्टी में, है ना, उसको हम गर्म करेंगे भट्टी में। यानी कि हमने भट्टी ले लिया, ठीक है, एकदम पैक्ड एरिया होना चाहिए, तो हमने फॉर्नेंस का इस्तेमाल किया, भट्टी ले लिया, उस भट्टी में हम हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है पहले वाले वीडियो में, पार्ट 3 में जिसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, उस ओर को हम लेंगे और लेकर के उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। कितना हीट करेंगे, हम उसको उतना ही हीट करेंगे कि वो मेल्ट ना हो, है ना। केवल कुछ बातें जिनका हमको ध्यान रखने की जरूरत है, वही पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है, इन्हीं को टोटल को एक साथ जोड़ करके और आप सेंटेंस में इसको पिरो देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका इसका डेफिनेशन तैयार हो जाएगा कैल्सिनेशन का। तो हम हीट करेंगे ऑक्सीजन के एब्सेंस में, हीट करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं देंगे हम कैल्सिनेशन में। ऑक्सीजन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पहले से ही इस बंदे के पास ऑक्सीजन है ना, जिसके पास पहले से ही ऑक्सीजन है उसको हमको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इस ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी कि इनको लेकर के, इनके पास ऑक्सीजन है, इनको लेकर के हम इनको भट्टी के अंदर डालेंगे, फर्नेस के अंदर डालेंगे, और वहाँ इनको हम लेकर के क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ऑक्सीजन के एब्सेंस में गर्म करेंगे, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, इतना टेम्परेचर हम दे करके गर्म करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर देते रहेंगे। टेम्परेचर हमको उतना ही देना है कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, यानी कि ये जो है ये मेल्ट नहीं होने चाहिए, पिघलने नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेल्ट हो जाएंगे तो हो सकता है इंप्योरिटीज फिर उसके अंदर ही क्या हो जाए, सारी इंप्योरिटीज उसके अंदर ही डिसॉल्व हो जाए, ठीक है।
हमको मेल्ट नहीं होने देना है, तो इनको हम गर्म करेंगे, भट्टी के अंदर गर्म करेंगे, ऑक्सीजन के एब्सेंस में गर्म करेंगे, और इतना गर्म करेंगे इनको कि मैं अपनी मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पर हम इनको गर्म करेंगे। कहाँ गर्म करेंगे? फर्नेस के अंदर गर्म करेंगे। और कौन से वाले होते हैं, ये क्या है, इसके अंदर कौन सी इम्प्योरिटीज है? ये सल्फेट और कार्बोनेट इम्प्योरिटीज वाले हैं, सल्फेट वाले और कार्बोनेट वाले इम्प्योरिटीज वाले ये हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से हम गर्म करते हैं तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है बच्चों? कैल्सिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसका आप एग्जांपल देखिए। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया ZnCO3, मैंने बताया आपको कि कार्बोनेट की इंप्योरिटीज हो सकती है, हां इसमें। और मेटल क्या है हमारा बच्चों? इसमें हमारा मेटल है Zn और इंप्योरिटीज क्या है? कार्बोनेट। देखिए कार्बोनेट वाली इंप्योरिटीज है। ठीक है, तो हमने एग्जांपल ले लिया ZnCO3। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? फर्नेस के अंदर, भट्टी के अंदर गर्म कर रहे हैं। भट्टी के अंदर क्यों गर्म करेंगे? क्योंकि अगर हम इसको ओपन में गर्म करेंगे तो एनवायरनमेंट में बहुत सारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसको मिलता रहेगा। हम ऑक्सीजन से इसका कनेक्शन खत्म कर रहे हैं, इस वजह से हमने क्या ले लिया? फर्नेस ले लिया, भट्टी ले लिया। भट्टी के अंदर इसको हम गर्म करेंगे ताकि वहां पर इसको ऑक्सीजन न मिल पाए। ठीक है, यह बहुत ही कम ऑक्सीजन था जो स्टार्टिंग में यूज हो गया, अब ऑक्सीजन उसको वहां पर मिलने का चांस नहीं है क्योंकि बिल्कुल पैक्ड है वो। ठीक है, ZnCO3 को हमने क्या किया बच्चों? हमने इसको हीट किया, है ना, यहाँ पर आप हीट का सिंबल दे दीजिए। हमने इसको हीट किया, कितना हमने गर्म किया? हीट का सिंबल क्या होता है? ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको, ये हीट का सिंबल है बच्चों, बिंगो ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको कितना हीट देना है? हीट हमको इतना देना है कि ये मेल्ट नहीं होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर तक इसको गर्म करेंगे तो होगा क्या? होगा ये कि इसमें से ऑलरेडी जो कार्बन और ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा है इम्प्योरिटीज के फॉर्म में जो है वो CO2 बना करके देखो निकल गए। ऊपर एरो की तरफ लगा हुआ है ना, मतलब एरो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब कि CO2 क्या है? गैसेस में निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो देखा आपने कि अब हमारा प्रोडक्ट क्या बना? हमारा प्रोडक्ट बन गया ZnO। क्या प्रोडक्ट बना है? ZnO। अब जरा इधर गौर करिए, कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमारा था और हमको कॉन्सेंट्रेटेड ओर को किस में कन्वर्ट करना था? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना था। क्या यहां पर मेटल ऑक्साइड नहीं बन गया? बन गया ना, मेटल ये रहा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, क्या बन गया हमारा? मेटल ऑक्साइड बन के तैयार हो गया। प्रोसेस क्या किया हमने बच्चों? कैल्सिनेशन। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल भी ले लो, इसका भी कैल्सिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन वाली इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। ठीक है, हमने ले लिया PbSO4। ठीक है ना, लेड सल्फेट, पीबी मतलब लेड और SO4 मतलब सल्फेट। लेड सल्फेट को भी हमने क्या किया? बिंगो ट्रायंगल दिया, यानी कि इसको हमने भी क्या किया? हीट किया। जब इसको हमने गर्म किया, कितना गर्म करेंगे? बार बार याद रखिए, ऑक्सीजन के एब्सेंस में मेल्टिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर पर और फर्नेस के अंदर इसको हम गर्म करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें से SO2 या SO3 गैस क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। ठीक है, SO3 गैस निकल गया इसमें से, SO3। यहां बचा कितना ऑक्सीजन? सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा जो कि PB के साथ अटैच होकर के बन गया PbO। ठीक है, अब यहां पर क्या बन गया? लेड का ऑक्साइड बन गया। नहीं, हमारा कार्यक्रम तो हो गया। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमारे पास था जिसके अंदर ये प्रेजेंट थे, इसको हमको ऑक्साइड में चेंज करना था, हमने मेटल ऑक्साइड में चेंज कर दिया। मेटल है हमारा PB, ऑक्साइड है O। करेक्ट बच्चों, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? कैल्सिनेशन। इनका कार्यक्रम हो गया। ठीक है बच्चों, ये मैंने हाउस क्यों बनाया है? मैंने बताया कि कैल्सिनेशन प्रोसेस हाउस के अंदर पैक्ड होगा और इस हाउस का नाम क्या है? फर्नेस। ठीक है, तो अब क्या हो गया? कैल्सिनेशन प्रोसेस डन। अगर कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा हमारा मेटल ऑक्साइड हमको मिलता है तो ये जो मेटल ऑक्साइड मिलेगा इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कैल्सिनेटेड ओर, क्योंकि प्रोसेस क्या हुआ? कैल्सिनेशन। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है? कैल्सिनेटेड ओर है। ठीक है, तो इनका कार्यक्रम कंप्लीट। ठीक है बच्चों, ये जो है कार्यक्रम यहां तक का डन हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन जिसके पास नहीं है वो कौन है? जैसे सल्फाइड का। ठीक है, सल्फाइड की अगर इम्प्योरिटीज रहती है हमारे कॉन्सेंट्रेटेड ओर में, जो पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेंट्रेटेड ओर देखा था, ठीक है, उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर में यदि सल्फाइड की इम्प्योरिटीज होती है तो हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? रोस्टिंग। ठीक है, अब रोस्टिंग प्रोसेस कहाँ होता है? रोस्टिंग प्रोसेस में भी देखिए सेम टू सेम है, इसको भी हमको हीट देना पड़ेगा,
इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था, इसमें क्या होगा एक्सेस ऑक्सीजन, है ना, एक्सेस एयर, ज्यादा से ज्यादा एयर दो, ऑक्सीजन ज्यादा मिलना चाहिए, आप ओपन में करवाइए हवा में, ठीक है। यहां अगर हम किसी चीज को जलाते हैं तो उसको आराम से वो जलता रहेगा, है ना, जलता ही रहेगा जब तक कि कोई आकर के बुझा ना दे, जलता रहेगा वो। क्यों जलता रहता है? क्योंकि यहां पर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन उसको अवेलेबल है। कहीं आग लग जाती है जंगल वगैरह में तो आप देखते हैं जलता ही रहता है, जलता ही आग पकड़ लेता है, तो है ना, आकर के आग बुझाना पड़ता है। तो ये यहाँ पर अगर हम इसको ओपन में काम करवाते हैं ये काम, तो ऑक्सीजन हमको सफिशियंट अमाउंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो रोस्टिंग प्रोसेस में हम हीट करेंगे, एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑक्सीजन दे करके, वही कार्यक्रम है बिलो मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट नहीं होना चाहिए, मेल्ट होगा तो जो इम्प्योरिटीज निकलनी चाहिए गैसेस फॉर्म में, वो इम्प्योरिटीज हो सकता है उसी में डिजोल्व हो जाए, उसी में रुक जाए, ठीक है। तो मेल्ट नहीं होना चाहिए, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, उतना ही गर्म करते जाएंगे कि हमारा कॉन्सेंट्रेटर और पिघले ना, ध्यान रखना है हमको इस बात का। तो इसमें हम किसको करेंगे, सल्फाइड और ले लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि बिकॉज नो ऑक्सीजन, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसको हम रोस्टिंग मेथड के द्वारा मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, जिसके पास ऑक्सीजन होगा उसको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ZnS, वहां हमने क्या लिया था, ZnCO3। अब मान लो कि ZnS है हमारा जिंक सल्फाइड है, ठीक है, तो ZnS का हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, O2, हम इसको हीट कर रहे हैं ना, उसको गर्म कर रहे हैं हम, ठीक है, गर्म का ये रहा सिंबल, गर्म कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बल्कि ऑक्सीजन ज्यादा दे रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन इस सल्फर को लेकर के निकल जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा ZnO, ठीक है। देखिए यहां पर बनेगा ZnO, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फर यहां से रिप्लेस होगा और ये ZnO के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें जो ऑक्सीजन बचा है, ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्शन करके SO2 भी बनाएगा। ये रिएक्शन बच्चों बैलेंस नहीं है, आपको इसको बैलेंस करना है, ठीक है ना। आपको लगेगा कि अच्छा दो ही ऑक्सीजन तो था, दो ही ऑक्सीजन क्यों, एनवायरमेंट में तो बहुत सारे ऑक्सीजन है, यहां एक ही सल्फर है, एक ही सल्फर क्यों, एक ही ZnO क्यों, बहुत सारे सल्फर ZnO और बहुत सारे सल्फर हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, आप बच्चों इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है, बैलेंस करने तो आपको आता ही होगा, तो इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। अब देखिए यहाँ पे बनेगा क्या प्रोडक्ट हमारा, ZnO बन जाता है और सल्फर ऑक्सीजन आपस में मिलकर के SO2 का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। SO2 भी बन सकता है यदि हमारे पास डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर हमारे पास उतना बहुत ज़्यादा नहीं है तो SO2 बनेगा, और ऑक्सीजन मिल गया हमको तो SO3 भी बन सकता है। तो ये ऑब्लिक लगाया है मैंने, है ना, ZnO प्लस SO2 या SO3 बन जाएगा, SO2 गैस के फॉर्म में एनवायरमेंट में निकल जाएगा। और हमको लेना क्या था, हमको क्या मिल चाहिए था, हमको चाहिए था मेटल का ऑक्साइड, मिल गया हमको मेटल का ऑक्साइड, क्लियर। दूसरा हमने वहां पर PbSO4 का एग्जांपल लिया था, यहां हम लेते हैं PbS का एग्जांपल, PbS प्लस O2, एक्सेस ऑक्सीजन दीजिए और क्या करिए, इसको गर्म करिए, कितना गर्म करें, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर तक इसको गर्म करेंगे, ये भी क्या होगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लेड ऑक्साइड यहाँ पर बना। उसके बाद वही सेम कार्यक्रम है ना, SO2 बनेगा या SO3 बन सकता है, डिपेंड अपॉन ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन यहाँ पर मिल रहा है, अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने रोस्टिंग प्रोसेस में क्या किया, एयर दे करके मेटल का ऑक्साइड बनाया, और हमने कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या किया कि एयर को हटा दिया, और चूंकि उसमें खुद में उसमें ऑक्सीजन था तो उसके थ्रू ही हमने निकाल लिया और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि दोनों ही प्रोसेस में, चाहे रोस्टिंग हो चाहे कैल्सिनेशन हो, हमको दोनों ही प्रोसेस में बाकी सारी चीज़ें सेम रखनी है, केवल यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बल्कि एक्सेस ऑक्सीजन में हमको काम करना है, और दोनों का मिला करके फाइनली हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमको कॉन्सेंट्रेटेड ओर से मेटल ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो मेटल का ऑक्साइड मिल करके तैयार हो गया, आज एक स्टेप हम आगे बढ़ गए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड ओर से हमने क्या कर लिया, हमने रोस्टेड ओर या कैल्सिनेटेड ओर, या इसको आप कहिए मेटल ऑक्साइड हमको मिल चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इस मेटल से हम ऑक्सीजन को हटाएंगे, ठीक है, तो वो प्रोसेस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेटल से सिर्फ ऑक्सीजन को हटा दिया तो फाइनली हमारे को क्या मिल जाएगा बच्चों, मेटल मिल जाएगा, ठीक है, और हमको यही चाहिए था जब से हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया। ये पूरी
जर्नी जहाँ से हमने स्टार्ट की वो इसलिए स्टार्ट की ताकि हमको मेटल मिले, ठीक है। तो हमको नेक्स्ट वीडियो में एटलीस्ट मेटल तो मिल ही जाएगा, बट वो मेटल प्योर है, अभी भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रहेगी, तो एक प्रोसेस और करेंगे, उसका प्योरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद हमारे को प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जर्नी ये चल रहा है, जो जर्नी ये कौन सी जर्नी चल रही है बच्चों, मेटलर्जी। कौन सी जर्नी चल रही है? मेटलर्जी, पूरा में ओर से लेकर के और फाइनल मेटल तक बनाने का के बीच में जो भी प्रोसेस आता जाएगा, जितने स्टेशन आते जाएंगे, एक स्टेशन इम्प्योरिटीज हटाया, दूसरे स्टेशन इम्प्योरिटीज हटाया, तीसरे स्टेशन इम्प्योरिटीज हटाया, और फाइनली जिस स्टेशन पहुंचेंगे वहां पर हमको प्योर मेटल मिलेगा, और ये पूरी जो जर्नी है वो कहलाएगी मेटलर्जी। आई होप कि बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गया होगा वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से मेटल से ऑक्सीजन को हमको रिमूव करना है, ठीक है। तब तक स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा है मेटलर्जी, जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 4 हमने स्टडी किया था। पार्ट 4 में हमने क्या किया था, पार्ट 4 स्टोरी हमारी जहां पर खत्म हुई थी वहां पर हमको मिला था मेटल ऑक्साइड, ठीक है। पार्ट 4 आपने स्टडी किया, उसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड ओर से मेटल का ऑक्साइड बनाया, यानी कि मेटल के साथ हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया था, ये हमारा पार्ट 4 था। अब हमको स्टोरी स्टार्ट करेंगे जहां पर पार्ट 4 खत्म हुआ है, उसके आगे से स्टोरी स्टार्ट होगी, यानी कि मेटल ऑक्साइड पार्ट 4 में हमको मिल चुका था। तो अब हम पार्ट 5th में आते हैं मेटल ऑक्साइड को लेकर के और स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया है, मेटल ऑक्साइड आ गया है। मेटल ऑक्साइड का मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक है। हमने यही प्रोसेस किया था, मेटल के साथ ऑक्सीजन को जोड़ने का कार्यक्रम किया था, ये हमारा 4th वीडियो में था, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड हमको मिल गया, अब हमको क्या करना है, इस ऑक्साइड को यानी कि ऑक्सीजन को हमको मेटल से हटाना है, ठीक है। यदि हमने मेटल से ऑक्सीजन को हटा दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा मेटल, ठीक है। ये मेटल क्या होगा, इम्प्योर होगा, प्योर नहीं होगा, ये मेटल इम्प्योर होगा। और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक लास्ट स्टेप रहेगा मेटलर्जी का, उसको हम करेंगे प्यूरिफिकेशन, यानी कि जो हमको इम्प्योर मेटल मिल रहा है उस इम्प्योर मेटल से हम क्या करेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन करके और उसमें से जो भी थोड़ी बहुत जो अशुद्धियां हैं, जो गंदगी है, उसको हटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि हम सिर्फ एक स्टेप दूर है, ठीक है ना, बस मंजिल आने ही वाली है। अब हमको सिर्फ लास्ट प्रोसेस क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, ठीक है। उससे पहले का प्रोसेस हम कर रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड हमारे पास है और हमको क्या करना है, मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाना है, मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करना है और तब हमको मिल जाएगा मेटल। ऑक्सीजन को रिमूव यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमको करना है, किसका, मेटल ऑक्साइड का, जो कि हमको मिला था पिछले स्टेप में। तो मेटल ऑक्साइड हमको मिल चुका है, उसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा देंगे, तो रिमूव करेंगे ऑक्सीजन को, इस प्रोसेस को बोला जाएगा रिडक्शन, यानी कि हमको मेटल ऑक्साइड का करना है रिडक्शन, है ना। रिडक्शन प्रोसेस जब हम करेंगे तो इससे ऑक्सीजन हट जाएगा और बचेगा क्या, हमारा मेटल बचेगा, जो कि इम्प्योर होगा, प्योर मेटल नहीं होगा। अभी उसका एक और प्रोसेस बचेगा प्यूरिफिकेशन का, ठीक है। अब यानी कि हमको प्रोसेस क्या करना है, हमको प्रोसेस करना है रिडक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि हमको प्रोसेस क्या करना है, रिडक्शन प्रोसेस करना है। अब ये रिडक्शन प्रोसेस जो है ये डिपेंड करेगा बच्चों कि हमारा जो मेटल है और ऑक्साइड है, ठीक है ना, मेटल है और ऑक्साइड है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, उस बॉन्ड की मजबूती क्या है, किस कदर मजबूत बॉन्ड बना है और हमको उस बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है ना। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी तो ये ऑक्सीजन रिमूव होगा, ठीक है। बॉन्ड को तोड़ेंगे, ऑक्सीजन रिमूव होगा और प्रोसेस कहलाएगा हमारा रिडक्शन, ठीक है। अब बॉन्ड कैसा है, किस तरीके के बॉन्ड को आपको तोड़ना है, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा कि हम रिडक्शन के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करें। बात समझ में आई। अब देखिए, मेटल के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा है, अगर ये बॉन्ड काफ़ी मजबूत है ना, बहुत ही अगर स्ट्रांग बॉन्ड है, और स्ट्रांग बॉन्ड, देखिए बॉन्ड दो तरीके का हो सकता है, कि मेटल ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी मजबूती से जुड़े हुए हैं, मतलब इनकी दोस्ती जो है वो टूटने वाली नहीं है ना, तो बहुत ही अगर स्ट्रांग बॉन्ड बना है, एक तो कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि दोनों के बीच का बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है, ठीक है, कोई भी आया और बॉन्ड को तोड़ा और ऑक्सीजन को ले गया, हाँ ठीक है ले जाओ, है ना, तो बॉन्ड क्या है इनके बीच में, वीक है। तो बॉन्ड स्ट्रांग भी हो सकता है और बॉन्ड क्या हो सकता है, वीक हो सकता है, दोनों ही सिचुएशन अपने पास है, ठीक है। अब स्ट्रांग बॉन्ड जब होगा, उस समय जो हमारा मेटल होगा वो मेटल कैसा होगा जो कि ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, तो वो मेटल कैसा होगा, मेटल होगा बच्चों बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल होगा, तभी ऑक्सीजन के साथ वो एक अच्छा बहुत ही मजबूत वाला बॉन्ड बनाएगा। मोर रिएक्टिव मैंने आपको बताया था ना, कि जैसे
कुछ कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कि ट्रेन में अगर बैठे हैं, सफर कर रहे हैं और बहुत सारे पैसेंजर हैं, तो वो ट्रेन में बैठते ही वो क्या करते हैं कि सबके साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही जल्दी उनकी एक फ्रेंड सर्किल तैयार हो जाती है और सफर कैसे बीत जाता है पता नहीं पड़ता, उनसे बात करें उनसे बात करते हैं, ठीक है ना, बहुतों के साथ उनकी बॉन्डिंग तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो यदि मेटल मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्शन करने वाला है, ज्यादा जल्दी फास्ट रिएक्शन करने वाला है, तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड भी बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, है ना, मजबूत वाला बॉन्ड बनाएगा जो आसानी से नहीं टूटेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और बॉन्ड को तोड़ा, ऑक्सीजन को निकाल दिया, नहीं, ये मेटल और ये ऑक्सीजन दोनों के बीच में बॉन्ड क्या होगा, काफी मजबूत बॉन्ड बनेगा, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो अगर मेटल मोर रिएक्टिव है तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मेटल और ऑक्सीजन के बीच में, हाँ, बातचीत हुई, ठीक है, ओके, अब अपने रास्ते, है ना, मतलब बहुत ज्यादा इनके बीच में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना हुआ है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, ऑक्सीजन को रिमूव करना आसान होगा, ठीक है। तो अगर ये लेस रिएक्टिव होगा मेटल हमारा, तो बॉन्ड क्या बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहां पर बॉन्ड पर डिपेंड करेगा कि हम रिडक्शन किस मेथड के द्वारा करवाएं, ठीक है। यदि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो हमको उस हिसाब से रिडक्शन कराना पड़ेगा, और बॉन्ड बहुत ही अगर वीक है तो हमको फिर उस हिसाब से रिडक्शन कराना पड़ेगा। यानी हम मेथड देखेंगे कि हमको इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना एफर्ट लगाना है, ठीक है। अब क्यों, कोई है पतली सी अगर लकड़ी है तो उसको काटने तोड़ने के लिए हमको ऐसे किया, टूट गया, ठीक है, और थोड़ी मोटी लकड़ी है तो और ऐसे टूट गया, ठीक है ना, थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत मोटी सी लकड़ी है और उसको हमको बोला जाएगा तोड़ने के लिए, तो हम सोचना पड़ेगा ना कि हम इसको तोड़े कैसे, है ना, मतलब हमको इस अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस चीज को अब तोड़ने के लिए हमको कौन सा वे इस्तेमाल करना है। यहां पर भी वही है कि इन दोनों के बीच का बॉन्डिंग कैसा है, बॉन्डिंग जैसा रहेगा उस हिसाब से हम रिडक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि रिडक्शन के भी अलग अलग मेथड हैं, ठीक है। अब बच्चों रिडक्शन का यहां पर हम यहां पे फर्स्ट मेथड में आज आपको पढ़ा रही हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कब और कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन का हमारा फर्स्ट मेथड है पाइरोमेटलर्जी, ठीक है। पाइरोमेटलर्जी का इस्तेमाल हम स्ट्रांग बॉन्ड के लिए ही करते हैं ना, जब मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जब बहुत स्ट्रांग होता है तो हम पाइरोमेटलर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें फर्स्ट मेथड में आपको यहां पर देखिए छूटा हुआ है जगह, है ना, मैं और भी आपको मेथड बताऊंगी बाद में, अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं, पाइरोमेटलर्जी, ठीक है। ये रिडक्शन का फर्स्ट मेथड है, समझ में आ रहा है आपको, रिडक्शन का फर्स्ट मेथड है। रिडक्शन यानी कि अब हम मेटल से ऑक्सीजन को रिमूव करने जा रहे हैं, हम इस बॉन्ड को ब्रेक करने जा रहे हैं, और ब्रेक करने के लिए हमने जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया उसका नाम है पाइरोमेटलर्जी, ठीक है। पाइरो मीन्स होता है हीट, और मेटलर्जी का मतलब तो आपको पता ही है, मेटलर्जी मीन्स क्या होता है, मेटल को ओर से मेटल को निकालना, ठीक है। तो हीट दे करके आप मेटल प्राप्त करिए, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को निकालना, ये कहलाता है मेटलर्जी चैप्टर, ये हमारा मेटलर्जी चल रहा है, ठीक है। तो शुरू से ही हम देख रहे हैं मेटलर्जी का मतलब क्या होता है कि मिनरल्स हमको ओर मिला, अब ओर से बहुत सारे प्रोसेस कर करके हमको क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। तो मेटल को पाना ये कहलाता है मेटलर्जी, और पाइरो मतलब होता है हीट, यानी कि अब हम हीट दे करके और मेटल को निकालेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, पाइरोमेटलर्जी करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्मेल्टिंग, है ना, स्मेल्टिंग भी इस प्रोसेस को बोला जाता है, तो पाइरोमेटलर्जी या फिर स्मेल्टिंग, ओके। अब देखिए हम इसमें केवल हीट देंगे तो काम नहीं होगा, है ना, जो हमारा पाइरोमेटलर्जी प्रोसेस है, ये प्रोसेस अब क्या कहता है ये ध्यान से समझो। पाइरोमेटलर्जी प्रोसेस कहता है कि इस प्रोसेस में आपको हीट का इस्तेमाल करना है, इस प्रोसेस में आपको रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है बच्चों जो इस ऑक्सीजन को आएगा और मेटल से जो छीन के ले जाएगा, है ना, मेटल के पास ऑक्सीजन है लेकिन कोई आया और उसने क्या किया कि ऑक्सीजन को वो ले रहा है ना, छोड़ 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 और ऑक्सीजन को लेके चला गया, ठीक है, तोड़ के, है ना। तो मेटल के साथ मेटल यही रह जाता है, मेटल के मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है, लेकिन कोई आता है जो कि मेटल को खींच रहा है, मेटल को खींच रहा है, मेटल को खींच रहा है, सॉरी मेटल को नहीं ऑक्सीजन को, है ना, ऑक्सीजन को खींच रहा है और इसको लेके चला गया। तो ऑक्सीजन को जो ले जाएगा खींच करके, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ेगा और बॉन्ड टूटेगा, मेटल से ऑक्सीजन को जो अलग करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहला मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम क्या है उस मेथड का, पाइरोमेटलर्जी, या उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। ये कौन सा मेथड है, ये मेथड है रिडक्शन करने का, यानी कि मेटल से ऑक्सीजन को रिमूव करने का, हमारे पास ये एक रास्ता है, वही रास्ता हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इस रास्ते में आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी पहले वो देखेंगे। इस प्रोसेस को करने के लिए हमको सबसे चाहिए, सबसे पहले ज्यादा हीट चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा हीट चाहिए, तो हमने हीट ले लिया। दूसरा आपको और क्या चाहिए, और मुझे चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, ओके ठीक है, ले लो
रिड्यूसिंग एजेंट. अब मैंने आपको बताया कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो एजेंट जाकर के ऑक्सीजन को खींच के निकालेगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट. तो हमको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए. अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कोक हो सकता है, ठीक है, कार्बन कोक, या कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, या मोर रिएक्टिव मेटल हो सकता है, ठीक है. तो हम ये रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे. अब हम देख लेंगे कि हमारे को इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करना है. और प्लस हमको क्या चाहिए, इसमें फ्लक्स चाहिए, ठीक है. फ्लक्स हमको तीन चीज़ों की जरूरत है, हीट, रिड्यूसिंग एजेंट और फ्लक्स की जरूरत है. अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स वो होता है, ध्यान से समझिए बच्चों, फ्लक्स क्या होता है, जैसे यहाँ पर फ्लक्स का एक एग्जांपल लिया गया है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन CaCO3, ये क्या है, एक फ्लक्स है, ठीक है ना. फ्लक्स वो होता है जो इम्प्योरिटीज के साथ, बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो मेल्ट नहीं हो रही हैं, ठीक है, या मेल्ट हो तो जाएंगी मेट, लेकिन वो मेटल के अंदर ही जाकर के घुल जाती हैं, तो वो मेटल में जो हमको फिर वापस जो यहाँ पर मेटल मिलेगा उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहेगी, ठीक है. तो हम चाहते हैं कि जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो मेल्ट हो, लेकिन फ्लक्स के साथ, फ्लक्स जाएगा और जाके उसको मेल्ट करेगा, मतलब पिघलाएगा, और फ्लक्स उसके साथ जाकर के अटैच हो जाएगा, किसके साथ, इम्प्योरिटीज के साथ. तो मेटल हमारा अलग रहे और जो मेटल के साथ जो इम्प्योरिटीज है उस इम्प्योरिटीज के साथ हमारा फ्लक्स जाकर के एक बॉन्ड बना ले, ठीक है. फ्लक्स जाएगा और इम्प्योरिटीज के साथ बातचीत करेगा कि तुम मेरे साथ हो लो, ठीक है, और इम्प्योरिटीज के साथ बातचीत करके इम्प्योरिटीज को अपने साथ कर लेगा, और फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटीज है ना, ये अब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी कि इसको बातचीत करके खुद में मिला लिया, और दोनों के जो मिक्सचर होगा दोनों का वो पिघले हुए कंडीशन में होगा, यानी कि मोल्टेन इम्प्योरिटीज होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, स्लैग, ठीक है. तो नया वर्ड आएगा बच्चों आपके लिए, फ्लक्स एक नया वर्ड है, और दूसरा क्या है, स्लैग. स्लैग का मतलब होता है मोल्टेन इम्प्योरिटीज, ऐसा इम्प्योरिटीज जो कि पिघला हुआ हो, ठीक है. टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ना, हीट दे रहे हैं तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं हम कि हमारा मेटल भी पिघल जाएगा और हमारी इम्प्योरिटीज भी पिघल जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि इम्प्योरिटीज पिघले तो सही, लेकिन मेल्ट होकर के ऐसा ना हो कि पिघला हुआ इम्प्योरिटीज भी है और पिघला हुआ मेटल भी है, दोनों एक ही में वापस मिक्सअप हो जाए, फिर लो एक परेशानी, ठीक है. तो हम चाहते हैं कि इम्प्योरिटीज फ्लक्स के साथ अलग हो जाए, ठीक है, मतलब पिघला हुआ मेटल तो हो लेकिन इंप्योरिटीज उसके ऊपर अपना तैरता रहेगा और उसमें से उसको आसानी से हम अलग कर लेंगे, ठीक है. तो फ्लक्स के को हमने भेजा है ना, फ्लक्स का इस्तेमाल हम इसीलिए कर रहे हैं कि तुम जाओ, देखो रिड्यूसिंग एजेंट को हमने भेजा कि जाओ जाकर के ऑक्सीजन को हटाओ, वहां से रिड्यूसिंग एजेंट गया जाकर के मेटल से ऑक्सीजन को हटा दिया. अब मेटल के साथ कुछ इंप्योरिटीज भी थी तो हमने फ्लक्स को भेजा कि जाकर के उस इंप्योरिटीज को के साथ बातचीत करो, उसको आपस में मिला लो और मिला करके उसको निकाल दो. तो फ्लक्स गया, वो इंप्योरिटीज के साथ जाकर के बातचीत किया है ना, और क्या बना लिया, स्लैग बना लिया. तो दोनों का मिक्सर यानी कि स्लैग मोल्टेन इंप्योरिटीज, इस तरीके से वो भी अलग हो गया. अब हमारा मेटल जो है वो एकदम अकेला है, ठीक है, मेटल एकदम अकेला है, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते कि हमारा मेटल जो है कंप्लीटली प्योर है, ठीक है. इम्प्योरिटीज होंगी थोड़ी बहुत और, तो उस इम्प्योरिटीज को हम बाद में प्योरिफिकेशन प्रोसेस करके दूर कर देंगे. बात आपको समझ में आई बच्चों. अब देखिए इसी का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि फ्लक्स हमने ले लिया, मान लो CaCO3 ले लिया, इम्प्योरिटीज अगर हमने ले लिया SiO2, ठीक है, तो हमारा क्या बन रहा है, स्लैग. जो हमारा स्लैग बनेगा वो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि CaSi और क्या हो जाएगा इसमें CaSiO3, ये जो बना हमारा ये क्या है, ये स्लैग है, यानी कि पिघला हुआ, मतलब मोल्टेन इम्प्योरिटीज, ये मोल्टेन इम्प्योरिटीज होएगा, साथ में CO2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है बच्चों. तो ये प्रोसेस करता है फ्लक्स. अब आपको बात समझ में आएगी कि फ्लक्स क्या होता है और स्लैग क्या होता है, ठीक है. अब इसी का जो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें ये पढ़ी हैं, ठीक है, उसी का हम कुछ यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ रिएक्शन, ठीक है. जैसे देखिए हम सबसे पहले कि पायरोमेटलर्जी का प्रोसेस अब कहाँ कराएंगे, ठीक है, हीट कहाँ देंगे, ये सब चीज़ें कहाँ डालेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हमने ऐड किया, हमने यहाँ पे फ्लक्स ऐड किया, तो उन सब चीज़ों को करने के लिए, ये प्रोसेस करने के लिए कोई एक जगह तो होनी चाहिए ना. हम खाना बनाते हैं तो भाई खाना कहाँ बनाएंगे, पता है हमको कि खाना कहाँ बनाते हैं, किचन में बनाते हैं, तो एक जगह तो होगी जहाँ ये सारा काम कार्यक्रम होगा. तो इन सब चीज़ों को मिक्सअप कर करके और कार्यक्रम करवाने के लिए हमारे पास पूरा एक सेटअप होता है जिसको बोला जाता है फर्नेस. फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, ठीक है. तो भट्टी पूरा एक प्रोसेस होता है, मतलब एक बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, ठीक है, और वो आप लोग को बड़े क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा. तो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, बहुत सारी भट्टियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार की भट्टियाँ होती हैं, उन भट्टियों में, ठीक है, हम इस्तेमाल कर उन भट्टियों को इस्तेमाल करते हैं पायरोमेटलर्जी प्रोसेस कराने के लिए, ठीक है. तो फर्नेस के अंदर ये सब प्रोसेस होता है.
अब पायरोमेटलर्जी प्रोसेस आप किस किस मेटल के लिए कर सकते हैं, ठीक है? तो सिल्वर, आयरन, कॉपर या अदर बेस मेटल, जो भी बेस मेटल अदर होंगे, जैसे सिल्वर है, देखिए सिल्वर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पायरोमेटलर्जी का, आयरन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉपर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और भी कुछ अगर बेस मेटल है तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पायरोमेटलर्जी प्रोसेस, और क्या करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? देखिए मैकेनिज्म है ना, इसकी मैकेनिज्म क्या है, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड होता है, मैंने शॉर्ट में लिखा है MO, मेटल का ऑक्साइड होता है, हमको सबसे पहले फर्नेस में हम डालते हैं इसको, ठीक है ना? मेटल के ऑक्साइड में हम फ्लस्क मिलाते हैं, मेटल के ऑक्साइड में हम रिएजेंट मिलाते हैं, इसको फर्नेस में डालते हैं और इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? हीट प्रोवाइड करते हैं। तो इतना सब अब भट्टी के अंदर होगा क्या कि जो हमारा मेटल का ऑक्साइड है वो डिकम्पोज होता है, यानी कि टूटता है। मैंने अभी इतना सारा यहाँ पे आपको लेक्चर दिया ना कि वो टूटता है, यानी कि मेटल से ऑक्सीजन क्या होगा, अलग होगा, यानी कि कौन सा प्रोसेस होगा, डिकम्पोज। डिकम्पोज मतलब टूटना, ठीक है? तो मेटल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, डिकम्पोज प्रोसेस होगा ये सब चीज़ें करने के बाद, जब हम फर्नेस में लेकर, फर्नेस आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है, अदरवाइज अगर आपको देखना चाहो तो मैं अभी एक पिक्चर लगाती हूँ, उसमें आप देख लेंगे कि भट्टियां कैसी होती हैं, ठीक है? तो देखिए, तो ये जैसे प्रोसेस हम करवा रहे हैं तो ब्लास्ट फर्नेस में करवा रहे हैं, ठीक है? ब्लास्ट फर्नेस हिंदी में बोलते हैं इसको, वात्या भट्टी, तो वात्या भट्टी में, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में ये प्रोसेस करवा रहे हैं, ठीक है? अब देखिए यहां पर क्या है, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड के लिए वापस से मैं बता रही हूं आपको, फर्नेस में भट्टी में लेंगे, ठीक है? भट्टी में हम इसके साथ क्या क्या मिलाएंगे बच्चों, पहला हमने मिलाया फ्लास्क, दूसरा हमने मिलाया रिएजेंट, ये दोनों चीजें हम मिलाते हैं, और उस फर्नेस में बड़ी भट्टी होती है, उसमें पूरा सिस्टम होता है कि हीट कहां से प्रोवाइड करना होता है, ठीक है? तो उसको हम बहुत सारा हीट देते हैं, इस फर्नेस के अंदर होता है मेटल ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, डिकम्पोज किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है, और फाइनली फाइनली हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, इम्प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है ना? मेटल तो मिला, लेकिन ये मेटल अभी हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें मतलब एकदम 100% हम श्योर नहीं है कि बिल्कुल ये प्योर है, ठीक है? तो इसको अभी हम इम्प्योर मेटल ही कहेंगे, है ना? एक बार और इसको नहलाएंगे धुलाएंगे और तब कहेंगे कि अब ये जो है क्या हो गया, एकदम प्योर मेटल है। तो एक मेथड अभी इनको, एक स्टेप और बाकी है, ठीक है? एक और इनको अग्नि परीक्षा और देनी है हमारे इम्प्योर मेटल को, फिर हमको मिल जाएगा प्योर मेटल, ठीक है? तो हमको प्रोसेस में मिला क्या, इम्प्योर मेटल मिला, इम्प्योरिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी जो कि गैसेस फॉर्म में रहेंगी, और वो भट्टी में जगह होता है ना, कि इम्प्योरिटीज़ जो है वो यहाँ से निकलता जाए, ठीक है? तो भट्टी में यहाँ यहाँ से रास्ते भी होते हैं, ऊपर से रास्ता होता है, तो वहाँ से जो भी इम्प्योरिटीज़ गैसेस के फॉर्म में जो इम्प्योरिटीज़ होंगे वो निकल जाएंगे, और कुछ इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं वो स्लैग के फॉर्म में निकल जाते हैं। स्लैग के फॉर्म में मतलब जैसे भट्टी में अब जो हमारा मेटल है वो मेल्ट हो गया, तो एकदम भट्टी के नीचे है ना, बॉटम में मेटल, सारा मेटल जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, उसकी पूरी एक लेयर इकट्ठा हो गया, ठीक है? वो हमारा मोल्टेन मेटल होगा, मोल्टेन पिघला हुआ मेटल होगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा यहां पर हीट का इस्तेमाल करते हैं, तो मोल्टेन मेटल हो गया, है ना? हमने बहुत ज्यादा हीट क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड है ना वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो हमने बहुत ज्यादा वहां पर हीट दिया। अब जो मेटल है हमारा वो क्या है, वो मोल्टेन मेटल हो गया, और उसी के मोल्टेन मेटल के ऊपर, है ना, उसी के ऊपर तैरता रहेगा मोल्टेन इंप्योरिटीज, है ना? क्या तैरता रहेगा, मोल्टेन इंप्योरिटीज, दोनों के बिल्कुल अलग अलग लेयरिंग दिखाई देगी। तो ऊपर से यहां से हमने मोल्टेन इंप्योरिटीज को निकाल लिया, और नीचे से हमने क्या किया, मोल्टेन मेटल को निकाल लिया, ठीक है? तो हमारा जो इंप्योर मेटल था ये मोल्टेन फॉर्म में था, ये भी पिघले हुए, इसको निकाल लिया हमने इधर से, और इसके ऊपर ये तैर रहा था तो दम दिखाई दे रहा था कि अच्छा इसकी लेयरिंग तैर रही है, इसको हमने बाहर से निकाल लिया, ठीक है? तो इस तरीके से हमको इंप्योरिटीज, इम्प्योर मेटल हमको मिला, इम्प्योरिटीज गैस के फॉर्म में मिली, और इम्प्योरिटीज हमको स्लैग के फॉर्म में मिली, ओके? अब इसके कुछ एग्जाम्पल है ना कि क्या क्या किया जाता है। देखिए ZnO, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसमें हम ले सकते हैं कुछ बेस मेटल और भी ले सकते हैं, जैसे हमने जिंक, जिंक का ऑक्साइड। अब देखो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि हमारा मेटल ऑक्साइड कौन कौन सा है जिसका रिडक्शन प्रोसेस हम पायरोमेटलर्जी के द्वारा करते हैं, ठीक है? तो मेटल ऑक्साइड, देखिए हमने मेटल ऑक्साइड ले लिया ZnO, ठीक है? और इसमें हमने कार्बन दिया, कार्बन क्या है यहाँ पर बच्चों, कार्बन है हमारा रिएजेंट, है ना? रिएजेंट के फॉर्म में हमने कोक इस्तेमाल किया, कोक को ही हम सी, ओनली सी लिखेंगे, मतलब कोक क्या है, कार्बन है, ठीक है? तो ZnO हमने ले लिया, मेटल को ऑक्साइड ले लिया, इसमें हमने डाल दिया रिएजेंट, कोक डाला है, हीट किया इसको, तो देखिए इसमें ZN और प्लस CO, है ना, इंप्योरिटीज के फॉर्म में ये गैसेस निकल जाएंगे, और ZN हमारा क्या हो जाएगा, ये अलग हो गया, ठीक है? SnO2
प्लस कार्बन, हमने यहाँ पर भी कार्बन लिया, हीट दिया तो हमको SN अलग हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको। अच्छा, इसमें लिखा ये हमारा टीन अलग हो गया और CO गैस जो है ये इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में निकल गया। देखिए बात वही हो रही है ना, इम्प्योर मेटल मिलेगा, ये रहा इम्प्योर मेटल, इम्प्योरिटीज़ एज अ गैस, गैस के फॉर्म में इम्प्योरिटीज़ निकल रही है, ठीक है, या स्लैग के फॉर्म में इम्प्योरिटीज़ निकल जाती है, ठीक है। और दूसरा जैसे कि Fe2O3, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है बच्चों, इसको आप बैलेंस कर लेना। Fe2O3 है, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें रिएजेंट के फॉर्म में इस्तेमाल किया है ना, रिएजेंट के फॉर्म में हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर हमने आयरन है ना, मोस्टली आपको जो बड़े क्लासेस में पढ़ना है वो आयरन के बारे में ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए Fe2O3 हमने आयरन ले लिया, आयरन भी पढ़ना है, कॉपर भी पढ़ना है ना, ये सब देखेंगे हम 11 12th में। देखिए Fe2O3 हमने ले लिया और इसमें हमने CO का इस्तेमाल किया, CO क्या है हमारा रिएजेंट है, ठीक है। और इसमें हमको मिलेगा क्या प्रोडक्ट में, देखिए यहाँ पर हमको इम्प्योर मेटल मिल रहा है, Fe मिल रहा है। ये जो Fe मिलता है ये कैसा मिलता है, आयरन लोहा है, लेकिन ये यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि किसमें चेंज हो जाता है बच्चों, ये मोल्टेन फॉर्म में मिलता है ना, तो पिघले हुए में मिलेगा हमको ये। और जो भी इम्प्योरिटीज थी वो CO2 के फॉर्म में, बहुत सारी इम्प्योरिटीज निकल गई, और भी जो इम्प्योरिटीज थी वो किस फॉर्म में निकल गई, CaSiO3 के फॉर्म में यहां पर निकल गई, स्लैग के फॉर्म में, है ना। तो इसमें आपको स्लैग के फॉर्म में भी इंप्योरिटीज मिलती है और इसमें गैसेस के फॉर्म में भी इंप्योरिटीज निकलता है। और बाद में हमको ये क्या मिल गया, हमको यहां पर ये मिल गया मेटल जो कि क्या है, किस फॉर्म में है, मोल्टेन फॉर्म में है, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि हम इनका करते हैं पायरोमेटलर्जी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसको इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग वर्ड भी यूज किया जाता है बच्चों, है ना। तो कहेगा कि रिडक्शन प्रोसेस यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के लिए स्मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में बताइए, तो आपको ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताया ये सब यहां पे टर्म इस्तेमाल करना है। तो बच्चों हमारा इसमें पहला मेथड हो गया पायरोमेटलर्जी, ठीक है, यानी कि हमने रिडक्शन का एक मेथड इस्तेमाल किया। और भी हम कुछ देखेंगे इसके बारे में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद एक और वीडियो होगा जिसमें कि हम हमारे पास जो ये मेटल मिला है ना, जैसे यहाँ पे ZN मिल गया, जैसे SN मिल गया, यहाँ पे Fe मिल गया, अब इस मेटल का अब हमको क्या करना है, फुल एंड फाइनल अब इस मेटल का हमको केवल प्यूरिफिकेशन काम करना है, ठीक है ना, रिफाइनिंग यानी कि प्यूरिफिकेशन का काम करेंगे और हमको प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो दो वीडियो बच्चों और इसमें अभी बाकी है, ओके। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही, स्टडी करते रहिए, ओके, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा है मेटलर्जी, जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट 6। देखिए बच्चों पार्ट 6 में हम क्या पढ़ेंगे, मेटल ऑक्साइड, हमने मेटलर्जी में कहाँ तक कर लिया है, मेटल ऑक्साइड हमको मिल गया है, ठीक है। यानी कि मेटलर्जी चैप्टर हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारी ट्रेन, वो ट्रेन चलते चलते कहाँ तक पहुँच गई है, मेटल ऑक्साइड तक पहुँच गई है। यानी कि हमने मेटल के साथ ऑक्साइड को ऐड कर दिया है, यानी कि अब हमारे मेटल के साथ केवल ऑक्सीजन है, हमारा मेटल है, मेटल के साथ कौन है, ऑक्सीजन है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो मेटल के साथ कौन है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अब हमको क्या करना है, इस ऑक्सीजन को रिमूव करना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अगर हम यहां से हटा देते हैं तो हमको यहां पर क्या मिलेगा, केवल और केवल हमको मिलेगा मेटल, ठीक है। तो हमारी ट्रेन स्टार्ट भी तो यहीं से हुई थी कि बहुत सारे चीजों के साथ हमारा मेटल है और हमको क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप एक 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 चीज को रिमूव करते जाना है ताकि हमको फाइनली क्या मिल जाए, मेटल मिल जाए। तो हमने बहुत सारी चीजों को रिमूव कर दिया है बच्चों, अब हमारे पास क्या है, मेटल के साथ ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को हमको रिमूव करना है, ठीक है। तो अगर हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाता है, एक अकेला मेटल मिल जाता है, यानी कि हम अपने मेटलर्जी प्रोसेस में लगभग जो है वो रिजल्ट तक पहुँचने वाले हैं, ओके। लेकिन ये जो हमको मेटल मिलेगा, ये मेटल हमको कैसा मिलेगा, इम्प्योर मिलेगा, प्योर नहीं है, अभी प्योरिफिकेशन प्रोसेस बाकी है, ठीक है ना, इसको हम वापस से प्योर करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बताया था कि मेटल ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है, मेटल और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इस बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस मेथड के का यूज़ करके मेटल से ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि मेटल और ऑक्सीजन एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ बच्चों, है ना, उस चीज़ को मैं क्या केवल कर रही हूँ, अभी केवल रिविज़न करवा रही हूँ, ठीक है। तो यदि मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ काफी टाइटली, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ यदि जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि यहां पर जो मेटल होगा वो मेटल कैसा होगा, वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, और वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि इन दोनों के बीच में दोस्ती क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दोस्ती है, यानी कि इनको अलग करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल यहां पर है, यदि हाईली रिएक्टिव मेटल है तो इसका मतलब कि बॉन्ड भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में बना हुआ
बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग बॉन्ड क्यों है, क्योंकि जो मेटल है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है। और कौन कौन से मेटल ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम ले लेंगे पोटेशियम और सोडियम। जैसे हमारा पोटेशियम और सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये ऑक्सीजन के साथ यदि जुड़ता है तो काफी स्ट्रांग बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो इनको, अब इनमें से यदि पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन है, यदि सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों से ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमको काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा। मतलब कि नॉर्मल हम पायरोमेटलर्जी प्रोसेस जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उस मेथड से हम इनको नहीं हटा सकते, ठीक है, ऑक्सीजन को नहीं हटा सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक नए मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो हमारा ये मेथड होगा, और इस मेथड के द्वारा हम पोटेशियम से खींच करके ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, या सोडियम से खींच करके ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। तो पोटेशियम और सोडियम से हमको ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा है मॉडरेट रिएक्टिविटी, ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी न तो बहुत ज़्यादा है और न बहुत कम है, बीच बीच की जो रिएक्टिव होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल ये हैं। तो ये जो होते हैं, इनसे यदि, यानी कि मॉडरेट रिएक्टिव है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़े हुए, ना तो बहुत अच्छी दोस्ती है और ना बहुत खराब दोस्ती है, ठीक है, बीच बीच का है, ठीक है ना, हाँ हाँ ठीक है, जानते हैं एक दूसरे को, अच्छी तरीके से बातचीत भी होती है, लेकिन बहुत क्लोज फ्रेंड भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी मतलब नहीं है ना। तो यानी कि मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कैसा है बच्चों, यहाँ पर मॉडरेट बॉन्ड है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है, लेकिन कैसा है, मॉडरेट बॉन्ड है। तो यहाँ से ऑक्सीजन को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, पायरोमेटलर्जी, जो कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था, पायरोमेटलर्जी, पायरो का मतलब होता है हीट दे करके, रिड्यूसिंग एजेंट दे करके, हीट, हीट के साथ हमने रिड्यूसिंग एजेंट दिया था, उसके साथ हमने फ्लस्क दिया था, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके, इन सब चीजों के हेल्प से हम ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं मेटल से, ठीक है। तो ये मेथड बच्चों हम पढ़ चुके हैं, इस वजह से ये मेथड और ये मेथड हम भी हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो सब हम पायरोमेटलर्जी पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी और इसको भी करने के लिए हम पायरोमेटलर्जी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पिछले वीडियो में पढ़ा था। पायरोमेटलर्जी का मतलब होता है हीट देना, ठीक है, हीट देने के साथ साथ हम रिड्यूसिंग एजेंट देते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक और बात अभी देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट मैंने लिखा है, अब इस बात को यहीं पर छोड़ करके थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। देखिए कुछ मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़े रहते हैं, काफी वीक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, मतलब मेटल ऑक्साइड बना तो है, लेकिन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा, यानी कि आप आसानी से ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोनों के बीच में जो दोस्ती है ना, वो बहुत ही ऑलरेडी मतलब टूटने वाली ही दोस्ती है, ठीक है, मतलब जुड़े तो हैं बट आसानी से तोड़ा जा सकता है कि चलो चलो ऑक्सीजन, हाँ ठीक है चलो, है ना, वो चल देगा। तो अगर इनके बीच में वीक बॉन्ड, मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड यदि वीक है, इसका मतलब कि जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, बहुत ही कम उसकी रिएक्टिविटी क्या है, बल्कि ज़्यादा क्या रिएक्टिविटी उसकी, बहुत ही कम है, यानी कि लेस रिएक्टिव मेटल। यदि ये लेस रिएक्टिव मेटल है तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड भी कैसा बनाएगा बच्चों, वीक बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि SN, जैसे कि PB, ठीक है। एग्जाम्पल किसमें से, मेटल के एग्जाम्पल क्या है हमारा, SN, SN यदि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, PB यदि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, वीक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, आसानी से तोड़ा जा सकता है, SN से ऑक्सीजन जो है आसानी से हट जाएगा और SN अलग हो जाएगा, PB से ऑक्सीजन जो है वो आसानी से हट जाएगा और PB अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें और इसमें दोनों में ही हमको केवल ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट देने की जरूरत है, हम गर्म करते हैं और साथ में रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं और आसानी से इनके ऑक्सीजन को और इनके ऑक्सीजन को रिमूव किया जा सकता है। तो दोनों में फ़र्क, कुछ तो फ़र्क होगा, बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क होता है कि इसमें आपको यहाँ से ऑक्सीजन को हटाने के लिए आप जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इतना ज़्यादा, जिस अच्छा वाला जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना, अच्छा वाला रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन को, जैसे मेटल के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है, देखिए दोबारा ये बता रही हूँ, पिछले वीडियो में भी पढ़ाया हुआ है ना, तो मेटल के साथ ऑक्सीजन है, रिड्यूसिंग एजेंट गया और वो जाके क्या करेगा, ऑक्सीजन को छीन लेगा, ठीक है ना। तो ऐसा एजेंट, ठीक है, जो आता है और ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करके और ऑक्सीजन को छीन करके लेके चला जाएगा और हमारा मेटल जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जो आया और जिसने ऑक्सीजन को लेके गया, वो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है।
ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम किसी को बुला रहे हैं कि आओ और ऑक्सीजन को छीन के ले जाओ, ठीक है। तो जो आएगा ऑक्सीजन को लेने के लिए उसको हम बोलेंगे कि थोड़ा मजबूती से, मतलब आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन, क्योंकि मेरे और ऑक्सीजन के बीच में है ना, ये कहते हैं कि मेरे और ऑक्सीजन के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है लेकिन बहुत ख़राब दोस्ती भी नहीं है, ठीक है। तो आप अगर आ रहे हो, आप रिड्यूसिंग एजेंट हो और आप यदि ऑक्सीजन को ले जाने के लिए आ रहे हो, तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जो रिड्यूसिंग एजेंट आएंगे उनको एफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि वो थोड़े अच्छी क्वालिटी के अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है ना, अच्छे, ठीक है। तो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और वो आएंगे, एफर्ट लगाएंगे और ऑक्सीजन को यहाँ से लेकर के जाएंगे। ये वाले जो हैं ये कहते हैं कि हम तो वैसे ही टूटने के कगार पे हैं, ठीक है ना, मतलब ये ज़्यादा लिस्ट रिएक्टिव मेटल है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये कहता है कि रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारे हो, ऑक्सीजन को ले जाना है, ठीक है, ले जाओ, आसानी से ले जा सकते हो, तुमको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिड्यूसिंग एजेंट जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यदि नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट तो है ना, वो आराम से ऑक्सीजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पर हमको अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, और साथ में हम क्या करते हैं, हीट का इस्तेमाल करते हैं। तो हीट रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके फर्नेस के अंदर फ्लस्क वगैरह और भी कुछ एक्सेसरीज की जरूरत है तो वो इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करके हम यहाँ पर पाइरोमेटलर्जी प्रोसेस जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उस तरीके से हम इनसे ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, जैसे कि हमने कार्बन ले लिया, ठीक है, तो कार्बन क्या है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा और खराब का मतलब क्या है, जैसे आप देखो कि मान लो कि खाना पका हुआ है, ठीक है ना, घर में खाना रखा है, और खाने में मतलब अगर चार रोटी मेरे पास है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ ना कि ये चार रोटी कोई ऐसा जो चार रोटी खा जाए, रोटी का बिल्कुल भी बर्बादी ना हो, तो मैं क्या कहूँगी कि उसको मैंने खाने पर, मतलब खाना उनको बुलाया खाना खाने के लिए जिनको भूख ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आते हैं और वो चार रोटी खा जाएंगे, यानी कि खाना पूरा फिनिश हो गया, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं हुआ खाने का, ठीक है ना, तो चार रोटी उन्होंने खा लिया। लेकिन मेरे पास अगर चार रोटी है और मैं किसी ऐसे को बुलाती हूँ खाना खाने के लिए जो ऑलरेडी जिनका पेट भरा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, उसमें से दो रोटी ही उन्होंने खाया और दो रोटी बच गया, ठीक है, यानी कि दो रोटी का क्या होगा, वेस्टेज होगा, है ना। बस यही वाली बात होती है, यानी कि आप ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट को बुलाओ जो भूखा हो, जिसको भूख ज़्यादा हो, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को वो खा जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा। जैसे कार्बन यहाँ पर अकेले है, तो अकेले कार्बन है तो वो दो ऑक्सीजन को ले लेगा, तब जाकर के इसका पेट भरेगा, ठीक है ना। तो एक अकेला अगर कार्बन आ रहा है तो वो दो ऑक्सीजन को ले जाता है और C+O2 क्या बन जाएगा, CO2 बन करके ये निकल जाएगा, बात समझ में आई। तो इसको भूख ज़्यादा है ना, तो हम कार्बन अगर लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, तो ये ज़्यादा एफर्ट लगाएगा मेटल से ऑक्सीजन को खींचने में, बात समझ में आई। और उसी तरीके से अगर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है ना, हमने यहाँ पर CO ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, जरूरी नहीं है कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड ही लेंगे, कार्बन नहीं ले सकते हैं, कार्बन भी ले सकते हैं ना, अच्छे वाले को भी बुला सकते हैं, मतलब जो भूखा है उसको भी बुलाओ ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खा तो जाएगा फट से, आपका वेस्टेज वाला तो नहीं होगा ना, वो खा के निकल गया, ठीक है। तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है तो इसको कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन की ही उसके पास भूख होती है, तो यहाँ पर एक कार्बन एक ऑक्सीजन तो इसके पास पहले ही है क्योंकि खाना खा चुका है, ठीक है, तो आएगा तो वो एक ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, यानी कि ये भूखा थोड़ा कम है और ये भूखा ज्यादा है। अब चाहो तो दोनों में ही कार्बन का इस्तेमाल कर लो, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का हमारे पास एग्जांपल है कि हम कार्बन इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम हाईली रिएक्टिव मेटल भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है उस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाला मेटल है हम उसको भी ले सकते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके वो भी उसको ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है ना, तो हम उसको भी ले सकते हैं, ओके। तो ये हो गया बच्चों मॉडरेट और वीक, है ना, मॉडरेट से ऑक्सीजन को हम कैसे बाहर निकालेंगे, या वीक जो हमारा रहेगा जहाँ पर वीक बॉन्ड बना हुआ है दोनों के बीच में, वहाँ से हम कैसे ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे और मेटल को अलग कैसे करेंगे, वो हमने यहाँ पर देख लिया, समझ लिया। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अब उसमें जो है हमने जो पायरोमेटलर्जी जो स्टेप पढ़ा था, उस पायरोमेटलर्जी प्रोसेस में बच्चों हीट बहुत ज़्यादा देते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में हमने करवाया था, FE का मैंने आपको समझाया था कि फर्नेस के अंदर कराया जाता है,
है, ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं वात्याभट्टी, है ना। तो वात्याभट्टी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। भट्टी के अंदर ये काम होता है ना पायरोमेटलर्जी, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो मेटल होते हैं वो भी पिघल जाते हैं और पिघले हुए मेटल को बोला जाता है मॉल्टेन मेटल, ठीक है ना। तो उसमें इम्प्योरिटीज जो होती है वो भी मेल्ट हो जाती है, जिसको स्लैग बोलते हैं, ठीक है। और जो मेटल है वो भी पिघले हुए कंडीशन में रहते हैं, जिनको मॉल्टेन मेटल बोलते हैं। तो Fe, अगर हम आयरन, यहाँ पे आयरन पे मैंने स्टार लगाया है क्योंकि यहाँ पर कुछ बताने जा रही हूँ आपको कि यहाँ पे जो हमको आयरन मिला था ब्लास्ट फर्नेस में Fe के साथ जो ऑक्सीजन था, ठीक है, उस ऑक्सीजन को हमने हटा दिया, रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया, हीट का इस्तेमाल किया ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, और Fe से ऑक्सीजन हट गया और हमको मिल गया यहाँ पर Fe। जो हमको आयरन मिला वो पिघले हुए कंडीशन में मिला क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो कौन से फॉर्म में हमको मिला? मॉल्टेन फॉर्म में मिला। अब मॉल्टेन फॉर्म में Fe जो हमको मिलता है पिघला हुआ, उसका इस्तेमाल हम करते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ना, देखिए थर्माइट वेल्डिंग है ना, तो उसका इस्तेमाल थर्माइट वेल्डिंग में किया जाता है। थर्माइट वेल्डिंग एक टॉपिक दे रखा है आपको, ठीक है, मतलब आपके बुक में एक टॉपिक दे रखा है, वो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। थर्माइट वेल्डिंग का मतलब होता है कहीं भी अगर लोहे, अगर मान लो कि बड़ा कोई लोहा है, ठीक है ना, यानी कि आपके डायग्राम आपके बुक में दे रखा है कि जो ट्रैक होता है रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है, तो पटरियां जो होती हैं वो अगर टूट गई हैं और दो पटरियों को बीच अटैच करना है आपको, अटैच करने के लिए आपको उसमें और लोहा डालना पड़ेगा, ठीक है, तो वहां पर लोहे डाल करके और दोनों को अटैच कर दिया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग, यानी कि दो लोहे के टुकड़े हैं उन दोनों को आपको जोड़ना है, बीच में आप क्या करो मॉल्टेन, मॉल्टेन फॉर्म Fe के मॉल्टेन फॉर्म जो कि निकल रहा है ना फर्नेस से, ठीक है, तो फर्नेस से निकल रहा है वो ऑलरेडी मॉल्टेन फॉर्म में है, इसी आयरन को इस्तेमाल करके और दोनों उनको भरा जा सकता है, यानी कि उनको जोड़ा जा सकता है। तो वेल्डिंग, इस तरीके से वेल्डिंग किया जाता है, इसको बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग, ठीक है। तो मॉल्टेन मेटल का वहां पर इस्तेमाल करके और रेलवे ट्रैक वगैरह को ठीक किया जाता है, उसको सही किया जाता है, इसको बोला जाता है थर्माइट वेल्डिंग, ठीक है बच्चों। देखिए ये सारा हमने इधर का और इधर का तो हमने पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना क्या है कि जो हमारा मेटल है उससे ऑक्सीजन हम इस कंडीशन में, यदि हमारा मेटल और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वो कैसे निकलेगा? क्या वो हीट देने से हटेगा? नहीं, आप हीट दे दीजिए या रिड्यूसिंग एजेंट दे दीजिए, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि ये कहता है कि आप चाहे हमको हीट दे दो या फिर आप कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट भेज दो, है ना। ऑक्सीजन मेटल कहता है कि मैं ऑक्सीजन को नहीं ले जाने दूंगा, है ना। तो अब इन दोनों को आप अलग कैसे करेंगे? तो अब आपके पास अलग करने का मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। मेथड क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट दे करके, है ना। आपके पास एक और है, हीट, अगर नहीं हीट से काम नहीं बन रहा है तो हम करंट के झटके दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, यानी इलेक्ट्रिक करंट दे करके इनकी दोस्ती को तोड़ा जा सकता है, मेटल और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है, ठीक है। अब इसी मेथड को हम यहां पर करने जा रहे हैं, इसको, इसका दूसरा भी नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, है ना। रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन प्रोसेस है, तो ऑक्सीजन को हटाएंगे यानी कि रिडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट दे करके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस भी बोला जाता है। इसके लिए आप क्या करिए, एक कंटेनर ले लीजिए, यह हमने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं कि, अच्छा एक बात और बच्चों, है ना, इस मेटल, देखिए मेटल आपका एग्जांपल क्या है यहाँ पर? के और एन ए, ठीक है। लेकिन आपको जो एग्जांपल, जिस एग्जांपल से आपको पढ़ना है आपके बुक में जो दिया गया है वो एन ए सी एल का एग्जांपल। मैं अभी यहाँ पर क्या आपको बता रही हूँ कि मेटल के साथ हमको ऑक्सीजन को हटाना है, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर मेटल के साथ क्लोरीन ले लिया गया है और कहा जा रहा है जिस तरीके से आप, ये मेटल हमारा कौन है? सोडियम, ठीक है। तो सोडियम से जैसे हम क्लोरीन को हटा रहे हैं उसी तरीके से, उसी मेथड का यूज करके आप सोडियम से ऑक्सीजन को भी हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए यहां पर क्लोरीन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो हम भी वही देखेंगे। तो देखिए हमने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या कर लिया? मॉल्टेन NaCl ले लिया, ठीक है। मॉल्टेन NaCl का मतलब क्या होता है? पिघला हुआ नमक। NaCl मतलब नमक, तो मॉल्टेन फॉर्म में नमक है वो पिघला हुआ है, हमने पिघला हुआ नमक लिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पिघला हुआ नमक, क्योंकि हमको ऐसा नमक चाहिए था जो इसमें हमने भर दिया और ये क्या काम करेगा यहाँ पर, एक जैसे एक मीडिएटर का काम कर रहा है ना, तो हमको पिघला हुआ कंडीशन चाहिए था। लेकिन हम नमक को पानी में घोल करके उसका सोल्यूशन बच्चों नहीं ले रहे हैं हम,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर नमक का सोल्यूशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। नमक और पानी को मिला करके आपस में सॉल्वल किया जा सकता है ना, ये भी तो तैयार हो जाएगा, बट हम यहाँ पर सोल्यूशन नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी जो होता है, अगर हमने इसमें वाटर ले लिया तो वाटर की इम्प्योरिटीज आ जाएगी, ठीक है, और हम जो करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, उसकी जगह पर कुछ और हमको प्रोडक्ट मिलेगा। इसलिए हमको यहाँ पर वाटर की इम्प्योरिटीज नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? प्योर नमक चाहिए, नमक, और नमक ऐसा चाहिए जिसमें Na+ अलग हो, Cl- अलग हो। तो हमारे पास तरीका क्या बचता है? अगर Na+, अगर नमक हमारा सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें क्या होगा? Na+ और Cl- तो अटैच होंगे, जुड़े होंगे, ऐसे फॉर्मूले में होंगे, और हमको क्या चाहिए कि Na आयन के फॉर्म में रहे, यानी कि Na+ के फॉर्म में रहे, Cl आयन के फॉर्म में रहे, यानी कि Cl- के फॉर्म में रहे, तो इस तरीके से। लेकिन हमको पानी में डालना नहीं है, तो बिना पानी में घोले हम इनको आयन के फॉर्म में कैसे लाएंगे? तो हमारे पास क्या तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, नमक को हम इसको पिघला हुआ नमक ले लें, है ना। अगर हम मॉल्टेन फॉर्म में ले लेते हैं तो Na+ और Cl- के फॉर्म में हमको यहां पर आयन मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहां पर मॉल्टेन NaCl ले लिया, उसको उसके अंदर हमने कंटेनर के अंदर भर दिया, ठीक है। अब हमने इसमें क्या ले लिया? दो इलेक्ट्रोड, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड हमने ले लिया। ये इलेक्ट्रोड जो है, इसको लेकर के इस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी, देखिए ये बैटरी है, बैटरी में एक बड़ा लाइन होता है, एक छोटा लाइन, बड़ा लाइन, छोटा लाइन, बड़ा लाइन, छोटा लाइन, ठीक है ना। इस तरीके से बैटरी को बनाया जाता है। बड़ा लाइन जो होता है वो इंडिकेट करता है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटा लाइन होता है वो इंडिकेट करता है नेगेटिव टर्मिनल। तो एक साइड में हमने ले लिया है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे साइड में ले लिया हमने नेगेटिव टर्मिनल। ओके बच्चों, तो देखिए, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। अब इसमें देखो कई दिखाया गया है ना, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने तीन लिया है, इसलिए मैं इसको बोल रही हूं कि ये क्या है? बैटरी है, बैटरी, ठीक है। तो देखिए, इधर अगर एक साइड में इधर पॉजिटिव है तो दूसरे साइड में एंड कैसा होना चाहिए? टर्मिनल नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बैटरी ले लिया। अब हमने यहां पर इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड को मैंने बैटरी के पॉजिटिव से अटैच कर दिया, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ठीक है। तो बैटरी के पॉजिटिव से मैंने इस इलेक्ट्रोड को अटैच कर दिया, और बैटरी के नेगेटिव से मैंने इस इलेक्ट्रोड को अटैच कर दिया, ठीक है। हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई। हमने क्या किया? एक कंटेनर ले लिया, उसमें मॉल्टेन NaCl ले लिया, ये इलेक्ट्रोड लगा दिया, इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और हमने स्विच ऑन कर दिया, ठीक है बच्चों। एक बात और, जो हमने ये एनोड और कैथोड ये लिया है, सॉरी अभी एनोड क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, जो हमने ये इलेक्ट्रोड लिया है, ये इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यानी इस इलेक्ट्रोड का रिएक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं होगा, है ना। मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये खुद रिएक्शन कुछ भी नहीं करेगा, जो यहां बस हो रहा है उसको ही होने देगा, ठीक है। तो हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है बच्चों, ठीक है। अब हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई। जैसे यहाँ पर स्विच ऑन किया हमने, यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो गया। प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा कि ये बैटरी के क्या है? पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो है, ये क्या करेगा? इस सॉल्यूशन से नेगेटिव को, है ना, Cl माइनस, Cl माइनस, ये नेगेटिव है हमारा, ठीक है। क्या है ये? ये है एनायन। तो ये क्या करेगा? नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को, यानी कि Cl माइनस को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये इधर Cl- को अपनी तरफ खींच रहा है, उस दूसरी तरफ क्या हो रहा है? Na+ को, ये नेगेटिव वाला है, तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा? पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा। तो नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले को उधर खींच रहा है, और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को खींचेगा, यानी Na+ उधर खींचा जा रहा है और Cl- इधर खींचा जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से इधर मेटल खींचा जाएगा और इधर ऑक्सीजन खींचा जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो अपोजिट इलेक्ट्रोड हो गए ना, है ना। तो प्लस वाला जो है वो माइनस को खींच रहा है, माइनस वाला जो है वो प्लस को खींचेगा अपनी तरफ। बात समझ में आई आपको? तो ये दोनों को खींच खींच करके क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं ना। हम इलेक्ट्रिक करंट जो दे रहे हैं, उस इलेक्ट्रिक करंट से मेटल को ऑक्साइड के साथ, यदि यहां पर ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्साइड लेते हैं, तो मेटल को ऑक्साइड के साथ, मेटल और ऑक्साइड को आराम से इलेक्ट्रिक करंट देकर के अलग किया जा सकता है, क्योंकि हमने यहां पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव को खींचेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को खींचेगा, और दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, जो कि हमारा मोटो है। हम यही तो चाहते हैं कि दोनों अलग हो जाएं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब इस पूरे सॉल्यूशन से आप देखेंगे
कि हमारा एनए, सारा एनए जो है वो धीरे धीरे जाकर के इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे एनए जो है इसके ऊपर धीरे धीरे ऐसे ऐसे डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है ना। एनए जा रहा है और जाकर के इसके ऊपर जमा हो जा रहा है और डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। अब रिएक्शन हम देखते हैं कि जब ये यहाँ पहुँचता है तो क्या होता है, जब ये यहाँ पहुँचता है तो क्या होता है, ठीक है। चलिए उसके बारे में देखिए। सबसे पहले हम सीएल को ले लेते हैं। जब सीएल गया, कहाँ गया, एट एनोड, है ना, पॉजिटिव वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, ठीक है। और एनोड पर जो रिएक्शन होता है वो ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अगर कोई इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो इसको हम एनोड कहते हैं, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होता है। यदि कोई इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो इसको बोला जाता है कैथोड, और कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। कैथोड पर ऑलवेज, यहीं पर ये लिखा हुआ है, कैथोड पर ऑलवेज क्या होता है बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए सीएल जब जाता है एनोड पर, है ना, तो दो सीएल जाते हैं, एक सीएल गया और दूसरा सीएल पीछे पीछे गया, तो कितने सीएल गए बच्चों, टू सीएल हम एक बार में लेकर के आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। इसमें तो बहुत सारे सीएल होंगे, बहुत सारे जाएंगे, लेकिन मैं इसमें आपको एक बार में दो सीएल लेकर के बता रही हूं। तो टू सीएल माइनस जाते हैं और यहां जाकर के इनका नेगेटिव चार्ज हट जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इनका हट जाता है, यानी कि इनमें से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और ये चेंज हो जाते हैं किसमें, सीएल टू में, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इस रिएक्शन को मैं डिटेल में खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप इतना ही समझ लीजिए, इसमें दो नेगेटिव चार्ज था, दो नेगेटिव चार्ज किसके लिए, किसकी वजह से था, दो इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर इसमें से दो इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए तो दोनों क्लोरीन क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और दोनों क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, सीएल टू बना लेंगे। तो यहाँ पर सीएल टू गैस, यहाँ पर सीएल टू गैस, सीएल टू गैस हमको कहाँ मिलेगा, एनोड पर, एनोड पर हमको मिलता है सीएल टू गैस, और दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसमें से, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का निकलना प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सीएल टू गैस, ठीक है। सीएल टू गैस हमारा ये बाय प्रोडक्ट है, यानी कि वो प्रोडक्ट जो हमको नहीं चाहिए, चाहिए नहीं मतलब साथ में बन जा रहा है, ठीक है, हो सकता है यूज़ करेंगे इसको भी। दूसरा हमारा क्या है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है मेटल, हमको तो मेटल ही चाहिए था ना, मेटल हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, मेटल। अब मेटल जो है Na+, वो यहां जाएगा तो क्या करेगा, Na के ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, ये जा रहा है किस पर, कैथोड पर, कैथोड पर क्या है, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये जाएगा वहां से लेके एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यानी कि ये क्या कर रहा है, ले रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन इसने लिया, इसलिए प्रोसेस क्या है, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का निकालना ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन इसने लिया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, ठीक है। ये न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि सोडियम, है ना, सोडियम यहां पर सॉलिड फॉर्म में इसके ऊपर जमा हो जाएगा। तो मेटल जो है वो अलग हो गया। अब इसको आप निकाल लीजिए, इलेक्ट्रोड को इसमें से खुरच करके निकाल लीजिए, है ना। हमारा जो कैथोड है उसमें से सारा जो भी उसकी लेयरिंग जमी हुई जमा हुआ है उसको निकालेंगे, वो जो निकलेगा वो क्या रहेगा, हमारा प्योर Na+ रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम Na को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देखा कि एनोड पर और कैथोड पर, कैथोड पर हमको क्या मिलता है, मेटल मिलता है, और एनोड पर हमको क्या मिला, बाय प्रोडक्ट मिला, यानी कि जो उसके साथ मेटल के साथ था वो हमको मिल जाएगा किस पर, एनोड पर। ओके बच्चों, ये जो पूरा प्रोसेस हमने देखा इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, ठीक है। NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से आपको मेटल ऑक्साइड के इलेक्ट्रोलाइसिस को समझाया गया है। ओके तो बच्चों, आज हमने देखा कि हमारा मेटल ऑक्साइड से हमको मेटल मिल गया, ठीक है। मेटल ऑक्साइड से मेटल लेने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड थे, एक हमने मेथड इस्तेमाल किया पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में भी दो कंडीशन है, एक आप रिड्यूसिंग एजेंट, काफ़ी थोड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे तो पायरोमेटलर्जी में, तब आप मॉडरेट वाले से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा वीक अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो आप वीक वाले से आसानी से मेटल से ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारा दोनों के लिए एक मेथड हो गया पायरोमेटलर्जी, और दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस। यदि स्ट्रांग मेटल के साथ ऑक्सीजन स्ट्रांग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को हटा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के मेटल ऑक्साइड से हमारा ऑक्सीजन हट चुका है, अब हमको क्या मिलता है, मेटल मिलता है। ये मेटल जो हमको मिला, इस मेटल में कुछ इंप्योरिटीज होंगी जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में हटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इंप्योरिटीज को हटा करके अब हमको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमको मिल जाएगा प्योर मेटल, यानी कि हमको प्रोसेस क्या करना है, प्योरिफिकेशन, रिफाइनिंग का प्रोसेस करेंगे, जो कि हमारा लास्ट वीडियो होगा, और वो होगा हमारा पार्ट
7, ठीक है बच्चों। तो मेटलर्जी टॉपिक एटलीस्ट पार्ट 7 में खत्म हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। हैनेस जी, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा है मेटलर्जी, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे पार्ट 7। और आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, यानी कि अब हम करने जा रहे हैं मेटल्स का रिफाइनिंग, क्योंकि पिछले वीडियो में हमको मेटल ऑक्साइड से मेटल मिल चुका है। ठीक है, तो हमारी स्टोरी बहुत ही लंबी चल रही है ना, बहुत लंबे टाइम से हम देख रहे हैं कि हमने मिनरल लिया, मिनरल से हमने ओर लिया, ओर का भी हमने कॉन्सेंट्रेशन किया, ओर का हमने ऑक्सीडेशन किया, रिडक्शन किया, ठीक है, और फाइनली बहुत सारे मेथड, बहुत सारे स्टेप्स करते 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 आज हमारी ट्रेन आ गई है अपने फाइनल स्टेशन पर। ठीक है, यानी कि हम करने जा रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स तो हमको मिल गया है, ठीक है, हमने स्टार्ट तो किया था मिनरल से, बहुत सारे उसके साथ इम्प्योरिटीज थी, बट धीरे धीरे करते करते एक 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 इम्प्योरिटीज को हटाते 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 फाइनली हम कहाँ पहुँच गए हैं? ऐसी जगह पर पहुँच गए जहाँ हमको मेटल मिल चुका है, बट ये मेटल अभी प्योर नहीं है। तो अब हमको क्या करना है? मेटल का करना है प्यूरिफिकेशन, क्योंकि मेटल में अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज हैं। हम चाहते हैं कि भाई हमने इतना लंबा प्रोसेस किया है, जब हमने इतना पेशेंस रख करके और इतना कुछ किया है, तो हमको जो मेटल मिले वो 100% मेटल जो है हमारा प्योर हो। तो हम 100% तो बेटा किसी चीज़ को कह नहीं सकते, हम इसको कहेंगे कि चलो 99.99%, इसको 100% ही माना जाएगा। तो 99.99% एटलीस्ट हमारा मेटल प्योर होना चाहिए, अगर हमने इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस किया है, मेटलर्जी इतना करते आ रहे हैं, और मेटल हमको जो मिलता है उस पर हमारे प्योरिटी की गारंटी होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? जो हमको मेटल मिला है उसका हम करेंगे रिफाइनिंग, यानी कि उसका करेंगे प्यूरिफिकेशन, और प्यूरिफिकेशन करने के बाद हमको मिलेगा प्योर मेटल। अब देखिए, प्यूरिफिकेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, बट क्लास 10th में आपके सिलेबस में जो प्यूरिफिकेशन का मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, और बेस्ट मेथड भी यही होता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बेस्ट मेथड है ये। तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, नाम से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट दे करके, यानी कि यहाँ पर हमको बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट दे करके और रिफाइनिंग कर रहे हैं, यानी कि हम प्यूरिफिकेशन का काम कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ को हटाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या रिफाइनिंग का एक ही मेथड होता है? बिल्कुल नहीं, रिफाइनिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार का मेटल है और उसमें किस प्रकार की इम्प्योरिटीज होने की पॉसिबिलिटी है, तो हम कौन सा मेथड करें। बट हमको यहां हमारे सिलेबस में सिर्फ एक पढ़ना है, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो इसमें चलिए देखिए हम एग्जांपल क्या लेके चलते हैं। आज हम लोग कॉपर, सपोज करो कि जो हमको ये मेटल मिला है वो कॉपर है, और कॉपर में कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी रह गई है। हम चाहते हैं कि हमारा कॉपर 99.99% प्योर हमको मिले, तो इसलिए हम करने वाले हैं कॉपर का प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो हमने एग्जांपल में ले लिया है कॉपर। जब हम प्यूरिफिकेशन करने जाएंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि हमको कुछ कॉपर ऐसे चाहिए होगा जो ऑलरेडी पहले से ही जो कि प्योर रहा होगा। ठीक है, तो हमको, हम क्या करेंगे, कुछ प्योर जो कॉपर रहा होगा हमारे पास पहले से अवेलेबल है, उस प्योर कॉपर का हम बनाएंगे पतला सा रॉड बनाएंगे। ठीक है, मतलब रॉड यानी कि उसी कॉपर का एक पतला सा रॉड बनाया जाएगा, जिसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे। जब हम उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोड। यानी कि जो हमारे पास प्योर कॉपर पहले से अवेलेबल होगा उसका हम बनाएंगे कैथोड। ठीक है, उसका इलेक्ट्रोड बनाएंगे, और उस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ करके, जैसा यहां हम देखेंगे, उस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ करके हम बना देंगे कैथोड। तो हमारे पास जो प्योर कॉपर पहले से अवेलेबल होगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे, उसका हम बनाएंगे कैथोड, और जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, जो कॉपर का मेटल मिला है जिसको हमको प्योर करना है, जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर है, उस इम्प्योर कॉपर को उसका हम बनाएंगे मोटा सा रॉड। ठीक है, उसका मोटा सा रॉड बनाएंगे और उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे। ठीक है, और तब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एनोड। ठीक है, तो हम इम्प्योर कॉपर जिसको हम प्योर करने जा रहे हैं उसका मोटा रॉड बनाएंगे, और वो होगा हमारा एनोड। ठीक है, वो किस प्रकार का मोटा रॉड बनाएंगे, और उसको हम बैटरी से कनेक्ट करके इलेक्ट्रोड में कनेक्ट कर देंगे, और बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, इसलिए वो कहलाएगा एनोड, और बैटरी के नेगेटिव से जो हमारे पास पहले से प्योर कॉपर पड़ा हुआ था उसको हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ करके बना लेंगे कैथोड। ठीक है,
तो कॉपर का आप करने जा रहे हैं तो तैयारी तो करनी पड़ेगी बच्चों, है ना, कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मटेरियल हमको चाहिए। तो हम वो मटेरियल ही अरेंज कर रहे हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ें हम ले लें और उसके बाद हम चलेंगे अपना करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो हमने कैथोड ले लिया, प्योर कॉपर हमारे पास पहले पड़ा हुआ था उसका हमने कैथोड बना लिया, और हमारे पास इम्प्योर कॉपर जो मिला था हमको उसका हमने बना लिया एनोड। उसके बाद बच्चों हम ले लेंगे देखो इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब, यदि आपने कॉपर, है ना, करना क्या है हमको कॉपर मेटल को, यदि प्योरिफिकेशन हमको कॉपर का करना है तो सारी चीज़ें कॉपर की ही होनी चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें इम्प्योरिटीज़, किसी दूसरे इम्प्योरिटीज़ की कोई गुंजाइश ही ना हो। ठीक है, तभी तो आप 99.99% आप श्योर रहेंगे कि आपका कॉपर क्या है, प्योर है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमने प्योर कॉपर का कैथोड बनाया, इम्प्योर कॉपर का हमने एनोड बनाया, और हमको केवल कैथोड और एनोड से तो होगा नहीं, एक मीडियम तो चाहिए वहां पर। ठीक है, तो जो लिक्विड मीडियम यानी कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, कॉपर का ही सॉल्ट, कॉपर का बना हुआ सॉल्ट। इस सॉल्ट का हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी कि कॉपर का सॉल्ट हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, CuSO4, कॉपर का ही बना हुआ सॉल्ट होना चाहिए ताकि इम्प्योरिटीज की गुंजाइश ना हो। ठीक है, तो कॉपर का हमने सॉल्ट ले लिया, इसको पानी में हमने डाल करके और उसका सॉल्यूशन तैयार कर दिया। तो ये कौन सा तैयार हो गया सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पर CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन हमने तैयार कर लिया जो कि क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो हमने कैथोड ले लिया, हमने एनोड ले लिया, हमने इलेक्ट्रोलाइट्स बना लिया। ओके, तो तीन चीजें यहां पर रेडी हो गई। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए केवल बैटरी, है ना। अब हमने बैटरी लिया और बैटरी लेकर के पूरा सेटअप हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहां किस तरीके से काम हमको करना है। देखिए, अब हमको बच्चों क्या करना है कि बैटरी ये है। ठीक है, बैटरी में मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है, इस तरीके से बैटरी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है। इस तरीके से यहाँ पर हमने बैटरी लगा दिया। ठीक है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक तरफ हमने पॉजिटिव ले लिया, दूसरी तरफ हमने नेगेटिव ले लिया। नेगेटिव से हमने एक पतला सा रॉड, ये हमने प्योर कॉपर का, कॉपर मेटल जो हमारे पास पहले से था उसको हमने इसके साथ अटैच कर दिया, और ये जो बन गया हमारा, ये क्या बन गया, कैथोड। ठीक है, क्योंकि इसको हमने बैटरी के नेगेटिव से अटैच किया है। ओके, अब देखिए जो सामान था अब उसका हम सेटअप कर रहे हैं। दूसरा हमने क्या किया बच्चों, दूसरा हमने किया ये कि जो हमारे पास इम्प्योर मेटल, इम्प्योर कॉपर जो हमारे पास था, उस इम्प्योर कॉपर को हमने क्या किया, उसका मोटा सा रॉड लेकर के और उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, और ये बन गया हमारा एनोड। ओके, इतना सब करने के बाद इसमें हमने सॉल्यूशन ले लिया, इसमें, है ना, इस कंटेनर में जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो सॉल्यूशन क्या है, CuSO4। जैसा मैंने भी आपको बताया, CuSO4 को हम क्या करेंगे, उसको वाटर में हम सॉल्वल कर देंगे। ठीक है, तो वो उसका ये बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, SOL के पावर N लिख देंगे, तो ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन हमने यहां पर ले लिया। ठीक है, CuSO4 का हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन। तो बच्चों हमने यहाँ पर ले लिया CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, CuSO4 का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, है ना, यानी कि CuSO4 वाटर में घुला हुआ है, तो जब CuSO4 सॉल्ट को लेकर के जब इसको हम पानी में घोलेंगे तो पानी में, वाटर में जाने पर ये क्या होगा, ये टूट जाएगा अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, यानी कि Cu++ और SO4- में ये टूट जाएगा। मतलब इसमें हमको कैटायन Cu++ और एनायन SO4-, इस पूरे सॉल्यूशन में हमको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन में एक्वा सॉल्यूशन है ये, और पूरे सॉल्यूशन में CuSO4 जो है वो क्या है, ये वाटर में घुला हुआ है। ठीक है ना, तो पानी में हमने CuSO4 को घोल करके, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि इसका ये एक्वा सॉल्यूशन ये हमने ले लिया। ठीक है, तो हमने क्या क्या ले लिया, हमने ले लिया कैथोड, हमने ले लिया एनोड, हमने इसमें भर दिया यहां पर CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमने ले लिया, और इस इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास बहुत सारे आयन है, कौन से, हमारे पास बहुत सारे आयन है Cu++ के और SO4- के। ओके बच्चों, इतनी आपको बात क्लियर हो गई। अब देखिए, ये सारा काम करने के बाद जब हमारा पूरा सेटअप तैयार हो गया, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, सेटअप तैयार होने के बाद अब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, यानी कि बैटरी से तो कनेक्ट कर दिया था हमने, बट अब करंट देना भी तो पड़ेगा। तो जैसे ही बच्चों हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, स्विच ऑफ और स्विच ऑन, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया यहां पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, और जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, वो सारी चीजें मैंने बहुत शॉर्टकट में यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, एकदम आप बहुत आसानी से इसको आप याद
याद कर लेंगे। देखिए तो प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस होगा ये कि प्रोसेस हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये जो है पूरा रॉड, इस पूरे रॉड पर बच्चों क्या है, इसमें इम्प्योर, यही तो हमारा है ना कॉपर, इसी कॉपर को हमको प्यूरीफाई करना है। जब हमको प्यूरीफाई करना है तो इसका मतलब कि इसमें कॉपर भी होगा और कॉपर के साथ साथ इसमें इम्प्योरिटीज भी होगी। हम चाहते हैं कि इम्प्योरिटीज तुम वहीं रुको और कॉपर उसमें से बाहर आ जाए, ठीक है ना। कॉपर को उसमें से हम बाहर खींच करके निकाल लेंगे, तो हमको यहाँ से कॉपर को बाहर निकालना है। ओके तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, कॉपर जो Cu होगा वो Cu क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन अपने में से निकालेगा, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन यानी कि निकाल रहा है, तो हमने क्या लिखा है यहां पर, माइनस टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो कॉपर से दो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक है। जब कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu++ में, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस कहां हो रहा है बच्चों, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है आपके इस एनोड पर, ठीक है ना। यहां पर होगा क्या, देखिए यहां पर आपका Cu पहले से अवेलेबल है, ठीक है। और Cu के साथ मान लो कि ये इम्प्योरिटीज भी रही होगी, है ना, जो कि इम्प्योरिटीज है। हम चाहते हैं कि इम्प्योरिटीज तुम वहीं रुको, हमको तुम्हारे से कुछ लेना नहीं है, हमारे को बस Cu दे दो, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये कॉपर जो है ना वो यहां से निकल करके बाहर आ जाए और केवल कॉपर ही आए, ठीक है। तो हम अब यहां पर क्या करेंगे, हम कि ये Cu जो है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, Cu से दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रॉन ये Cu क्यों निकाल रहा है, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और जो कैथोड है ना, तो बैटरी का जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है ना ये बच्चों, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसको अपनी तरफ अटैच करेगा, नेगेटिव को। नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो बैटरी से जुड़े होने की वजह से इस एनोड पर ये प्रोसेस होगा कि जो इस पर कॉपर होगा ना, यहां पर इस रॉड में, वो कॉपर दो इलेक्ट्रॉन अपने में से निकालेगा, यानी कि ये प्रोसेस यहीं पर हो रहा है। कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन अपने में से रिमूव किया, तो दो इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस वजह से कॉपर के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कॉपर के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो दो पॉजिटिव चार्ज आएगा और कॉपर क्या होगा, इस सॉलिड को, है ना, इसको छोड़ करके कॉपर इस सॉल्यूशन के अंदर जंप कर जाएगा, यानी कि अब सॉल्यूशन के अंदर Cu++ आ गया, ठीक है। तो रॉड से कॉपर Cu++ के फॉर्म में जंप कर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो आपका सॉलिड रॉड है और सॉलिड के अंदर आयंस तो होते नहीं है, सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो सॉलिड के अंदर जब ये आयन में कन्वर्ट हो गया, जब ये सॉलिड फॉर्म में था Cu, ये पूरा हमारा रॉड सॉलिड है, पूरे सॉलिड रॉड में जब Cu हमारा सॉलिड था तो Cu वहीं पर कॉपर में ही था, लेकिन जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया और जैसे इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकला, है ना, यानी कि प्रोसेस जैसे ही ऑक्सीडेशन का हुआ, दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जैसे ही Cu ने दो इलेक्ट्रॉन निकाला, ये Cu++ में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये Cu++ में कन्वर्ट हो गया तो वो इस रॉड पर नहीं रह सकता, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोड को छोड़ करके इसको जाना पड़ेगा, तो ये क्या करता है, यहां से जंप कर जाता है, कहां, इस सॉल्यूशन के अंदर, ये पूरा इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसी सॉल्यूशन के अंदर जंप कर गया, ठीक है। यानी कि हुआ क्या, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, कॉपर यहां पर था, कॉपर देखा कि अच्छा स्विच ऑन हो गया है और कॉपर से दो इलेक्ट्रॉन निकला, कॉपर से दो इलेक्ट्रॉन निकला तो कॉपर के ऊपर क्या आ गया, दो पॉजिटिव चार्ज आ गया और कॉपर Cu++ के फॉर्म में चेंज होकर के और जंप कर जाता है सॉल्यूशन में, ठीक है। यानी कि जितने भी इसमें कॉपर होंगे, सारे कॉपर जो एक कॉपर कर रहा है, पीछे से सारे कॉपर वही करेंगे, सब Cu++ के रूप में चेंज होकर के और छलांग मार देंगे किसमें, इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो एक ने छलांग मारी, ठीक है, बड़ा मजा आया ओहो तैरने में, है ना, दूसरे ने भी छलांग मारी, तीसरे ने भी छलांग, यानी कि ये पूरा रॉड जो है धीरे धीरे करके ये रॉड क्या होगा, गलना शुरू कर देगा, कम होना शुरू कर देगा। आप देखते जाएंगे, देखते देखते ही ये रॉड क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, कुछ इस तरीके से ये रॉड धीरे धीरे पतला होता जाएगा, ठीक है, इसमें से निकलता जाएगा। ये पतला क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर यहां से Cu++ बना रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके क्या कर रहे हैं, पानी में जम कर जा रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन उन्होंने छोड़ा और दो इलेक्ट्रॉन कहा कि ठीक है तुम तो जाओ, है ना, और खुद क्या है Cu++ के फॉर्म में क्या किया उन्होंने, पानी में जंप मार दिया, ठीक है। तो ये बार बार सारे के सारे जो है वो Cu++ के फॉर्म में यहां आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखिए, जैसे स्विच ऑन किया, कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन निकाला तो Cu++ में कन्वर्ट हो गया, Cu++ में कन्वर्ट होकर के सॉल्यूशन में जंप मार दिया, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में ये जंप मार दिया। एक्वा सॉल्यूशन में जंप मारने के बाद जाएंगे कहां, ये जो हमारा कैथोड है ना, ये कैथोड है, यानी कि बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, मतलब इसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज है। वो नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, देखिए बच्चों, कुल मिलाकर के हुआ ये कि जो दो इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर छोड़ा था ना, वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करते 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 और वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका है, किस पर,
कैथोड पर, ठीक है। तो वो दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, दो, देखिए मैं ऐसे ही बना देती हूँ, चलिए दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया है, इस पर आ गया है, इस वजह से इस रॉड पर क्या आ गया, पूरा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ये रॉड क्या करेगा, इस यू प्लस प्लस को अपनी तरफ बुलाएगा कि आ जाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस सारे सी यू प्लस प्लस को, जो सी यू प्लस प्लस जंप कर रहे थे इसमें, यहां जंप करने के बाद अब इनको ये अपनी तरफ खींच लेंगे और ये जाकर के इसके ऊपर जम जाएंगे, ठीक है। दूसरा सी यू प्लस प्लस आया, वो भी इसके ऊपर जम गया, तीसरा आया वो भी इसके ऊपर जम गया, ठीक है। तो इसके ऊपर ये डिपॉजिट होते जाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर ये डिपॉजिट होते जाएंगे। आप कहेंगे कि इस रॉड के ऊपर सी यू प्लस प्लस के फॉर्म में नहीं रह सकता था, तो यहाँ ये सी यू प्लस प्लस के फॉर्म में कैसे रहेगा, अगर ये सॉलिड है और सी यू प्लस प्लस यानी कि आयन हो गया और ये इस सॉलिड में नहीं रह सकता क्योंकि ये आयन है, तो ये इस पर कैसे रहेगा। इस पर ये इसलिए रहता है क्योंकि अब इसको आयन में रहने की जरूरत नहीं है। ये रॉड कहता है कि CU++, CU++ को ये इनविटेशन देता है कि तुम आ जाओ, मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। CU++ कहता है कि मैं आ तो जाऊं, है ना, आपके पास नेगेटिव चार्ज है, आप मुझे खींच रहे हो, तो मैं आ जाऊंगा। CU++ वहां चला तो जाएगा, बट CU++ के फॉर्म में इसके ऊपर डिपॉजिट कैसे होगा। तो ये कहता है कि इसकी भी चिंता मत करो, तुम्हारे ये प्लस चार्ज को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो CU++ जो है, ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया, इनके पास तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन था, CU++ को इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब दो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो दो नेगेटिव चार्ज दो पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CU में, वापस कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले भी यहां पर कॉपर ही था, ठीक है, और वापस यहां पर कॉपर में ही कन्वर्ट हो गया। तो हुआ लेकिन क्या हुआ, ये कि घर बदल गया, है ना, पहले वहां थे, ठीक है, और हम चाहते थे कि नहीं, हम उन सारे को इनविटेशन नहीं दे सकते, वहां से तुम ही आओ, लेकिन तुम वहां से छोड़ करके इस घर में आ जाओ, ठीक है। तो केवल यहां पर घर चेंज हुआ है, पहले कॉपर यहां था और कॉपर के फॉर्म में ही था, यानी कि सी यू के फॉर्म में ही था, पहले भी सी यू के फॉर्म में था, बाद में भी दो इलेक्ट्रॉन लेकर के ये सी यू के फॉर्म में ही चेंज हो गया, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो पहले भी न्यूट्रल था सी यू, अभी भी सी यू न्यूट्रल है, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि इसका घर बदल गया, यहां से कॉपर जंप करके यहां आया, यहां से जंप करके यहां गया, धीरे 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 ये पतला वाला रॉड क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, ये ठीक होता जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर सी यू आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, और सी यू का, कॉपर का क्या होता जाएगा, इस पर डिपॉजिट होते जाएंगे ये, ठीक है। तो सी यू इस पर डिपॉजिट होते जाएंगे और धीरे 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 ये रॉड क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, और ये रॉड क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा, और पतला होते होते धीरे 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 देखेंगे आपके एकदम पतला बारीक हो जाता है ये, ठीक है। तो एकदम पतला हो गया क्योंकि इसमें से सारे CO2 निकल, कॉपर निकल रहे हैं और कॉपर इस पर जाकर के क्या होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं, ठीक है। अब यही, सिर्फ हमने यही किया है, वहां से निकाला और यहां जमा किया, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ, फायदा यह हुआ कि यहां से सिर्फ कॉपर ही इसके ऊपर जमा होगा, इसमें जो इम्प्योरिटीज होगी ना वो इम्प्योरिटीज नहीं जाएगी, ठीक है। कॉपर ही सिर्फ यहां से जंप करके यहां जा रहा है, यानी कि इस रॉड को जब आप बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, ये धीरे धीरे करके जब मोटा हो जाएगा ना, ये इस रॉड को जब आपने बाहर निकाला तो आपको जो कॉपर, पहले आपने थोड़ा सा कॉपर दिखाया और ढेर सारा आपको कॉपर मिला, और ये कॉपर क्या है, प्योर कॉपर है, यही तो चाहिए था आपको, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं ना, यानी कि प्यूरिफिकेशन, यानी वो प्योर कॉपर चाहिए, कॉपर के साथ हमको इम्प्योरिटीज़ नहीं चाहिए, तो इम्प्योरिटीज़ तो यही रह गई, और इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो न्यूट्रल होती है, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ न्यूट्रल है, तो यहाँ से वो गिर करके और इसी के नीचे, है ना, एनोड के नीचे ही ये कीचड़ के रूप में इकट्ठा हो जाती है, जिसको बोलते हैं एनोड मड, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो एनोड मड के रूप में एनोड के नीचे ही यहीं पर स्टोर हो जाती हैं, और जो हमारा कॉपर है वो कॉपर जाकर के डिपॉजिट हो जाता है हमारे प्योर वाले कॉपर के साथ जाकर के मिल जाता है। पहले से हमने एक प्योर कॉपर लगाया था, उसी के साथ आकर के और बहुत सारे प्योर कॉपर लग गए, तो हमको एटलीस्ट फाइनली हमको क्या मिल गया, बहुत सारा प्योर कॉपर मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हमने ये प्योरिफिकेशन का प्रोसेस डन कर लिया। तो बच्चों यहां पर जो भी प्रोसेस ये हुआ है, ठीक है, इस प्रोसेस को आप यहां देख लीजिए एक बार, देखिए एट एनोड, यानी कि एनोड पर यहां पर क्या रिएक्शन हुआ, तो एनोड पर हुआ क्या, सी यू कॉपर जो है वो किस में चेंज हो गया, सी यू प्लस प्लस में चेंज हो गया,
कॉपर Cu++ में चेंज होता है, दो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गए कॉपर से, दो इलेक्ट्रॉन जो कॉपर से निकले हैं तो यहाँ से आप -2 इलेक्ट्रॉन यहाँ की करिए या एरो के इधर आ जाएगा तो ये +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन कॉपर से निकल गए, कॉपर चेंज हो गया Cu++ में, और ये जो हमारा प्रोसेस होता है ये होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जिस भी रॉड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, यानी कि एनोड जो होता है उस पर ऑक्सीडेशन का कार्यक्रम ही होता है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा, अब इसी कॉपर को बुलाया जाएगा और इसी इलेक्ट्रॉन को, यही इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को लेकिन दूसरे रॉड पर, घर बदल गया हमारा, ठीक है, घर अब कौन सा हो गया, कैथोड। कैथोड पर इसी कॉपर को Cu++ को बुलाया गया और इसी का दो इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर दिया गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया Cu में, लेकिन यहां पर घर बदल गया, अब ये आ गया किस में, कैथोड पर आ गया, ठीक है। अब कैथोड पर Cu++ ने दो इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए ये प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारा, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना, तो यहां पर प्रोसेस कौन सा हुआ, रिडक्शन। जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो कहलाता है कैथोड। कैथोड पर ऑलवेज कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है, जो कि यहां पर लिखा गया है। ओके बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई, एक बार यहां पर वापस इसको देख लीजिए, एकदम फटाफट देखिए क्या हुआ, मोटा रॉड हमने लगाया था कॉपर का, कॉपर का जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो कॉपर ने क्या किया, Cu++ बना करके कॉपर जम कर गए, कहां, इसमें इस सॉल्यूशन में जम कर गए, और सॉल्यूशन में जैसे ही Cu++ आते हैं तो यहां से जो दो इलेक्ट्रॉन निकला था वो दो इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर के और इस पर बहुत सारा इसको नेगेटिव चार्ज में चेंज कर देता है। अब यहां पर इतना सारा नेगेटिव चार्ज होता है कि वो नेगेटिव चार्ज क्या करता है कि पॉजिटिव को अपनी तरफ अटैच करता है, आजा आजा आजा, ठीक है, जितने भी Cu++ है ना, इधर से जो भी Cu++ आ रहे हैं सबको अपने साथ क्या करता जाएगा, ये चिपकाता जाएगा और इसके ऊपर ये सारे जमा होते जाएंगे, ठीक है। कैसे चिपक रहे हैं, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले आ रहे हैं उनको ये न्यूट्रल कर दे रहा है दो दो इलेक्ट्रॉन देकर के, ठीक है, सबको दो इलेक्ट्रॉन का लालच दिया जा रहा है, ठीक है। इधर से Cu++ आया, इसको दो इलेक्ट्रॉन दो, इसको अपने पास बुला लो, इधर से Cu++ आया, दो इलेक्ट्रॉन दो, इसको अपने पास जमा कर लो, ठीक है। तो दो आते जाएंगे Cu++++ आते जाएंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन इनको देते जाओ और इनको अपने ऊपर इकट्ठा करते जाओ, धीरे धीरे इनका संगठन काफी बड़ा हो जाएगा, ये काफी थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं ये, और ये रॉड जो मोटा हुआ है इसमें केवल आपको Cu++ ही मिलेगा, इंप्योरिटीज नहीं मिलेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि अब हमारा जो ये कॉपर है ये 99.99% प्योर कॉपर है, 100% प्योर कॉपर है, ठीक है। तो ये हमारा प्योर कॉपर हमको मिल जाता है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में भी पहले से Cu++ मौजूद है, मैंने आपको बताया था कि CuSO4 का हमने ये सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में पहले से ही क्या मौजूद है, Cu++ पहले से भी मौजूद यहां पर होते हैं और ये Cu++ ट्रेवल करके यहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने ये प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस कर लिया, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये पूरा हुआ क्या क्या वो पूरी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि स्विच ऑन हुआ, कॉपर से दो इलेक्ट्रॉन निकला, दो इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर ++ में चेंज हो गया, फिर ये सोल्यूशन में जंप कर गया, सोल्यूशन में जंप करते ही कैथोड ने इसको अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। कैथोड ने उसको बुलाया, उसको दो इलेक्ट्रॉन दिया कि लो ये दो इलेक्ट्रॉन खाओ और खा करके तुम CU में चेंज हो जाओ और मेरे ऊपर डिपॉजिट हो जाओ, और ये सॉलिड के फॉर्म में उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमने प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कर लिया, और इसके साथ ही बच्चों हमारा ये चैप्टर मतलब मेटलर्जी का प्रोसेस खत्म, ठीक है। मेटलर्जी हमने कर लिया, मेटलर्जी का मतलब ही चैप्टर जो हमारा क्लास 10th का ये है, मेटलर्जी का मतलब ही होता है कि हमको मेटल तो हमको मिल गया है, ठीक है ना, हमने खुदाई की है वहां से हमको मेटल मिला, लेकिन उस मेटल के साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज थी, एक एक प्रोसेस करते करते हमने सारी इंप्योरिटीज को हटाते और फाइनली जो हमको मेटल मिला है उसमें से हमने उस जो हमको खुदाई के दौरान जो पत्थर वगैरह मिला था जिसमें मेटल था उसमें से हमने फाइनली क्या कर लिया, मेटल निकाल लिया है, ठीक है। और ये मेटल हमारा क्या है, प्योर है ना, प्योरिफिकेशन कर लिया हमने प्योर, यानी कि हमारा वहां से लेके यहां तक का सफर, ट्रेन जहां से स्टार्ट हुई थी ओर से स्टार्ट हुआ था ट्रेन, ओर क्या बल्कि मिनरल से हमारा ट्रेन स्टार्ट हुआ था और चलते चलते कई स्टेशन पर रुकते फाइनली जहां हमको पहुंचना था वहां पहुंच चुके हैं, यानी कि हमको प्योर मेटल मिल चुका है, ठीक है बच्चों। तो मेटलर्जी का ये टॉपिक यहीं खत्म हो जाता है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके आगे का टॉपिक, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, हैव नाइस।